साथियों मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तबाल करता हूं खैर मकदम करता हूं वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर एक बार आप तमाम हजरा ये बताइए हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे YouTube चैनल GS Online को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा सभी लोग आज जो है महामैराथन क्लास है कंप्लीट उर्दू थ्योरी और एन और साथियों आर एक्ट और एन ई पी दो हजार बीस और अहम उसके बाद लगभग सात प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे सात सेट कराएंगे काफी लंबा क्लास होगा बस आप लोग हिम्मत और जज्बा और जुनून के साथ आज इस पूरे क्लास को देख लीजिए अगर आपने एक दिन भी साथियों उर्दू पेडागोजी का क्लास नहीं किया होगा तो इस क्लास को यह मेरा दावा है कि अगर आपने शांति से और अच्छे ढंग से पूरे क्लास को अगर सुन लिया तो साथियों आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और आपको उर्दू पेडागोजी हल करना भी आ जाएगा ठीक है सभी का वेलकम है मोस्ट वेलकम है साथियों चलिए बड़े जोश और खरोश के साथ आप लोग जुड़े हैं चलिए और जितने भी लोग जुड़े हैं सभी का वेलकम है एम डी मुजाहिद हुसैन हसरत परवीन एम डी सज्जाद हुसैन शहबाज जी सभी का वेलकम है और सैयद तलहा नगमा सुल्ताना एम डी यासिर और जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एम डी इबारतुल्ला जी रिजवाना परवीन सभी का वेलकम है चलिए शुरू करते हैं अगर आप में से कोई ऐसे साथी हैं जो हमारा ऑफिशियल पैड ग्रुप नहीं लिए हुए हैं तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि ये कंप्लीट नोट्स भी हमने इसका तैयार किया है मास्टर नोट्स नाम से इस टाइप का उसका फ्रेम होगा और इसके अंदर आपको उर्दू हिंदी के मुश्किल अल्फाज होंगे देखिए ऐसे तो उर्दू हिंदी डिक्शनरी नहीं कहेंगे इसको इसलिए कि डिक्शनरी के अंदर हजारों हजार शब्द होते हैं उन तमाम को याद करना बहुत कठिन होता है लेकिन जो आपको हिंदी में मुश्किल हार्ड हार्ड लफ्ज पूछे जाते हैं उसको हमने साथियों तैयार किया है एक साथ जमा किया है वो और जिसके अंदर सात प्रैक्टिस सेट और मुकम्मल उर्दू पेडागोजी थ्योरी एनसीएफ और एनएपी और साथियों आरटी एक्ट ये सब अगर आप चाहते हैं कि हमें पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाए तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा आपको मिल जाएगा अभी नहीं कीजिएगा कल क्या एट टू नाइन टू जीरो नाइन सेवन या फिर इस नंबर पे सत्तासी सत्तावन दो सो बीस और पांच सो पैंतालीस ठीक है ना इस पर आप रहा कर लेंगे या फिर आप जीएस ऑनलाइन साथियों लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में उसको डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से आप देख लेंगे ठीक है ना देखिए आज इस पूरे पहले हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि आज के इस नोट्स के अंदर अगर मैं बात करूं साथियों तो सबसे पहले हमने रखा है उर्दू हिंदी लोगत एक दिन मैंने आपको पढ़ा दिया था उर्दू हिंदी लोगत इसलिए हम आज इसको नहीं पढ़ाएंगे हम सबसे पहले चलेंगे थ्योरी पढ़ाएंगे थ्योरी के बाद हम साथियों अहम अहम निकात तब तो प्रैक्टिस सेट लास्ट में चलेंगे ठीक है ना तो उर्दू हिंदी का जो लोगत है जे उर्दू हिंदी का जो लोगत है वो साथियों इससे पहले मैंने पढ़ा दिया है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा उसको आप देख लीजिएगा लेकिन नोट से इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए ये सब तो आप जानते ही हैं कि माली जाति इसलाही तदरीस उपचारात्मक शिक्षण इकतिस अर्जन इदराकी वकूफी संज्ञानात्मक तरसील सम्प्रेशन ये सब आपको पता है इसलिए इसको पढ़ाने की अभी जरूरत मैं नहीं समझता हूं मैं चलता हूं डायरेक्ट आगे ठीक है ना चलिए एक बार वीडियो को लाइक कीजिए आज पूरा पूरी पांच हजार तक पहुंचना है चलिए तो साथियों देखिए सबसे पहले हम चलते हैं उर्दू जबान के ऊपर उर्दू पेडागोजी आपको पढ़ना है थ्योरी देखते हैं जी सबसे पहले कुछ चीजें देखिए एक एक लाइन बाय लाइन हम लोग चलेंगे बिल्कुल शांति से आईने हिंद के आठवीं शेड्यूल में मतलब हमारा संविधान का जो अनुसूची आठ है उसमें कुल 22 जबान शामिल है कितनी जबान शामिल है 22 जबान शामिल हैं जो मंदरजा जैल है देखिए कभी कभी आपको यह पूछेगा कि संविधान का आठवीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है किससे मुताल है तो वो जबान से मुतालिक है यानी भाषा से मुतालिक है अब उसके बाद यही बात याद रखे कितनी जबानों का उसके अंदर जिक्र है तो 22 जबानों का कुल जिक्र है जैसे कि आसामी बंगाली गुजराती हिंदी कन्नड़ कश्मीरी मलयालम मराठी उड़िया पंजाबी संस्कृत तमिल तेलुगु उर्दू सिंधी कोंकणी और मणिपुरी नेपाली और यह है साथियों बोर्ड और डोगरी मैथिली संथाली पिछले बार एग्जाम में यह पूछा गया था कि बोर्डो साथियों की और आठवीं अनुसूची में मंदरजा जैल में से कौन सी जबान है तो उसमें दिया गया था बोर्डो जो साथियों असम की क्या है वहां की जी राज्य का भाषा है ठीक है ना चलिए अब देखिए आगे देखिए यूनियन की सरकारी जबान मतलब हमारे देश की जो सरकारी जबान है वो कौन सी जबान है जबान से मुतालिक हिंदुस्तानी आइन के जुज सत्रह में है साथियों जुज सत्रह में इसका जिक्र है आर्टिकल तीन सौ तैतालीस के मुताबिक देवनागरी रसमुलख में लिखी गई जबान को मरकजी यानी सरकारी जबान करार दिया गया अब समझिएगा यानी हमारे भारत की जो सरकारी जबान है सरकारी जबान कौन सी है तो सरकारी जबान हिंदी है चूंकि हिंदी जो है वो देवनागरी रसमुलत में लिखी जाती है ठीक है ना ये बात आप याद रखिए लेकिन यह बात आप याद मतलब याद रखिएगा कि जो हिंदी है वह कौमी जबान नहीं है इसलिए कि हमारा जो भारत है वो एक कफीर लिसानी मुल्क है मतलब एक बहुभाषिक देश है यहां पर अलग अलग मजाहिब के लोग अलग अलग जबाने बोलते हैं इसलिए हमारे भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है यानी नेशनल लैंग्वेज संविधान के अंदर जिक्र नहीं है हां सरकारी भाषा साथियों है क्या हिंदी है ठीक है ना चलिए आगे देखिए आगे कहा गया कदीम या, या क्लास की जबान कदीम जबान बोले या कलास की जबान बोले यानी जिसको हम लोग शास्त्रीय भाषा बोलते हैं क्लासकी जबान वो जबान है जिसकी अपनी तारीख आजाद कवायद और असल अदबी जखीरा रखती है इसमें कुल छे जबान शामिल की गई है मतलब हिंदुस्तान की टोटल जो है छह जबान साथियों की जबान में शामिल है कौन कौन सी है तो एक एक करके आप उसको देख लीजिए पहला आपका है तमिल जबान जो 2004 में शामिल किया गया था संस्कृत जबान जो 2005 में शामिल किया गया था और तेलुगु जबान जो 2008 में शामिल किया गया था कन्नड़ जबान जो 2008 में शामिल किया गया था मलयालम जबान जो 2013 में शामिल किया गया था उड़िया जबान जो 2014 में तो तीन ऊपर वाला पार्ट हो गया और तीन नीचे वाला तो ये क्लास की जबान हो गई ठीक है ना अब उसके बाद देखिए एक चीज और आपको याद रखिएगा दफा तीन यानी आर्टिकल तीन सौ के मुताबिक आईने हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है अंग्रेजी बतौर सरकारी जबान बहुत ही भीवी आई है पिछले बार भर भर के इससे क्वेश्चन पूछा गया था उर्दू कौन सी जबान है सरकारी है कौमी है ए, हिंदी कौन सी जबान है सरकारी है या कौमी है तो अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे तो जो हिंदी जबान है वो सरकारी जबान है और रहा सवाल अंग्रेजी के बारे में तो अंग्रेजी जबान जो है साथियों वो बतौर माविन सरकारी जबान बतौर मुआविन सरकारी जमान का मतलब यह हुआ कि हेल्प करता है मतलब सरकारी जो कामकाज होगा जैसे मान लीजिए कि अदालत का कामकाज है वो अंग्रेजी के अंदर है ठीक है ना तो इसका जो जिक्र है वो संविधान के 343 सौ में साथियों यानी अनुच्छेद तीन सौ के अंदर किसका अंग्रेजी को बतौर मुआविन सरकारी जबान कहा गया है तो ये भाषा से संबंधित आप इसको याद रखिएगा चूंकि इससे एक नंबर का क्वेश्चन आपको हिंदी या उर्दू में देखने को मिलेगा और अगर कहीं एग्जामिनर के मन में आ गया तो हिंदी में भी देखने को मिलेगा उर्दू में भी देखने को मिलेगा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा इतने दिन पढ़ते पढ़ते आपको एक चीज और पता चल गया होगा देखिए जितने सारे लैंग्वेज हैं टोटल बाईस जबानों में साथियों सीटेट का जो है एग्जाम होता है जैसे आपका उर्दू है हिंदी है संस्कृत है कन्नड़ है मलयालम है तेलुगु है ठीक है ना गुजराती है जितनी सारी जबान है इस सारे जबानों का सिलेबस एक ही है मतलब अगर मान लीजिए कि आपका एक जबान का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो दूसरी जबान का भी हो जाएगा बस फर्क यह है कि वो ट्रांसलेट किया होता है ठीक है ना जी तो इसलिए अगर पूछेगा तो ऐसा नहीं कि गुजराती में अलग पूछेगा इसमें नहीं बस यह है कि वो गुजराती लैंग्वेज में होगा तो आपका हिंदी में भी पूछेगा तो भारत की जे सरकारी जबान या फिर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय भाषा तो राष्ट्रीय भाषा तो नहीं हो सकता ना हिंदी जी चलिए अब उसके बाद साथियों आगे देखिए दो तीन बातें और मैं कहना चाहूंगा जिक्रन सबसे तो पहले एक चीज जान लीजिए कि जब भी हम कोई ज़बान शुरू करते हैं भाषा शुरू करते हैं तो वहां पर एक चीज होती है बोली और एक होती है जबान बोली और जबान में फर्क क्या है इसको आप समझ लीजिए जैसे अभी हम लोग यहां पर पच्चीस सौ लोग जुड़े हुए हैं लगभग समथिंग में अलग अलग जगह से है सारे लोगों की मादरी जबान एक जैसी नहीं होगी और जो मादरी जबान आपकी है वो हमारी नहीं है जो हमारी है वो आपकी नहीं है ठीक है ना तो मादरी जबान का अगर कोई ये बोले कि हम फला घराने में पैदा हुए हैं हमारी मादरी जबान की कोई किताब है क्या नहीं आपकी किताब नहीं मिलेगी तो सबसे पहले ये ये बात याद रखिए कि जो बोली होती है उसका कोई लिखित रूप नहीं होता यानी तहरीरी रूप नहीं होता और बोली जो है ना ये एक महदूद इलाके में बोली जाती है मतलब ये इसका दायरा कम होता है और जब वही बोली बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं और वो डेवलप कर जाता है तो वो साथियों जबान हो जाती है यानी वो भाषा यानी लैंग्वेज कहलाती है और भाषा यानी जबान यानी लैंग्वेज जो है ना वो लिखित रूप में होती है यानी तहरीरी होती है ठीक है ना उसके उसूल होते हैं उसके कायदे होते हैं उसके कानून होते हैं लेकिन जो बोली है उसका कोई उसूल कोई कायदा कोई कानून नहीं होता ठीक है यहां तक क्लियर है चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं देखिए बोली और जबान बोली और जबान में क्या फर्क है एक एक करके हम लोग समझेंगे चीजों को जी समझिएगा दर हकीकत एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा बाद में हमें कहने का आवश्यकता ना पड़े चलिए बोली और जबान दर हकीकत बोली और जबान में कोई बुनियादी फर्क नहीं है मतलब चूंकि बोली ही डेवलप करता है तो जबान होता है तो इसके अंदर कोई बुनियादी फर्क नहीं है क्योंकि दोनों का इस्तेमाल एक ही तरह से किया जाता दोनों का इस्तेमाल इंसान जो है ना अपने जरूरियात को इस्तेमाल करने के लिए करते हैं जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी तो आप बोलेंगे जी हमको कोई जरूरत है तो हम बोलेंगे ठीक है ना तो बोली और जबान में कोई बुनियादी फर्क है, नहीं है लेकिन बोली और जबान बोली जबान के मुकाबले एक छोटे इलाके या किसी मखसूस गिरोह के दरमियान बोली जाती है अब बोली की कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती जो बात मैंने अभी आपको बताया कि बोली की कोई भी लिखावटी रूप नहीं होता और इसकी कोई मुनजम शक्ल और जवाबित नहीं होते किसके बोली के इसमें अक्सर तब्दीलियां आती रहती हैं अब देखिएगा कि साथियों आता है कि हर 20 किलोमीटर के दायरे पर क्या होता है बोली चेंज होती रहती है उसके साथियों रूप बदलता रहता है जबकि जबान एक वसी तर नजरिया है मतलब जबान जो है बोली के मुकाबले ज्यादा दा साथियत इसका दायरा वसी होता है ऐसा नहीं है कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश जहां जहां उर्दू बोली जाती है वो सब इसी को बोलेंगे लेकिन जो आपकी मादरी जबान है वो एक खास दायरे में है ठीक है ना तो जबान और साथियों बोली में यह फर्क है जबान के मुतना असूलो जवाबित होते हैं मतलब जो जबान है उसके क्या होते हैं कायदे होते हैं कानून होते हैं इसकी मीयारी और तहरीरी शक्ल होती है इसका हल्का वसी होता है चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं जबान क्या है जबान क्या है यानी भाषा क्या है लैंग्वेज क्या है जबान बोलियों के मजमुआ का नाम है देखिए बहुत सारे बोली मिलकर एक जबान का निर्माण होता है तो बोला जाए कि जबान बोलियों के मजमुआ का नाम है जबान का लिसानियत यानी भाषा विज्ञान कहलाता है। मतलब जो जबान पर रिसर्च करते हैं ना तो उसको कहा जाता है भाषा विज्ञान जबान बातचीत करने अपने ख्याल एहसासात जज्बातों तजर्बात को लफ्जों के सांचे में ढाल कर बोलने के तरीकों का नाम जबान है अब कोई पूछे कि भाई जबान किसको है अगर मान लीजिए के साथियों हमको यह बोला जाए कि जबान क्या है जबान यह है कि हम तमाम लोगों को कुछ समझा रहे हैं तो आप कैसे समझ रहे हैं? जिसके ज़रिया समझ रहे हैं बीच में माध्यम क्या है तो भाई बीच में एक माध्यम है वो माध्यम क्या है जो साउंड आप सुन रहे हैं उस साउंड के ज़रिया यानी हम आपको उर्दू में समझा रहे हैं तो मैं अपने एक्सप्रेशन को मैं अपने विचार को मैं अपने ख्याल को मैं अपने जज्बात को आप तक कैसे पहुंचा रहे हैं तो जबान के जरिया। तो ये जबान बीच में क्या है साथियों वास्ता बना यानी वसीला बना और इसी को बोलते हैं तरसील और इसी को बोलते हैं संप्रेसन और इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन कल साथियों फीफा वर्ल्ड कप हुआ था आप लोगों ने देखा होगा तो बीच में कम्युनिकेशन क्या बना आपने देखा होगा मोबाइल पे तो मोबाइल क्या हो गया आपका कम्युनिकेशन हो गया तो आप हमारे दिल में क्या चल रहा है आप तक कैसे पहुंचाऊं तो साथियों हम किसका यूज़ करते हैं भाषा का यूज करते हैं है. तो ये भाषा क्या है कम्युनिकेशन का एक माध्यम है एक जरिया है ठीक है ना तो जबान बातचीत करने अपने ख्याल एहसास जज्बातों तजर्बात को लफ्जों के सांचे में ढालकर बोलने के तरीकों का नाम ही क्या है जबान है ज़बान इंसान के खयालत जज्बात एहसास और जरूरियात की तरसील का वसीला है मतलब एक जरिया है एक माध्यम है ठीक है ना बात नहीं कीजिएगा ज्यादा आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि चार से पांच घंटे का क्लास होगा बेहतर से बेहतर माहौल बनाइएगा और ताकि साथियों मैं जो नहीं भी पढ़ाना चाहूंगा वो भी आपको पढ़ा दू जी ठीक है ना समाजी तहमलात का नतीजा है अब तहमलात का मतलब क्या होता है साथियों कि जब हम लोग चूंकि मनुष्य यानी इंसान जो है वो समाजी प्राणी है यानी वो समाज में रहने वाला है उसके जरूरियात एक दूसरे से पढ़ते हैं तो वो साथियों एक जरूरियात जो एक दूसरे से पढ़ते हैं तो उस जरूरियात को पूरा जो हम लोग करते हैं वो किससे तो बीच में माध्यम बढ़ता है क्या साथियों भाषा तो तामलात का मतलब होता है कि बातचीत वार्तालाप जी तो समाजी तमुलात तामुला, का नतीजा क्या है जबान है जबान का मुताला इल्मे लिसानियात कहलाता यह ऊपर आ गया था दोबारा यह रिपीट हो गया चलिए अब जबान जो है ना जबान तीन तरीके का होता है एक जबान है इशारों की जबान दूसरी जबान है आवाजों की जबान तीसरी जबान है अलामतों की जबान समझिएगा आप पढ़ने लगते हैं मान लीजिए बहुत सारे लोग झगड़ा करते हैं टीचर आपके सामने ऑफलाइन पढ़ा रहा है कोई बच्चा बोलता है ऐसे करता है क्या समझा आपने इशारा किया उन्होंने कहनी मार दिया आपको चुप हो जाओ बैठ जाओ आपको चिट्ठी काट लिया इशारा समझा कोई साथियों आप पूछोगे कि भाई हमको फला जगह जाना कोई आपको इशारा से ऐसे बता दिया या कोई आंख दिखाएगा चुपो चुपो सर आ रहे हैं तो ये सब क्या इशारों की जबान है और अलामतों की जबान ये हुआ कि अगर हम ये बोले ए तो ए की अलामत कैसे होगी ए की अलामत ऐसे होगी यानी ए का निशान कैसा होगा ऐसा होगा अगर हम बोले बी तो बी की अलामत ऐसी होगी कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है वो बी ऐसे बोल दिया कि बी ऐसे होगा तो वो अलामत गलत यूज कर रहा है। तो अलामत की जबान ये हुई तो जो लिखावटी तहरीरी है वो अलामतों की जबान है लेकिन ये अलामत की जबान उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक इसमें साउंड न दिया जाए यानी आवाज तो ये साथियों जब तक इसके अंदर हम साउंड न देंगे तब तक ये बेकार है इसका कोई यूज नहीं हो सकता समझ रहे बात अब चलिए एक एक करके हम सबको समझाने की कोशिश करते हैं जबान कितने प्रकार के होते हैं तीन किस्में होती हैं जबान की इशारों की जबान आवाजों की जबान और अलामतों की जबान। अलामत का मतलब आपने समझ लिया देखिए आप इशारों की जबान जब हम अपने जिसम के आजा के हरकत के जरिया अपने अहसास जज्बात और ख्याल को दूसरों तक पहुंचाते हैं आजा का मतलब हुआ कि आपके जिसम को जो अंग है मतलब जैसे के साथियों हाथ है पैर है आंख है नाक है कान है इसके हरकत से जरिया आप अपने अहसास जज्बात और ख्याल को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे हम इशारा कहते हैं यह मरहला जबान की नशो नुमा का पहला मरहला है इसका इस्तेमाल जमाना कदीम से होता आ रहा है बल्कि माहिर लसानियात का मानना है कि इशारों की जबान आवाजों की जबान से कमो दस लाख साल पुरानी है मतलब समझिएगा साथियों ध्यान दीजिएगा एक बात यहां पर हिंदी और उर्दू दोनों का मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूं अब सोचिए कि आप इस दुनिया के अंदर सबसे पहले इंसान हो थोड़ा सा जाइए अतीत के अंदर जमाना कदीम में वो इंसान जो सबसे पहला इंसान होगा आज तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा कलम है ये पेन है ये गिलास है ये घड़ी है ये चश्मा है क्योंकि इसको हमने देखा है और मान लीजिए कि आपको समंदर के अंदर डाल दिया जाए जहां की किसी चीज का आपका वास्ता नहीं पड़ा उसका नाम क्या रखिएगा आप क्या नाम रखिएगा आप कुछ नाम नहीं रखेंगे सब में बोलेंगे हाँ 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 हूं बोलेंगे मतलब सबको इशारा से बोलेंगे तो इंसान जो सबसे पहले साथियों इस दुनिया में आया

उस तरह उस तरह आप उसके नाम जान गए मान लीजिए कि आपको भाई प्लेन का कोई पूछे कि दुम को क्या बोलते हैं आगे को क्या बोलते हैं पीछे को क्या बोलते हैं सीट को क्या बोलते हैं उसके नीचे का क्या तो उससे हमारा वास्ता ही नहीं पड़ा उसका नाम हम नहीं जाने लेकिन आपका चश्मा फ्रेम ये सब सा वास्ता पड़ा मोबाइल बटन स्विच ये सबको आप जान गए तो जैसे जैसे इंसान की जरूरियात जिससे वास्ता पड़ता गया वो उसका नाम रखता गया कहने का अर्थ यह है कि भाषा का सबसे पहला जो मरहला है वो इशारों की जबान है है ना क्या जबान है इशारों की जबान है तो साथियों यह बात आप जान गए चलिए अब उसके बाद देखते हैं आवाजों की जबान आवाज की जबान जो हम बोल रहे हैं ना ये आवाज की जबान है जे, जे समझिएगा आवाजों की जबान इसका मतलब है कि कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाजों को सुनकर उसके माना समझता और सीखता है जबान सीखना एक इकतिसी अमल है बच्चे का अपने इर्द गिर्द जिन जिन लोगों से सबका पड़ता है वो कोई ना कोई जबान बोलती है बच्चा उन्हीं आवाजों की नकल करके आवाजों को दोहरा कर जबान सीखता है और धीरे धीरे उस पर महारत हासिल कर लेता है जैसे हम बोल रहे हैं अपने साथियों जज्बात को अपने अहसास को हम जाहिर कर रहे हैं तो हम किससे साउंड से कर रहे हैं ना तो ये हो गया आवाजों की जबान अब उसके बाद तो तीसरा रूप है जबान का वो है अलामतों की ज़बान। अलामतों की जबान क्या है अलामतों की ज़बान किसी लफ्ज या आवाज को जब एक खास अलामत यानी माना में इस्तेमाल किया जाने लगता है तो वो लफ्ज या आवाज उस माना के लिए अलामत बन जाता है और वो तहरीर की शक्ल ले लेता है तहरीरी शक्ल जबान की एक मुस्तकिल शक्ल है लेकिन जब तक इन अलामत को पुकारा ना जाए बेजान है इस तरह तहरीरी जबान आवाजों के बगैर अधूरी है इतनी लंबी चौड़ी बात आप समझे ना वही चीज है अगर मान लीजिए साथियों हम ए बोलते हैं तो ए की एक अलामत है ऐसे ही लेकिन अलामत मुकम्मल नहीं होगा कब तक नहीं होगा जब तक इसके अंदर साउंड न दिया जाए जे तो अलामत की जबान बगैर साउंड के बगैर आवाज के वो अधूरी है जब आप सुनेंगे तभी ना लिखेंगे हम बी बोलेंगे तो बी की अलामत ऐसी है तो ये अलामतों की जबान है हम बोलेंगे शीन तो शीन की अलामत ऐसी होगी तो ये अलामतों की जबान है क्लियर हो गया तो हमने ये जाना कि जबान जो है वो तीन किस्में है जबान की इशारों की जबान जे आवाजों की जबान अलामतों की जबान इस सब क्लियर हो गया ना ये जे ये क्लियर हो गया ना ये आपका क्लियर हो गया चलिए अब आगे चलते हैं देखिए दो बात याद रखिएगा कुछ लोग हो सकते हैं नए हैं जब साथियों उर्दू के अंदर एक लफ्ज आ जाता है आमोजिश ठीक है ना आमोजिश आ जाए आमोजिश का मतलब होता है सीखना क्या होता है सीखना और जब उर्दू के अंदर आ जाए इकतिसाब या फिर हुसूल क्या आ जाए हुसूल तो इसका माना होता है अर्जन क्या होता है हिंदी के अंदर अर्जन और आमोदिश और सीखने का माना होता है अधिगम याद रखिएगा ये अब ये क्या होता है भाई? जैसे अभी आप लोग यहां पर सीखने नहीं तो ये आमोदिश कर रहे हैं। लेकिन आप अपने घर की कभी सीखने कोशिश की कोशिश किए हैं नहीं तो वो आपका इकतिसाब हुआ वहूल हुआ अब यहां पर एक बात याद रखिएसाब यानी हूसूल जो है वो एक फित्री अमल है यानी वो एक नेचुरल प्रक्रिया है आप ऑटोमेटिकली साथियों अपने घर परिवार से सीख जाएंगे लेकिन जो आमोदिश है वो बगैर सीखे नहीं सीख सकते यानी आमोदिश यानी अधिगम में आपको मेहनत करना पड़ेगा बात समझ में आ गई चलिए अब आपको वही चीज हम यहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको मैंने आपको पहले समझा दिया चलिए देखते हैं जे चलिए ज़बान की आमोदिश और इकतिस अब आमोदिश का मतलब हुआ अधिगम इकतिसाब का मतलब हुआ अर्जन तजर्बात की बुनियाद पर बर्ताव में आने वाली नस्बता मुस्तकिल तब्दीली को आमोदिश कहा जाता समझिएगा क्या कहा जा रहा कि तजर्बा की बुनियाद पर बर्ताव में आने वाली नस्बता मुस्तकिल तब्दीली को आमोदिश कहा जाता अब भाई मान लीजिए कि आप जिस समय नहीं पढ़े थे उस समय आप जो है ना इसको भी शीन पढ़ते थे सीन, और इसको भी सीन पढ़ते थे मतलब दोनों में कोई फर्क आपको समझ में नहीं आता था आप जो है ना जिस समय आप नहीं पढ़े थे उस समय आप इसको भी काफ पढ़ते थे और इसको भी काफ पढ़ते थे लेकिन जब आपने पढ़ लिया सीख लिया तो आपको समझ में आया है कि यह है शीन और यह है सीन यह है काफ और यह है काफ तो मतलब जब सीखने के बाद आपके अंदर तब्दीली आ जाए बदलाव आ जाए परिवर्तन हो जाए तो वही होता है आमोदिश वही होता है अधिगम क्या होता है अधिगम तो तजर्बा की बुनियाद पर बर्ताव में आने वाली नस्बता मुस्तकिल तब्दीली को क्या कहा जाता है आमोदिश कहा जाता है जबकि एक तिसाब एक फितरी अमल है मतलब ये ऑटोमेटिकली आ जाता है ये अमल पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाता है कौन सा इकतिसाब हर बच्चा तकरीबन चार साल की उम्र तक अपनी मादरी जबान का इकतिस कर लेता यह बात याद रखिएगा कि जो भी बच्चा है वो चार साल की उम्र तक अपनी मादरी जबान को वो मुकम्मल तौर पर सीख लेता है अक्सर बच्चे स्कूल आने से कबल एक से ज्यादा जबान सीखने लगते हैं एक बच्चा स्कूल आता है अब तो साथियों तीन साल की उम्र में आएगा एन आने के बाद लेकिन साथियों पहले जो है ना एक बच्चा का स्कूल में जो दाखला होता था वो छह साल की उम्र में होता था और हमने ये पढ़ा कि एक बच्चा चार साल तक अपनी जबान पर मुकम्मल पकड़ गिरफ्त और दस्तरत हासिल कर लेता है तो इस सूरत में साथियों जो दो साल उसको और बचता है अब वो बहुत सारे तजर्बात सीख लेता है जैसे वो फैन बोलने लगता है एलिफेंट बोलने लगता है पेन बोलने लगता है तो एक से ज्यादा जबान वो सीखने लगता है और जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिल होता है तो तकरीबन पांच हजार अल्फाज वो जानता है यानी जब एक बच्चा छह साल की उम्र में दाखिल हुआ तो वो लगभग लगभग पांच हजार नए लफ्ज को लेकर आता है स्कूल के अंदर और बहुत सारे तजर्बात को लेकर आता है ठीक है ना चलिए अब देखिए आगे आगे कहा, कहा जा रहा है मादरी जबान गैर रस्मी और फितरी तौर पर माहौलियाती रहा से हासिल किया जाता है इसका मतलब क्या हुआ एक होता है रस्मी माहौल और एक होता है गैर रस्मी माहौल जैसे आप लोग यहां आए मैं साथियों टाइम टेबल के अनुसार आपको सिखाऊंगा नहीं कि इतना से इतना बजे तक आपको पढ़ाऊंगा लेकिन आप अपने घर की जबान उसका कोई टाइम फिक्स है कि आपको इतना से इतना बजे ही कोई बोलेगा उसके बाद नहीं बोलेगा तो ये जो टाइम टेबल यानी स्कूल कॉलेज मकतब मदरसा मंदिर मस्जिद ये सारे के ट्यूशन यूनिवर्सिटी ये सबके सब साथियों रस्मी माहौल में आएगा अब रस्मी माहौल में हम कौन सी जबान सीखते हैं दूसरी जबान यानी कि आप मानक भाषा यानी कि मीयारी जबान सीखते हैं और साथियों जो हमारे घर की जबान है उसको पहली जबान ही बोला जाता है तो उसको हम फितरी माहौल में सीखते हैं गैर रस्मी माहौल में सीखते हैं तो देखिए मादरी जबान गैर रस्मी और फितरी तौर पर माहौलिया रहा से हासिल किया जाता है यानी आप अपने कल्चर से उसको सीखते हैं जबकि दीगर जबानों को बाकायदगी के साथ रस्मी तौर पर सीखा जाता है ठीक है चलिए कबल का क्या मतलब होता है कहां कबल लिखा हुआ भाई काबालाम कबल कहीं नहीं होगा कबल कबल होता है कबल का मतलब होता है पहले चलिए दुनिया का हर आम बच्चा चार साल की उम्र तक अपने आसपास बोली जाने वाली सीख लेता है, है उन्होंने साथ कुछ अलग अलग उनके मतभेद हैं उस मतभेद को हमें जानना बहुत जरूरी है चलिए मतभेद में सबसे पहला मतभेद हम लोग जानेंगे स्कीनर का के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि जो साथियों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे मनोवैज्ञानिक का मतलब वह हुआ कि जो मन का क्या किया हो रिसर्च किया हो हो जो बच्चों के बारे में रिसर्च किया हो। तो और स्कीनर इस दोनों का नजरिया हम लोग जानेंगे स्कीनर यानी बी एफ स्कीनर जिसकी पैदाइश उन्नीस सौ ईस्वी में हुई थी और वफात उन्नीस सौ में हुई थी जे एक अमरीकी माहिर नफसियात थे उन्होंने एक तिसाब का एक अमली मशरूत नजरिया पेश किया यानी कि मिला जुला एक सिद्धांत तो उन्होंने दिया किसने बी एफ ने। इनका मानना है कि ज़बान का सीखना महज़ और जवाब के दरमियान ताल्लुक है मतलब आप किसी से पूछेंगे वो मोटिवेट होगा तो वो आपको जवाब देगा यही जबान सीखने का यह है जो कि मश्क नकल रटने से हासिल होता मतलब बी एफ स्कीनर और पाउलाओं का कहना है कि एक बच्चा जबान सीखता है तो वो कब सीखता है जब वो प्रैक्टिस करता है जब उसकी वो मश्क करता है जब उसको वो नकल करता है जब नकल करने के बाद उसको वो रटता है तब वो सीखता है। यानी बच्चा अपने माहौल की जबान को सुनता है उसे दोहराने की कोशिश करता है चीजों और उनके मनामों के बीच रिश्ता जोड़ता है और इस नतीजा में वो जबान सीखता है समझ में आ गया एक बच्चा पहली बार कोई भी चीज देखेगा तो वो पूछेगा अबू मामू पापा ये क्या है अब जो बात बोलेंगे उसको वो रिपीट करेगा अच्छा पानी पानी यानी वो रिश्ता जोड़ेगा तब वो जबान को सीखेगा ये किन का मानना है साथियों स्किनर का ठीक है ना चलिए बेसिकली इसमें ये याद रखना है कि पूछा जाता है कि किन का मानना है कि बच्चे जबान रटकर सीखते हैं मष्ट के सीखते हैं नकल करके सीखते हैं यानी अनुकरण के द्वारा भाषा सीखा जाता है तो वो साथियों पावलाओ और स्किनर का मानना है

फलसफी मुआरिक सियासी मुसनफ की हैसियत से काफी मकबूल है और बयानवे साल चौम्की मीना चोस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिसानियात के प्रोफेसर हैं इस इदारे से तकरीबन पचास सालों तक वो व्यवस्था रहे और रहते हुए अपनी खिदमत अंजाम दिए ये तो उनके बारे में साथियों डिटेल में थोड़ी सी बातें हुई अब इनका मानना क्या है चॉम्स्की का इनका मानना है हर बच्चा जबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता यानी कोई भी बच्चा हो वो जबान सीखने की कवत लेकर पैदा होता इंसान पैदाइशी तौर पर जबान सीखने की इस्तेदाद के साथ पैदा होता कोई भी इंसान दुनिया का हो वो क्या होता है ये उसके अंदर जन्म जात क्षमता होती है भाषा को सीख सकता है इसका मतलब ये नहीं कि जबान की तहसील तुवारसी तौर पर होती है मतलब यह नहीं कि बच्चा विरासत के अंतर्गत जबान सीखते हैं जैसे मान लीजिए कि आपके अब्बा को साथियों बीघा जमीन है तो बीस बीघा जमीन में अगर मान लीजिए कि आप दो भाई हैं तो यह बीस बीघा जमीन दो जगह डिवाइड हो जाएगा दस दस बीघा हो जाएगा तो यह क्या हुआ यह आपको विरासत में मिला लेकिन भाषा ये नहीं है कि विरासती मतलब आपके पापा भी बहुत बड़े प्रोफेसर थे तो आप भी हो जाइएगा नहीं आपके अंदर क्षमता है लेकिन आप मेहनत करेंगे तब बनेंगे यह मतलब होता है इसका मतलब यह कतई नहीं होता है कि बच्चा जबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है तो एक बच्चा बैठा रहे 20 साल तक वो सोचेगा कि नॉम चोम्सकी साहब ने तो कह दिया कि बच्चा जबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा हुआ हमें सीखने की क्या जरूरत है आपके अंदर कैपेसिटी है लेकिन जब आप सीखेंगे तब जी तब आप होगा ठीक है ना तो अब देखिए क्या है इनका मानना है कि हर बच्चा जबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता मतलब भाषा सीखने की क्षमता होती है हिंदी में बोलिए तो इंसान पैदाइशी तौर पर जबान सीखने की पैदा के साथ पैदा होता है इसका मतलब यह नहीं है कि जबान की तहसील तवरसी तौर पर होती है मतलब विरासत में मिलती है बल्कि चौमसकी का नजरिया यह है कि इंसान जबान सीखने की इस्तेदाद के साथ पैदा होता है और उस उसदाद की मुआवनत से वो माहौल में रह कर जबान को सीखता मतलब जो कैपेसिटी लेकर वो पैदा होता है उसी की मदद से वो जबान को सीखता है किससे साथियों समाज से। साहब ने ही कहा था कि हर इंसान के दिमाग में एक एल ए डी लेड लैंग्वेज इक्विजिशन डिवाइस होता है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता जिसको देखा नहीं जा सकता छुआ नहीं जा सकता ये नोमचम्स की साहब भी नहीं कहा था ठीक है ना इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा चलिए अब चलते हैं पियाजे और वाई गोट्स का नजरिया पियाजे साहब का नजरिया तो आपने पढ़ा होगा ना क्या संज्ञानात्मक या साथियों जे संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक जे का सिद्धांत किसने दिया तो जीन पियाजे साहब ने दिया था और वायु का सामाजिक अंत का सिद्धांत किसने दिया तो साथियों जे ले वायु गोट्सकी ने दिया था गोट सकी भी आता है गोत सकी भी आता है ठीक है ना बस इतना सा एक ही है दोनों अलग अलग नहीं है अब इसके बाद देखिए साथियों जे पियाजे और वायु गोट्सकी का नजरिया इनका सिद्धांत क्या है जिन पियाजे जो अठारह में पैदा हुए उन्नीस में वफात किए एक मशहूर माहिर नफसियात थे जिनका ताल्लुक स्विट्जरलैंड से था जिन पियाजे साहब एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने साथियों जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जितने भी साथियों उन्होंने रिसर्च किया था वो सारे के सारे वो अपने बच्चों पर किया था ठीक है ना तो माहरलैंड से थावान में तरबियत याफ्ता थे जबान दीगर विफाकी निजामों की तरह गर्दोपेश के साथ तामुल के नतीजा में नशो नुमा पाता मतलब ये कहते हैं कि जिस तरह अगल बगल की चीजों को देख कर जबान सीखी जाती है इसी तरह जबान जो है वो गर्दोपेश के साथ तामुल करती मतलब इंट्रेक्शन करके इंट्रेक्ट होके जबान भी साथियों आगे बढ़ती है यानी जबान सीखा जाता है पियाजे का जो न, नजरिया है वो एक तामीराती नजरिया है यानी रचनात्मक साथियों सिद्धांत है जिसके मुताबिक बच्चा खमसा के जरिया इल्मी की तश्कील करता जिन पियाजे साहब ने कहा था कि एक बच्चा जो जबान सीखता है वो हवा से खमसा के द्वारा अब से खमसा क्या है इसको आप समझ लीजिए हवास हिस्सकी जमा है जिसका मतलब होता है महसूस करना और खमसा जो है ना जी के माने होते हैं पांच ऐसी चीजें हैं जिससे साथियों हम चीजों का क्या करते हैं पता लगाते हैं जैसे मान है, है, तो है है है, दो दो अच्छी है या बुरी है लंबा है पतला है दुबला है देखकर यह तीसरी चीज हो गई आवाज सुरेली है मीठी है क्या है सुनकर ये चौथी हो गई और उसके बाद साथियों एक आपका है छूकर किसी चीज का ये पांचवी चीज हो गई तो ये हवा से के जरिया जबान क्या होता है ये सीखता है बच्चा ये किन का मानना है तो साथियों जिन प्याजे साहब का वायु गोट्स की जे वायु गोट्स की अठारह जिनकी पैदाइश हुई और उन्नीस में जिनका वफात हुआ का शुमार शुब नफसियात में एक तश्ली मफक्र के तौर पर किया जाता है इनका ताल्लुक रूस से था उन्होंने इंसानी सकाफत और हयाती समाजी नशोनमुमा का नजरिया पेश किया है जबकि वायु के मुताबिक जबान समाजी राबता का नतीजा है मतलब वायु गोट्सकी ने कहा था कि एक बच्चा जो जबान सीखता है वो सामाजिक अंत क्रिया से सीखता है यानी सामाजिक से सीखता है किससे सीखता है सामाजिक तामुल से सीखता है। मतलब एक बच्चा जब समाज में जुड़ता है इंट्रेक्शन होता है उसका तब वो जबान सीखता है तो ये नजरिया किनका है साथियों जे ले वायु का चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं जबान की नशोनुमा के दौरान बच्चा दो तरह की बोली बोलता है मतलब एक बच्चा जब साथियों जबान सीखता है तो जब उसका जैसे जैसे वो बढ़ता है बच्चा पैदा होने के बाद वो दो तरह की बोली बोलता है एक बोलती एक बोली बोलता है अनापरस्त और दूसरा दूसरी बोली समाजी बोली अनाप्रस्त के बारे में जितनी सारी चीजें बोलेगा वो उसमें खुद को मुखातिब करेगा मतलब अपने आप को ही मुखातिब करेगा अनापस्त ज़बान का इस्तेमाल खुद को मुखातिब करने में जबकि समाजी जबान का इस्तेमाल दूसरों को मुखातिब करने में वो करता है बच्चा दो तरीके का बोली बोलता है शुरुआत में चल अब उसके बाद कुछ चीजें ये जान लीजिए कि ये यह भी आपको बहुत काम आएगा ध्यान दीजिएगा जे पहली जबान की तहसील के मराहल मतलब पहली जबान मींस हुआ कि जब आप अपनी मादरी जबान को सीखेंगे तो उसके साथियों कुछ स्टेज है उस स्टेज को जानना बहुत जरूरी है ध्यान दीजिएगा जे पहली जबान की तहसील के कुल छह मराहल हैं जो मंदरजा जैल है यानी आप अपनी मादरी जबान को छह स्टेज में सीखते हैं कौन कौन सा है पहला है बोलने से कबल का मरहला जिसको बोला जाता है कुइंग का मरहला ये जीरो से छ माह की जो मुद्दत होती है एक बच्चा जब पैदा होता है तो जीरो से लेकर छे माह की जो मुद्दत है इस मुद्दत में साथियों उसको कहा जाता है बोलने से कबल का मरहला या फिर कु का मरहला दूसरा मरहला है बबलिंग का मरहला या बबलाना छे से लेकर आठ महीना का जो मुद्दत है वह साथियों बबलिंग मरहला या बबलाना बोला जाता है तीसरा जो मरहला है एक लफ्ज का मरहला 9 से लेकर अठारह महीना तक बच्चा जैसे के साथियों पानी को मम बोलेगा मां अम्मा जान को जे अम्मा बोलेगा तो वो एक लफ्ज का बोलेगा ठीक है ना ये चौथा नंबर है दो लफ्ज का मरहला अठारह से लेकर चौबीस माह तक का जो मुद्दत है ये साथियों दो लफ्ज का मरहला होता है उसके बाद देखिए पांचवा जो मरहला है वो टेलीग्राफी का मरहला टेलीग्राफी साथियों चौबीस से लेकर तीस माह तक मतलब के पांच के तीस यानी साथियों ये तीस महीना तक का जो है वो टेलीग्राफी का मरा लायम होता है मतलब यहां पर वो कुछ जुमला बोलने लगता है एक से ज्यादा दो से ज्यादा बोलने लगता है उसके बाद जो छठा मरहला है वो लंबे जुमलों का मरहला है जो कि तीस माह के बाद से साथियों वो बोलने लगता है अब तीस महीना का बच्चा साथियों जे कितने दिन का हो गया तीस महीना के बाद का जो है वो साथियों लंबे जुमलों का मरहला हुआ तो देखिए इसको आप याद रखिएगा कि पहली जबान की तहसील के कुल छ मराहल हैं कुल छह स्टेज हैं पहला स्टेज कुइंग दूसरा बबलाना या बबलिंग मरहला तीसरा एक लफ्ज का मरहला और चौथा दो लफ्ज का मरहला पांचवा टेलीग्राफी मरहला और छठा लंबे जुमलों का मरहला बात यहां तक आपको समझ में आ गई जी समझ में आ गया यहां तक यहां तक आपको समझ में आ गया सभी को जी समझ में आ गया चला आगे बढ़े कुछ लोग पीडीएफ के लिए परेशान हैं सबसे पहले ही बोला गया था कि पीडीएफ जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा वहां से मिल जाएगा वरना आप इस नंबर पे एट टू नाइन टू जीरो थ्री फोर थ्री नाइन सेवन इस पर आप रहा करेंगे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है चलिए एक बार वीडियो को आप तमाम हजरात लाइक कर दीजिएगा जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें आप लोग चलिए जी एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए सभी लोग चलिए अब उसके बाद साथियों है दूसरी जबान की आमोजिश के मराहल देखिए दूसरी जबान से मुराद होता है वो जबान जिसको हम लोग सीखना चाहते हैं जैसे आपकी उर्दू हुई हिंदी हुई संस्कृत हुई फारसी हुई अरबी हुई इंग्लिश हुई तो दूसरी जबान बोलिए या दूसरी जबान को आप हदफे जबान भी बोल सकते हैं या फिर दूसरी जबान को साथियों जबान भी बोला जाता है या दूसरी जबान को हम मानक भाषा भी बोलते हैं क्या बोलते हैं मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज ठीक है ना अब दूसरी जबान के जो मराहिल हैं उसको आप देखिए जबान सीखने के दो सूरत हाल हम जो जबान को सीखते हैं वो दो तरीके से सीखते हैं क्या क्या सीखते हैं साथियों पहला होता है फितरी यानी नेचुरल में और दूसरा होता है रस्मी में फितरी तरीका क्या होता है इस सूरत हाल में बच्चे आसपास की बोली जाने वाली जबान है खुद सीखते हैं इसमें किसी का दखल नहीं होता पहली जबान यानी मादरी जबान ऐसे ही सीखा जाता है किसमें फितरी तरीका में यानी फितरी तरीका में ठीक है ना इस अमल को जबान की तहसील भी कहा जाता है मतलब जो चीज हम लोग नेचुरल वे में सीखते हैं इसको जबान की तहसील भी कहा जाता है उसके बाद देखिए रस्मी तरीका रस्मी तरीका क्या है इस सूरत हाल में जबान की बाकायदा क्लास होती है उस्ताद होते हैं स्कूल होता है और दिगर वसाइल होते हैं यह जबान की आमोदिश की सूरत में होता है और इसके मुंदरजा जैल पांच मराहल है मतलब जब हम रस्मी तरीके में जाएंगे तो साथियों हमको पांच स्टेज से गुजरना पड़ता है तब हम जबान को सीखते हैं सबसे पहले क्या कोई स्कूल जाता है तो उसी दिन से वो लिखने और बोलने लगता है नहीं सबसे पहला जो मरहला होता है वह होता है खामोश या तहसीली मरहला हम सबसे पहले जाते हैं स्कूल के अंदर तो पहले हम वहां के वातावरण और वहां के साथियों माहौल से परिचित होते हैं आमोश रहते हैं तो ये जो पहला स्टेज होता है आपका खामोश या तहसीली होगा उसके बाद अब धीरे-धीरे साथियों हम इब्तदाई तैयारी में आते हैं मतलब कुछ चीजें हम सीखते हैं और फिर इब्तदाई तैयारी उसके बाद होगा तीसरा जो मरहला है वो होता है तकरीर की इब्तदा यानी हम अब कोई चीज को धीरे धीरे बोलने लगते हैं चौथा जो मरहला होता है वो होता है इब्तदाई रवानी और पांचवा होता है रवानी यानी रवानी से पहले अब हमारा जो है स्टेज थोड़ा सा बढ़ जाता है हम और भी अच्छे ढंग से बोलने लगते हैं वही इब्तदाई और पांचवें स्टेज में अब हम चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने लगते हैं तो यह होता है हमारा पांचवा जो होता है मराहल साथियों रवानी तो कहने की बात यह हुई कि दूसरी जबान को सीखने के टोटल कितने मराहिल है पांच मराहिल है कौन कौन सा खामोश या तहसीली मराहिल इब्तदाई तैयारी तकरीर की इब्तिदा इब्तदाई रवानी और फिर रवानी ठीक है आपने जबान की भी जाना आपने ज़बान की आमोदिश जाना आपने जबान की हूसूलियाबी से मुतालिक जो नजरियात है उसको जाना आपने साथियों जबान की कीबी और जे और आमोदिश के अंदर क्या फर्क है अब इसको जानने की कोशिश कीजिए और इसको देखिए जबान की हूसुलिया और आमोदिश में फर्क हैसूलियाबी मींस होता है अर्जन और आमोदिश मींस होता है अधिगम एक एक करके आप देखिए जबान की हूसूलियाबी ये जबान ज्यादातर बच्चे अपने घरेलू माहौल में गैर रस्मी तरीके से सीखते हैं कौन पहली जबान यह जबान बच्चे रस्मी तौर पर उस्ताद कुतुब और दीगर वसाइल के ज़रिया सीखते हैं जबान की आमोदिश में मतलब दूसरी जबान पहली जबान को सीखने में जो माहौल दस्तियाब होता है वो दूसरी जबान में नहीं हो पाता पहली जबान आप घर में सीखिएगा तो जाहिर सी बात है दूसरी जबान स्कूल में सीखेंगे तो स्कूल का माहौल और घर का माहौल एक जैसा नहीं हो सकता दूसरी जबान सिखाना एक चैलेंज भरा काम है एक बच्चा साथियों वो अपने घर की जबान सीख कर आता है उसको हमें दूसरी जबान सिखाना बहुत बड़ा चैलेंज भरा काम है क्योंकि इसमें पहली जबान जैसा, जैसा माहौल बच्चे को नहीं मिलता एक बच्चा घर में जो मर्जी वो बोल ले लेकिन साथियों एक बच्चा स्कूल में आता है जो मर्जी वो नहीं बोल सकता है इसलिए एक बच्चे को घर जैसा माहौल देना एक बहुत चैलेंज भरा काम है चलिए इसमें फितरी तौर पर जबान सीखी जाती है किसमें तो जबान की हसूल याबी में इसमें बाकायदगी के साथ जबान की कवायद और उसूलों को सीखा जाता है किसमें आमोजिश में जबान की हूसूल याबी के जरिया बच्चा अपनी पहली जबान यानी मादरी जबान पर दस्तरस हासिल करता है मतलब उससे जबान की हसूलियाबी के ज़रिया बच्चा जो है वो पहली जबान पर गिरफ्त करता है पकड़ करता है जबान के आमोदिश लफ्ज का इस्तेमाल दूसरी जबान सीखने के लिए किया जाता है जिसको हम लोग मयारी जबान बोलते हैं यानी उसको हम जे दूसरी जबान सीखने के लिए हम जबान की आमोदिश का इस्तेमाल करते हैं अब यहां पर साथियों कुछ अहम निकात हैं निकात को जान लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जबान के आमोजिश के बारे में अहम अहम नुकत क्या है इसको हम लोग जानते हैं सभी बच्चे सीख सीखते हैं अगर उन्हें उनके ही रफ्तार से सीखने दिया जाए सीखने के बच्चों के तरीकों पर ही अमल किया जाए देखिए सारे बच्चे सीख सकते हैं लेकिन अगर हम उनको उनके ही रफ्तार में अब मान लीजिए जो बच्चा कमजोर है उसको हम फास्ट सिखाएंगे तो नहीं सीख पाएगा ना तो ये पॉइंट आता है कि सभी बच्चे सीखते हैं अगर उनको हम उनके ही रफ्तार में सिखाएंगे गलतियां आमोदिश का हिस्सा है बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं इसलिए याद रखिए आप जहां कहीं भी आ जाएगा कि गलती आमोदिश का हिस्सा है या नहीं तो गलती करके ही सीखा जाता है इसलिए गलती को कोई ऐब नहीं माना गया है ठीक है चलिए प्राइमरी सतह पर तलबा बाहमी रवाबित से बेहतर तरीके से सीखते हैं मतलब इब्तदाई दर्जात में बच्चा बाहमी रवाबित मतलब एक दूसरे से मिलकर सहयोग से ज्यादा अच्छे से जबान को सीखते हैं इसीलिए कहा गया है कि प्राइमरी सतह पर हमें रोल प्ले बाल साहित्य अदब इतफाल जरूर करानी चाहिए ठीक है ना बात समझ में आ रही है जितना गप मारना है हाँ साथियों क्लास बहुत ही अहम है इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आप सुन लीजिए बहुत फायदा होगा आपस में गप्पा गप्पी कम मारिए ज्यादा फायदा होगा आपको ठीक है ना वरना फिर ऐसे ही आए थे वैसे ही चले जाएंगे पता नहीं चलागा कि हम कितना सीखे और पता चलागा कि पूरा डेटा आपका खत्म हो गया बच्चे खेल के जरिए फितरी तौर पर सीखते हैं खेल खेल में बच्चा फितरी तौर पर सीखते हैं वो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं बच्चा इसीलिए हमें खेल वाला शब्द जहां पर आता है वो पॉजिटिव होता है तो बच्चे खेल खेल में बेहतर तरीके से सीखते हैं इसलिए हमें बच्चे को खेल में भी सिखाना चाहिए सीखना एक मुसलसल अमल है ये सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता स्कूल के आमोदिश के अमल को घर के कामों सरगर्मियों और माहौल से जोड़ना चाहिए देखिए तो जिंदगी भर आप सीखते हैं चीजों का अनुभव महसूस करते हैं इसलिए अगर कोई ये टीचर ये सोचता है कि बच्चे को केवल और केवल स्कूल में ही सिखाया जाए गलत हो जाएगा बल्कि बच्चे को साथियों जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है इसको स्कूल से बाहर यानी घर से भी हमें जोड़ना चाहिए इसलिए कि सीखना एक मुसलसल अमल है ये लगातार चलता रहता है बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं मतलब बच्चे खुद सीखते हैं अनुभव महसूस करते हैं और उसके बाद वो खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं महज उस्ताद की तदरीस से ही नहीं बल्कि ठोस तजर्बात खेल खोजबीन के जरिए बेहतर ढंग से और आसानी से सीखते हैं बच्चे इसीलिए बच्चे को साथियों हमें ज्यादा क्रियाकलाप करानी चाहिए और उस्ताद सिर्फ रहनुमाई करने में रहे बात समझ में आ गई बच्चे का आमोदिशी अमल गुजश्ता आमोजिश और तस्वुरा की बुनियाद पर ही आगे बढ़ता है बात समझिएगा किसी भी बच्चे को आप जब सिखाते हैं तो जो पहले वो जो चीज ज्ञान हासिल कर लिया था पहले जो चीज उन्होंने सीख लिया था अगर उससे आप जोड़कर सिखाते हैं तो वो बच्चा बहुत जल्दी सीख लेगा अगर आपने उससे नहीं जोड़ा तो फिर वो जल्दी नहीं सीख पाता इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे का जो आमोदिशी अमल है ये गुज्ता आमोदिश मतलब पूर्व ज्ञान और तस्वुरात की बुनियाद पर ही आगे बढ़ता है आपने जिन पियाजे साहब का पढ़ा होगा ना नियम क्या ये आत्मसातीकरण समायोजन पढ़ा ना आत्मसाती पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना समायोजन साथियों पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में अंतर को समझना यही चीज ना है चलिए सीखने के दौरान होने वाली गलतियों को आमोदिश के अमल के हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए मतलब अगर गलती हो रही है तो इसका मतलब यह है कि बच्चा सीख रहा है नुख्स के तौर पर हमें तालीम के अमल पर मतलब हमें उसको गलती को बहुत बड़ा ऐब नहीं समझना चाहिए तालीम के अमल चाहे जरिया तालीम कोई भी जबान हो बच्चे की मादरी जबान का एहतराम करना जरूरी है मतलब हम जो सिखा रहे हैं हम जो जबान पढ़ा रहे हैं चाहे किसी भी जबान से हम पढ़ा रहे हैं एक बच्चा किसी भी परिवेश से आता है किसी भी माहौल से आता है हम उसकी भाषा का हम उसकी जबान का सम्मान करेंगे उसको हीन भावना से नहीं देखेंगे अगर मान लीजिए आपके क्लास में कोई आदिवासी है वो आदिवासी जबान बोलता है तो हम उसको साथियों हीन भावना से नहीं देखेंगे बल्कि हम उसकी जबान का सम्मान करेंगे बात समझ में आ रही है चलिए चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं आगे है साथियों शमूलियाती तालीम ये इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं सभी लोग जानते हैं कि आज के दौर में साथियों समावेशी तालीम यानी शमूलियाती तालीम है कि हमें सारे बच्चे में बिना भेदभाव किए हुए एक ही कक्षा में सबको सिखाना है चाहे वो अमीर का हो चाहे गरीब का हो एक ही ड्रेस में साथियों सभी लोग सीखते हैं नहीं तो ये समावेशी तालीम के एक उदाहरण है चलिए देखते हैं क्या है इस तालीम से मुराद यानी से मुराद ऐसा निजाम तालीम है जिसमें हर इल्मे को एक ही क्लास रूम में एक ही स्कूल बिना इम्तियाज मतलब बिना भेदभाव के सीखने और सिखाने का बराबर मौका हासिल होता है ठीक है चलिए यह माजूर बच्चों को आम बच्चों के साथ क्लासरूम के बाकायदा माहौल में शामिल करने का इंतजामो इंसराम फ्राहम करता मतलब अगर कोई माजूर बच्चा है तो उसको अलग क्लास नहीं देना है बल्कि सबको एक साथ एक मखलूत क्लास में हमें पढ़ाना है यानी एक ही साथ सबको मिलाकर पढ़ाना है ये खास बच्चों को आम दर्जा में शामिल करने पर जोर देती है मतलब मान लीजिए अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कमजोर है जिसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है उसको भी साथियों हम एक आम क्लास में लाएंगे और इसी के अंदर हम बच्चों के सहयोग से उसको सिखाएंगे ठीक है चलिए कुछ लोगों को जो है ना रुक जाइए एक मिनट चलिए ठीक है डिस्टर्ब नहीं होना है ये स्कूल और दर्जा के माहौल को खुशगवार बनाने पर जोर देती है कौन साथियों शमूलियाती तालीम यह सभी बच्चों को एक आजाद आमोजगार के तौर पर देखने पर जोर देती है कि सारे बच्चे एक जैसे हैं हमें इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं करना है ठीक है ना चलिए ये तो आप यहां तक समझ गए अब हम लोग साथियों सीखने जा रहे हैं जबान से मुतालिक आमोजशी दुशवारियां मुंदरजा धैल है जबान से मुतालिक हम लोग जब भाषा पढ़ते हैं तो कुछ हमारी गलतियां होती है अब वो गलती का एक अलग अलग नाम है साथियों ले। जे पेड़ागोजी के अंदर उस नाम को हमें याद रखना है चूंकि उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक है ना चलिए जबान से मुतालिक आमोदिशी दुशवारिया मुंदरजा जैल कौन कौन सा अलेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया ठीक है ना डिसकैलकुलिया या फिर कैलकुलिया डिसग्राफिया या फिर ऑग्राफिया, दोनों एक ही चीज है डिस या फिर ऑप्रेक्सिया डिसमोरफिया या फिर साथियों ये टोटल आठ बीमारी है और साथियों इस आठों बीमारी से किससे संबंधित है अब इसको हम लोग एक एक करके जानेंगे देखिए अलेक्सिया या इस दुश्वारी का ताल्लुक पढ़ने यानी खानदगी से देखिए पढ़ना और खानदगी दोनों एक ही चीज है ठीक है ना खानदगी फारसी का लफ्ज है पढ़ना हम लोग उर्दू में बोलते हैं तो इस दुश्वारी का ताल्लुक पढ़ने यानी खानदगी से है इसकी वजह से बच्चे को पढ़ने में दुश्वारी होती है ठीक है ना अलेक्सिया या डिसलेक्सिया से वो हरूफ में फर्क नहीं कर पाता जैसे सीन और शीन में फर्क जीम और जा में फर्क और काफ और काफ में वो फर्क नहीं कर पाता जैसे साथियों एम और वो में फर्क नहीं कर पाता जैसे मान लीजिए कि बी और बी साथियों जे वो इसमें फर्क नहीं कर पाता तो मतलब पढ़ने से संबंधित जो भी दुश्वारी है उसको अलेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया कहा जाता है ठीक है ना चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं डिस कैलकुलिया या फिर कैलकुलिया कैलकुलिया कैलकुलेटर से बना है तो साथियों इस दुश्वारी का ताल्लुक इल्मे इल्मे रियाजी रियाजी यानी 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 गणित मैथ हिसाब से है इस दुश्वारी की वजह से बच्चों में इल्मे रियाजी के सवालात को समझने में अक्सर दुश्वारी होती है मतलब अगर उसको लिखना है नौ तो वो साथियों लिख देता है छे ठीक है ना तो ये जो है ना डिस कैलकुलिया मतलब गणित से संबंधित जो जी अधिकता है जो गणित से संबंधित दिक्कत है उसको बोलते हैं डिसकैलकुल या फिर कैलकुलिया जी और उसके बाद है आपका डिसग्राफिया या फिर ऑग्राफिया इस दुश्वारी का ताल्लुक लिखने यानी तहरीर से होता है किससे होता है लिखने यानी तहरीर से होता है आप लिखने से संबंधित कोई विकार है आपके अंदर लिखने से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसको बोलते हैं डिसग्राफिया या फिर ऑग्राफिया बोलते हैं अब उसके बाद या फिर डिस्फेजिया ये क्या है तो ऑफेजिया इसका ताल्लुक लिसानी महारतों यानी बोलना बिलखसूस तफहीम से होता है यानी समझने से होता है बच्चा सुनी हुई बात का मतलब नहीं समझ पाता है अल्फाज के माना नहीं समझ पाता काम करने की हिदायत नहीं समझ पाता एक बच्चा है उसको आप बोलिएगा के बाबू पानी ले आओ वो जैसे के तैसे ही रहेगा कुछ नहीं समझेगा वो क्या कह रहे हैं ए बाबू बैठ जाओ ए बाबू शांत तो हो जाओ अभी भी इसमें से कुछ लोग जो है ना अफेजिया या डिस्फेजिया के शिकार हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको कहा क्या जा रहा है सर ऐसा तो नहीं कि अर्जेंटेनियन है अर्जेंटेनियन भाषा में बोल रहे हैं जी तो साथियों अफेजिया या डिस्फेजिया का मतलब है कि आप ऑर्डर या निर्देश या आप किसी भी विचार को नहीं समझ पाते समझ में बात आ रही है ना अब उन लोगों को समझ में आ गया होगा चलिए तो अफेजिया या डिस्फेजिया का मतलब यही हुआ कि हम किसी हिदायत को किसी काम का जो हमें ऑर्डर दिया जाता उसको हम लोग नहीं समझ पाते ये विकार को क्या बोला जाता है या फिर डिप्रेक्सिया क्या होता है इसको समझ लीजिए इसका ताल्लुक महारतों से होता हैुरोटर जिसको बोलते हैं ना वही होता है चलिए क्ष या फिर डि इसका ताल्लुक महारतों से होता है इसकी वजह से बच्चा उंगलियों हाथों और आंखों के दरमियान कायम नहीं कर पाता जी इसे पेंसिल पकड़ने बटन लगाने हाथ की महारत और तवाजुन में मुश्किल होती है जी तो इस बीमारी को बोला जाता है कि साथियों ऑप्रेक्सिया या फिर डिप्रेक्सिया बोला जाता है उसके बाद आपका है डिसमोर्फिया ये ऐसी दुश्वारी है जिसमें आदमी को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ हिस्सा बहुत छोटा या अधूरा है वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को दूसरे लोगों से मुकाबला करने लगता आप कभी रात में बच्चे थे तो चलते थे तो आपको भाव हो जाता था लगता था कि मेरे पीठ पर कोई सवार है होता था ना ऐसा मकतब में जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो लगता था हम लोग कुछ दूर चलते थे पीछे आके देखते थे हम लोग किसी के हाथ से हाथ मिलाते थे उंगली से उंगली मिलाते थे कान से कान मिलाते थे मतलब ये भरम जब आ जाए कि हमारे जिसम के आजाद कुछ छोटे हैं तो वो साथियों क्या होता है डिसमोरफिया से संबंधित ये बीमारी है उसके बाद आपका है डिस्थीमिया डिस्थीमिया क्या है डिस्थीमिया गंभीर हालत को कहा जाता है इसमें बच्चों के आमोदिश पर बहुत असर पड़ता है इस हालत में मन हमेशा सुस्त रहता एक बच्चा है देखिएगा वकील का बेटा है डॉक्टर का बेटा है मास्टर का बेटा है बड़ा मालदार है लेकिन साथियों उसका बेटा है आप कुछ भी कहिएगा कुछ भी नहीं समझेगा वो मतलब बड़ा सुस्त है किसी का भी बेटा हो सकता है ये उसका मन हमेशा सुस्त रहता है तो उसको बोलते हैं डिस्थीमिया यानी उसका मन हमेशा भारी रहता है तो ये डिस्थीमिया से संबंधित साथियों विकार है। तो हमें ये बिल्कुल उम्मीद है कि ये जो सात साथियों जबान से ताल्लुक रखने वाली आमोदिशी दुशवारियां हैं जिसको मैंने आपको गिनाया एक एक करके मैंने आपको समझाया आप समझ गए होंगे ठीक है ना चलिए ये कोई जरूरी नहीं कि उर्दू में ही पूछा जाएगा या आपको हिंदी में भी आ सकता है अब हम लोग चलते हैं ज़बान की महारतें, यानी भाषा कौशल के बारे में हम लोग जानेंगे कि भाषा कौशल है क्या जबान की महारत तो दुनिया की जितनी भी ज़बान ज़बान उस टोटल जबान की साथियों चार बुनियादी महारतें बुनियादी का मतलब जानते हैं कि फाउंडेशनल स्टेज जिसको साथियों जैसे हम घर बनाते हैं तो घर में बुनियाद बोलते हैं किसको जो जो हमारा ईट जो, जो है जमीन के अंदर रहता वही तो दुनिया की जितनी सारी जबाने हैं आप उस वक्त तक माहिर नहीं बन पाएंगे जब तक आपको इस चार चीज में आप माहिर नहीं बन जाए इस चार चीज को आप अच्छे से डेवलप नहीं कर ले ठीक है ना तो जबान की जो बुनियादी महारतें हैं वो टोटल चार हैं कितने हैं चार हैं इसी को बोला जाता है एल एस आर डब्ल्यू एल से लिसनिंग एस से स्पीकिंग आर से राइटिंग और डब्ल्यू से साथियों आर से रीडिंग और डब्ल्यू से राइटिंग ठीक है ना यानी सुनना बोलना और पढ़ना और लिखना याद रखिएगा होगा। होगा आपका, आपका, आपका पढ़ना और उसके बाद आखिर में होगा लिखना ठीक है ना यह क्रम भी याद रखिएगा चलिए जबान की महारत यानी लैंग्वेज स्किल्स यानी भाषा कौशल कौन कौन से है तो साथियों ध्यान दीजिए इसी को पहले आप इसको जान लीजिए ये वाले को दुनिया की हर जबान की चार बुनियादी महारतें होती हैं कौन कौन सा एल एस आर डब्ल्यू पहला होता है आपका सुनना जो कि सीमात हम लोग करते हैं यानी श्रवण कौशल जिसको बोलते हैं लिसनिंग दूसरा आपका होता है बोलना जो बोलना है साथियों वो क्या होता है जबानी होता है तो जबानी इजहार को बोलना बोलते हैं वाचिक या मौखिक कौशल बोलते हैं उसके बाद तीसरा आपका है स्पीकिंग ये इसी दूसरा दो, ही है ये और तीसरा आपका है पढ़ना यानी खानदगी जिसको साथियों पठन कौशल बोला जाता है यानी जिसको रीडिंग बोलते हैं और चौथा है साथियों जे जे लिखना यानी तहरीर जिसको हम लोग लेखन कौशल बोलते हैं यानी राइटिंग बोलते हैं देखिए इस चारों को जो है ना दो भागों में बांटा जाता है समझिएगा बातों को जे चारों जो है चार कौशल जो है एल एस आर डब्ल्यू इस चार कौशल को दो भागों में बांटा जाता है पहला यह होता है कि समझिएगा हम अपने विचार को हम अपने साथियों मन की बात को आप तक कौन कैसे पहुंचा सकते हैं तो हम अपने विचार को अपने मन की बात को साथियों दो तरीके से पहुंचा सकते हैं या तो हम बोलकर पहला हो गया बोलना या तो हम लिखकर तो यह बोलना और लिखना यह एक कैटेगरी में आता है आपकी बात या हमारी बात आप कैसे समझ रहे हैं या तो साथियों सुनकर यानी सुनना या नहीं तो आप पढ़कर तो सुनना और पढ़ना यह दूसरे कैटेगरी में आता है ठीक है आप समझिएगा हमारी बात को आप सुनकर समझते हैं या फिर पढ़कर समझते हैं तो इसी को बोला जाता है तहसीली या हुसूली या अखजी महारत या इसी को बोलते हैं ग्रहणात्मक कौशल ग्रहण कर रहे हैं आप नहीं तो ये जो आपका सुनना और पढ़ना है ये आपका हो जाएगा तहसीली महारत क्या होगा तहसीली महारत या फिर हो जाएगा अखजी महारत या फिर हो जाएगा हसूली महारत और साथियों लिखना और बोलना ये आपका हो जाएगा तामीरी महारत क्या होगा तामीरी महारत या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग अभिव्यक्तिकात्मक या फिर अभिव्यंजनात्मक कौशल या फिर इसी को बोला जाता है रचनात्मक कौशल बोला जाता है समझ में आ गया ना जे तो साथियों जबान की बुनियादी महारत जो चार है इसको दो दो खंड में हम लोग बांटते हैं चलिए अब उसके बाद देखते हैं तहसीली महारत सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक सुनना और पढ़ना बात को सुनेंगे और पढ़ेंगे दूसरों के ख्याल को समझने से होता है इसलिए इन्हें तहसीली महारत कहा जाता है तहसीली भी बोला जाएगा या फिर आखजी भी बोला जाएगा या फिर हसूली भी महारत बोला जाएगा ठीक है ना इससे मुराद यही होता है तामीरी महारत क्या होता है तामीरी महारत बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक अपनी बात और अपने ख्याल दूसरों तक पहुंचाने और उन्हें मुतासर करने से होता है इसलिए इसे तमीरी महारतें और तखलीकी महारतें कहते हैं तखलीकी का मतलब जानते हैं कि क्रिएटिविटी हम अपनी बात को अपने जज्बात को अपने ख्याल को आप तक पहुंचाते हैं तो किस तरह पहुंचाते हैं दो तरीके से या तो बोलकर या तो लिखकर तो बोलना और लिखना जो है वो आपका तामीरी महारत यानी कि साथियों तखलीकी महारत में वो आ जाएगा ठीक है ना चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं आगे है ये चारों जबान की बुनियादी महारत है क्या है ये बुनियादी बेसिक साथियों है ठीक है ना क्योंकि जबान की आला महारतों के फसूल के लिए ये महारतें बुनियाद का काम करती हैं जी तो इसलिए ये आपका हो जाएगा ठीक है अब उसके बाद आगे है सुनना देखिए बुनियादी चार महारतें जो हैं इसमें से जो सबसे पहली महारत है वो आपका है सुनना सुनना के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ठीक है सुनना यानी ज़बान की में सबसे पहली और अहम बुनियादी महारत सुनना है और यह जबानी शक्ल में होती है सुनने सुनने के लिए आपको कोई कॉपी कलम लेके नहीं बैठना पड़ता है बल्कि आप कान से सुनते हैं तो यह ऐसे ही होता है मुजबानी होता है तो यह जबानी शक्ल में होती है जबान की आमोदिश की इब्तिदा सुनने से होती है कहां से होती है जब किसी भाषा को आप सीखने जाते हैं तो उसकी जो इब्तिदा होती है वो साथियों ये सुनने से होती है सुनी हुई बात के माना को हम दो तरीके से समझते हैं जो बात हमने सुना है ना उसके माना को हम दो तरीके से समझते हैं एक होता है लफ्जों की बुनियाद पर और एक होता है सबका मालूम की बुनियाद पर एक जो लफ्ज बोला गया जैसे कि पानी ले आइए पानी आपने समझा जैसे ही लफ्ज बोला गया साउंड से आपने समझ लिया एक वो लफ्ज तो नहीं लेकिन पिछले मालूम से आप उसको साथी जोड़कर आप समझते हैं तो ये जो बात हम सुनते हैं उसके माना को हम दो तरीके से अखज करते हैं लफ्जों की बुनियाद पर या सबका मालूम की बुनियाद पर ठीक है चलिए सीमात की दो सूरतें होती हैं अब जो सुना जाता है वो भी साथियों दो तरीके का होता है एक होता है आपका तमामी सिमात और दूसरा आपका होता है गैरताती सीमात तम उलाती तामुल का मतलब होता है वार्तालाप यानी एक दूसरे से बातें करना तामुलाती आमने सामने सीमात टेलीफोन पर जो सीमात होती है उसे तामुलाती सीमात कहा जाता आमने सामने हम बात करते हैं या फिर जो टेलीफोन पर जैसे बात हुई यानी वो सीमात जिसके अंदर साथियों दोनों तरफ से बातें हो रही हो दोनों तरफ से सुनने का काम हो रहा हो तो वो कब होगा टेलीफोन पर बात करेंगे हेलो तो उधर से वो भी बोलेगा हेलो आप कैसे हैं जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं तो ये दोनों तरफ की जो बातें होती है ये आपका कहलाता है तामुलाती सीमात यानी जिस सीमात में दोनों तरफ से सिमात होती है उसको बोलते हैं तामुलाती सीमात जी उसके बाद आपका है गैर तामुलाती सीमात गैर तामलातीमात क्या है रेडियो टीवी और लेक्चर के दौरान को गैर-तामुलाती कहा जाता है रेडियो से साथियों आकाशवाणी का प्रसारण हो, हेलो हेलो हो रहा है आपकी बात का कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो ये गैर तामूलाती सीमात है यानी ये एक तरफा सुनने का काम हो रहा लेकिन जो तमुलाती सीमात होता है इसमें दोनों तरफ से सुना जाता है ठीक है ना यानी जिस समाज सीमात में सिर्फ एक तरफ से सिमात हो रही हो उसको बोलते हैं गैर तामलाती ठीक है ना अब उसके बाद आगे देखिए साथियों चलते हैं लिखने के तरफ सुनने का तो मसला हो गया हल अब लिखना जो है लिखा जो जाता है जो के साथियों सुनना बोलना और फिर लिखना जो तीसरा जबान की बुनियादी महारत है इसके साथियों अब जदी तरीका है जिसको हम लोग हरूफ तहजी का तरीका भी कहते हैं ये लिखना सिखाने का एक रिवायती और कदीम तरीका है ठीक है इस तरीका में पहले बच्चों को हरूफ लिखना फिर हरूफ को मिलाकर लिखना सिखाया जाता आप जाते थे स्कूल में पहले दिन तो साथियों आपको पहले अलिफ ऐसे दिया जाएगा फिर बा ऐसे दिया जाएगा फिर ता ऐसे दिया जाएगा फिर जब यह आप माहिर हो जाएंगे तो फिर इसको मिला लिखने के लिए बताया जाएगा तो यह तरीका कहलाता है अबजदी तरीका या फिर हरूफ तहजी तरीका और यह साथियों एक कदीम तरीका है ठीक है ना उसके बाद आगे है मानटेसरी तरीका मारिया मानटेसरी के द्वारा ये साथियों इजाद किया गया था मानटेसरी तरीका क्या है इस तरीका में लकड़ी या गत्ते के हरूफ काट लिए जाते हैं बच्चे उन पर उंगली फेर कर उसकी शनाख्त सीखते हैं लकड़ी का या प्लास्टिक का पूरा साथियों सा या फिर ए बी से जेड तक रहता है उसको एक साथियों जे क्या बोलते हैं आप आ, एक टोकरी के अंदर लाया जाता है और उसमें से बोला जाता है कि कोई ए निकालिए कोई बी निकालिए यानी हकीकी चीज को टच कर कर बच्चा सीखता है तो ये साथियों मॉन्टेसरी तरीका कहलाता है एक तरीका है आपका पिस्तालोजी तरीका पिस्तालॉजी तरीका ये लिखने का तरीका है इस तरीका में लिखने की शुरुआत लाइनें खींचकर करवाई जाती है हरूफ लिखने से पहले तलबा को दायरे नीम दायरे दायरे का मतलब होता है लकीर नीम दायरे का मतलब होता है आधी लकीर सीधी खत और फिर हरूफ को जोड़ना सिखाया जाता जैसे मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि सर हमको जीम बनाना नहीं आया आता तो आपको कोई लिखने वाले ने इस तरह करके ऐसे 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 करके दे दिया अब आपको बोला जाएगा कि इसको मिलाइए तो आप इसको क्या करेंगे साथियों बड़े अच्छे ढंग से आप इसको इसमें मिला देंगे इसको इसमें मिलाइएगा इसको इसमें मिलाइएगा इसको इसमें ऐसे 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 मिलाएगा, ऐसे मिलाइएगा ऐसे मिलाइएगा यह तरीका आप लोग जानते होंगे ना जी वन क्लास में पढ़ाया जाता है तो ये तरीका कहलाता है पेस्तालॉजी तरीका कौन सा तरीका कहलाता है पेस्तालॉजी तरीका कौन सा तरीका कहलाता है पेस्तालॉजी तरीका ठीक है ना जे अब उसके बाद आगे चलते हैं देखिए दिक्कत ये नहीं है परेशानी हम लोगों की कहां से शुरू होती है बताते हैं हम लोगों की परेशानी शुरू होती है साथियों यहीं से कि कुछ लोग जब क्लास में कचड़म कचड़ा करने लगते हैं इसी वजह से लंबे लंबे क्लासेस आते नहीं है जी बहुत आप लोगों ने यह किया था कि सर मैराथन लाइए मैराथन लाइए अब इसमें कोई पूछता कब क्लास खत्म होगा क्लास खत्म होने का टाइम किसी टीचर को पता है मैराथन में पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा आपको बस आपको पहले ही बताया गया था ऐसे भी दो दिन से साथियों एक ही क्लास आज आज के लिए तैयारी की गई है तो इसलिए आप जमकर बैठिए उकताइए नहीं उकताइएगा साथियों इससे नुकसान ज्यादा होगा फिर आप समझ नहीं पाएंगे एक दिन में सारी चीजों को समझने के लिए आप टाइम तो दीजिएगा ना समझिए ना जो बोल रहा है साथियों उसकी हालत समझिए आप सुन रहे हैं तो आपको इतनी दिक्कत जो बोल रहा है उसको कितनी दिक्कत तो इसलिए आप लोग सहयोग कीजिए बस कुछ नहीं बस यही चाहता हूं आपसे चलिए चलिए की मंदरजा जैल किस्म देखिए लिखने की किस्में हमने अबी तरीका मान्टेसरी तरीका पेस्तालोजी तरीका जान लिया हड़बड़ाहट की बात नहीं है कोई हलबड़ा यह नहीं तरीका, तहजी का तरीका वही होता है जिसमें स्टार्टिंग में अली बात आ जाता है फिर उसके बाद उसको जोड़ना सिखाया जाता है उसके बाद मान्टेसरी तरीका मारिया मानटेसरी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है यह वो तरीका है जिसके अंदर आपको लकड़ी या गत्ते पर हाथ फिर या उससे साथियों संबंधित आपको सिखाया जाता है और तीसरा आपने पढ़ा पिस्तालॉजी तरीका जिसके अंदर लकीर खींचकर पढ़ाया जाता है वो क्या होता है पिस्तालॉजी तरीका होता है ठीक है ना ये आपने समझ गया अब मुताला की जैल किस्म है जब हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं तो पढ़ना ही ना मुताला हुआ तो मुताला साथियों कई तरीके से करते हैं पहला होता है हमारा सरसरी मुताला दूसरा हमारा होता है स्कैनिंग मुताला तीसरा हमारा होता है अमीक और वसी मुताला और चौथा हमारा होता है बुलंद खानी और खामोश मुताला देखिए असल में हिंदी के पेडागोजी में जब आप जाइएगा ना तो वहां पर साथियों डायरेक्ट ऐसे लिखा गया है कि पठन जो है पठन कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के पहला आपका कहलाता है स्वस्वर पठन और दूसरा आपका कहलाता है साथियों क्या स्वस्वर पठन का मतलब होता है आवाज से पढ़ना और दूसरा आपका होता है मौन पठन है ना यानी कि साइलेंट से पढ़ना अब देखिए साथियों पहला तो ये प्रकार हो गया कि बुलंद आवाज से पढ़ना खामोश मुताला अब बुलंद आवाज में हम एक होता है कि एक बच्चा पढ़ा सारे लोग सुने एक है कि सब लोग मिलकर पढ़े और एक खामोश मुताला जो है उस मुताला के अंदर आता है सरसरी मुताला स्कैनिंग मुताला अमीक और वसी मुताला ये सब खामोश मुताला के अंतर्गत आते हैं यानी खामोश मुताला की किस्में तो चलिए देखते हैं सरसरी मुताला किसे कहा जाता है इसको हम लोग देखते हैं सरसरी मुताला किसी भी अकतबास के पूरे मरकजी ख्याल को सरसरी तौर पर जानना ही सरसरी मुताला कहता है कोई पैराग्राफ है कोई पैराग्राफ है और उस पैरे पैराग्राफ के मुकम्मल साथियों आप हाव जी भाव को जानना चाहते हैं मुकम्मल उस पैराग्राफ की इसको जानते हैं तो पूरा एक एक हड़फ थोड़ी पढ़ते हैं हम क्या करते हैं जे हम क्या करते हैं के साथियों उसमें थोड़ा सा हम जल्दीबाजी में करते हैं तो यह होता है आपका सरसरी मुताला मतलब किसी भी एक्तिस किसी भी अकतबाश या किसी भी पैराग्राफ का साथियों भाव जानने के लिए जो पढ़ा जाता है वो होता है सरसरी मुताला भाई रुक जाइए एक बड़ा परेशान आत्मा है इस तरह करने से नहीं होगा कमेंट करिएगा फालतू का क्या आप लोग कर दिया भाई अच्छे से पढ़ो यार रुक जाइए एक मिनट इस तरह नौ करें प्लीज नौ करें आप लोग आप लोग बड़े अच्छे हैं ठीक है ना एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट न कीजिए बेहतर होगा आपके लिए ही लाया हूं क्लास वरना क्या जरूरत थी हमको ढाई घंटा पांच घंटा बकने का ठीक है ना नौ करिए इस तरह आप माहौल बनाइए ऐसा समझा दूंगा ना कि जो पेड़ागोजी का उलझन है ना वो दिमाग से आपके निकल जाएगा उर्दू का चलिए तो सरसरी मतला का मतलब क्या हुआ कि सरसरी मोताला का मतलब हुआ कि किसी भी पैराग्राफ का किसी भी अकतबाज का जब हम साथियों उसका हम क्या जानना चाहते हैं मरकजी ख्याल को जानना चाहते हैं यानी पूरे का निचोड़ हम जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें जल्दी में हम पढ़ते हैं वो होता है सरसरी मुता। स्कैनिंग मुताला क्या होता है स्कैन नहीं बोलते हैं स्कैन करके भेज दीजिए स्कैनिंग मुताला किसी अक्तिबाज के किसी खास मालूम की खोज के मकसद से जो सरसरी मुताला किया जाता है भी एक तरह का सरसरी मुताला है लेकिन आपको मान लीजिए कि कि कोई आपके डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया कि महात्मा गांधी कब पैदा हुए थे मौलाना अब्बुल कलाम आजाद पैदा कब हुए थे तो उसके लिए क्या खोलेंगे उसका चैप्टर खोलेंगे जल्दी जल्दी से आप उसका डेट ऑफ बर्थ खोजिएगा कोई फार्मूला आपसे पूछ ले प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यू ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये सब आप क्या करिएगा का चैप्टर खोलिएगा, जल्दी-जल्दी से उसका फॉर्मूला पढ़िएगा मतलब जब आप किसी एक चीज के लिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो वैसे मुताला को मुताला को स्कैनिंग कहते हैं। हैं समझ रहे आप? तो किसी के, किसी के के खास मालूमात की खोज के मकसद से, जो सरसरी मुताला किया जाता है उसे मुताला कहा जाता है किसमें स्कैनिंग उसके बाद आपका है अमीक और वसी मताल अमीक और वसी मतला क्या होता है इसका ताल्लुक आमतौर पर मतन के बारीकी तरकीब और तफहीम से है यानी इबारत के हर एक पहलू पर गौर किया जाता जैसे आपका सलेबस का बुक है आपका जो सलेबस है जो आपके एनसीआर के बुक है उसको तो जल्दीबाजी में आप नहीं पढ़ेंगे हर एक पहलू को देखिएगा तरकीब देखिएगा कि यहां पर इस लफ्ज का क्या मतलब होगा यानी आपके जो दरसियाती किताब है वो साथियों जो पढ़ाता है पढ़ते हैं बच्चे वो अमीक और वसी मुताला के अंदर आएगा हमें पता है कि आप सरसरी मुताला भी समझ गए स्कैनिंग मुताला भी समझ गए अमीक और वसीर मुताला भी आप लोग समझ गए अब बुलंद खानी और खामोश मुताला दोनों का तो मतलब आप लोग समझ ही गए ये स्कैनिंग मुताला और अमीक और वसी मुताला ये दोनों के दोनों बुलंद खामोश मुताला में अंदर आते हैं बुलंद खानी मुताल का ताल्लुक इब्तदाई जमात के बच्चों से है ए फॉर एपल बी फॉर बॉल सी फॉर कैट जी पढ़ा ना हम लोगों ने जी वन क्लास के अंदर खूब रटाया गया है आवाज आवाज से पढ़ते हैं तो ये बुलंद खानी अब बुलंद खानी से फायदा ये होता है कि इसके जरिया तलफुज और माना का पता चलता मतलब हम लोग उच्चारण को अगर सुधारना है तो इसके लिए बुलंद खानी जरूरी है लेकिन एक बात याद रखेगा बुलंद खानी आला दर्जात के बच्चों के लिए नहीं है इब्तारी दर्जा के बच्चों के लिए और खामोश मुताला में बगैर किसी आवाज के सिर्फ नजरों से पढ़ा जाता है इस मुताला का मकसद इबारत को समझना और लुत्फ अंदोज होना है खामोश मुताला में किसी चीज को हम बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं खामोश मुताला में हमारा एनर्जी कम खस खत्म होता है खामोश मुताला में साथियों जे हमें आवाज से नहीं पढ़ना पड़ता यह दोनों चीज अंतर आप समझ लीजिएगा आगे चलते हैं जे अब आगे है तदरीस के असूल शिक्षण के साथियों कुछ सूत्र होते हैं कुछ नियम होते हैं जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी बच्चे को पढ़ाइएगा बेगैर उसूल के पढ़ाएंगे कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो आए पहला दिन से साथियों उसको पीटने लगिए आप नहीं पढ़ पाएगा पहला दिन से उसको डांटने लगे नहीं पढ़ पाएगा पहला दिन से खूब हार्ड वर्क देने लगिए नहीं पढ़ेगा वो पहले दिन से उसको लिखवाने का काम कीजिए वो भाग जाएगा लेकिन अगर एक बच्चा है पहला दिन आए उसको केवल और केवल कहिए बैठिए सुनिए आप दूसरा दिन आए केवल बैठिए और सुनिए तीसरा दिन आए कुछ पूछिए गलती करे तो कहे शाबाश आप मेहनत कर रहे हो वो उस तरह सीखने लगेगा। जे। तो के भी कुछ उसूल है शिक्षण के भी कुछ नियम है जी उसको हम लोग देखते हैं कामयाब और नतीजा नतीजा खेस तदरीस के लिए को चंद उसूलों को अपनाना जरूरी है ये उसे मंदरजा जैल है कौन कौन सा है तो इसको आप लोग देखिए जी मालूम से ना मालूम की तरफ हमें बच्चे को पहले वो चीज पढ़ाना है जो चीज बच्चे को पहले पता है उसके बाद उन चीजों की तरफ बढ़ना है जो चीज उसको नहीं पता है क्योंकि बच्चे साथियों हकीकी चीजों से वास्ता जोड़कर पढ़ते हैं इसीलिए हमें मालूम से ना मालूम की तरफ चलना है दूसरा नियम है कि आसान से मुश्किल की तरफ बच्चे को भारी चीज शुरुआत में नहीं पढ़ाना है पहले हमें उसको आसान आसान चीज उसके बाद साथियों हम भारी भारी चीज पढ़ेंगे यानी उसके अस्तर से थोड़ा सा बड़ा पढ़ेंगे उसके बाद कुल एक एक पार्ट पढ़ाएंगे जी ऐसा नहीं है आपने देखा होगा साथियों इंग्लिश ग्रामर आप पढ़े होंगे तो जो टेंथ है, ट्वेल्थ है में पढ़ते हैं डायरेक्ट नाउन प्रोनाउन बताया जाता है सॉरी टेंथ में मतलब और एट क्लास में लेकिन जब आप इंग्लिश के में ऑनर से करते हैं तो उसी को डिटेल में बताया जाता है तो पहले हमें कुल को पढ़ा देना है उसके बाद जुज को उसके बाद पढ़ाना है। तो कुल से जुज का मतलब जान गए कुल का मतलब हुआ मुकम्मल और जुज का मतलब हुआ उसका पार्ट जैसे हमारे पास ये पेन है ये पेन हमने बोला तो ये कुल हो गया और इसका हमने ये साथियों कैप अलग निकाल दिया इसके बॉल को अलग निकाल दिया तो ये होगा आपका जुज यानी इसका टुकड़ा होगा तो हमें जो बच्चे को पढ़ाना है पहले कुल पढ़ाना है तब जुज पढ़ाना है बात समझ में आ रही है आपको मादी से गैर मादी शय की तरफ पहले हमें वो चीज पढ़ाना है जो क्या हो साथियों सामने हो जो क्या हो जो दिखाई देता हो जो हो ऐसा नहीं कि वो चीज पढ़ा दे जो बच्चे कभी देखा ही नहीं हो तो पहले हमें मादी को पढ़ाना फिर गैर मादी शय को पढ़ाना खास से आम की तरफ बच्चों को पहले हमें खास खास चीजें पढ़ानी और तरकीब का मतलब होता है, मतलब है संश्लेषण करना, है। उसके, बाद उसका करना है। उसके बाद हमें उसको जोड़ना ये साथियों टोटल छह तदरीस के क्या है उसूल है कभी कभी आपको मुकम्मल तौर पर यही दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वसूल नहीं है तो जो नहीं होगा उसको निकाल दीजिएगा चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं आगे आपका साथियों ये है कि तदरीस जबान के तरीके उसूल आपने जान गए अब इसका तरीका क्या है कैसे पढ़ाना है जबान और आमोदिश से मुतल नजरियात ने जबान सीखने के मुख्तलि तरीके मुरतब किए मतलब बहुत तरह का तरीका बताया गया कि ऐसे जबान सिखाना ऐसे जबान सीखाना इनमें से ज्यादातर तरीकों की तशकील दूसरी जबान सीखने के लिए कही गई मतलब तरीका जितना भी बताया गया है यह केवल और केवल साथियों दूसरी जबान के लिए बताया गया पहली जबान के लिए कहीं पर भी यह जिक्र नहीं हुआ कि हमें बच्चे को पहली जबान ऐसे सिखाना वैसे सिखाना है जी ये नहीं बताया गया तो जो पहली जबान है वो मादरी जबान होती है उससे मुताल आपको कोई तरीका नहीं है आम तौर पर साथियों जो बात होती है वो दूसरी जबान के लिए होती है तो दूसरी जबान सीखने के लिए कही गई है मादरी जबान की हूसूली जिस फितरी तौर पर होती है वैसे ही जमात में उसकी तदरीस भी फितरी माहौल में होती है लेकिन दिग् जबानों की आमोदिश के लिए माहिर लिसानियात ने मुख्तलिफ तरीके कार पेश किए हैं जो मुंदरजा झेल है मतलब दूसरी जबान को अगर आपको सीखना है तो इसके अलग अलग तरीके बताए हैं जी मनोविज्ञानिक ने कि इस तरह इस तरह बच्चे को अगर सिखाया जाए तो वह अच्छे ढंग से सीख सकता है वह तरीका क्या है देखिए पहला आपका है कवायद तर्जमे का तरीका मतलब बच्चे को जो हम पढ़ाएं वो क्या पढ़ाएं ट्रांसलेट करके ऐसा नहीं है कि बच्चे को डायरेक्ट हम कोई दूसरा मेथड पढ़ा देते तो नहीं बल्कि हम जो भी चीज पढ़ाएं कवायद पढ़ाएं वो साथियों हम तर्जमा करके यानी कि उसका साथियों हम अनुवाद करके पढ़ाएं ये पहला तरीका दूसरा है गुफ्तगू का तरीका तीसरा है समी लिसानी का तरीका चौथा है साइलेंट वे का तरीका पांचवा है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का तरीका छठा है फितरी तरीका और सातवा है बरा रास्त का तरीका और आठवां है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग एक एक चीज करके समझाऊंगा थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा चलिए देखते हैं जे और उसके बाद आगे साथियों देखिए क्या है सबसे पहला जो तरीका है वो है कवायद तर्जमे का तरीका कवायद तर्जमे का तरीका क्या है इसको आप लोग एक बार देखिए और अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा ये जबान सिखाने का एक रिवायती तरीका है। पहले जबान में भी हम लोग साथियों जब जाते थे तो हमें क्या होता था एक इंग्लिश का बुक लेते थे और बोलते थे चूहा एम ए टी मैट मैटमिन से चटाई एफ ए टी फैट फैट मिन से मोटा नहीं एन ए टी जे तो इस तरह हम लोग पढ़ते थे तो ये जो जबान सिखाने का एक रिवायती तरीका यानी यह पहले से आता चला जा रहा है इसका इस्तेमाल ज़बान ज्यादातर एक जबान की मदद से दूसरी जबान सिखाने के लिए किया जाता मतलब यह है कि कवायद तर्जमे का तरीका जो है एक जबान की मदद से हम दूसरी जबान को सिखाते हैं इसमें तर्जमे की मदद से दूसरी जबान सिखाई जाती है जैसे अभी मैंने बताया था कि सी ए टी कैट जिस जे जे और कहा जा सिखाई जाती है सिर्फ आमोजगार जिससे सिर्फ आमोजगार की लगत पढ़ने और लिखने की सलाहियत ही पड़वान चढ़ती है सुनने और बोलने की सलाहियत दबी रह जाती है जी इस तरीका का इस्तेमाल पहली जबान यानी मादरी जबान की मदद से दूसरी जबान यानी हदफे जबान सिखाने के लिए किया जाता है समझिएगा इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कहा जा रहा है कि इसमें जो है ना तर्जमे की मदद से दूसरी जबान सिखाई जाती है तो जिससे क्या होता है कि आमोजगार की लगत यानी उसका डिक्शनरी पावर पढ़ने और लिखने की सलाहियत ही परवान चढ़ती है मतलब केवल वो बोलना सीख लेता है पढ़ना सीख लेता है लेकिन सुनने और बोलने की सलाहियत उसकी दबी रह जाती है चूंकि वो सुनना सुनना बोलना नहीं उसको तो बताया जाएगा उसी को पढ़ लेगा इस तरीके का इस्तेमाल पहली जबान यानी मादरी जबान की मदद से दूसरी जबान यानी हदफ जबान सिखाने के लिए किया जाता है ठीक है चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं गुफ्तगु का तरीका गुफ्तगु हम लोग तो जानते हैं ये तो कोई नई बात नहीं है भाई साहब गुफ्तु की बात आई है तो एक कहानी सुनाऊंगा ताकि आपका मिजाज भी फ्रेश हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे किसी जाति विशेष के तौर पर नहीं है क्योंकि साथियों बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी चलता है आजकल अगर बोल दीजिए तो फिर दिक्कत ना हो जाए इसलिए आप लोग सुनिए बस एक साथियों मशरा के तौर पर एक बादशाह था उस बादशाह वो बादशाह ने एक ऐलान किया कि हमारे दरबार में जो सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसको जुम्मू मांगा हम इनाम देंगे तुरंत जा साथियों क्या होता है कि बहुत सारे लोग झूठ बोलने वाले बड़े बड़े माहिर आते हैं लगता है कि हम लोगों में से अभी कोई रहता तो जरूर जीत जाता बड़े झूठ बोलने वाले आते हैं कोई ये बोलता है कोई वो बोलता है कोई वो बोलता है खूब झूठ बोलता है, है बादशाह कहता है नहीं इससे भी ज्यादा झूठ कोई हो सकता है तुरान चा साथियों एक बूढ़ा आदमी दबा बहुत दुबला पतला वह आता है और वो एक छोटी सी सिंपल सी बात बोलता है कि बादशाह सलामत मैं जा रहा था मुंबई मेरी गाड़ी जो है लखनऊ में रुकी और लखनऊ में मैंने देखा कि चार औरतें एक साथ बैठी हुई है चारों के चारों खामोश है बादशाह जो है ना बहुत ज्यादा खुश हुआ और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी झूठ जो है यही बोला है चुनाचा उन्होंने ये घोषणा किया कि मुंह मांगा इसको इनाम दिया जाए यानी चार औरत एक जगह हो और वो खामोश रह नहीं सकती ये जे। तो ये तो गुफ्तगु है बात समझ में आ गई ना आप लोगों को और सेम साथियों हमारे उत्ताद मोहतरम कहते थे कि जो औरतों की हाल है कि वो बगैर खामोशी के बैठ नहीं सकती उसी तरह जो तालब इल में होते हैं वो खामोश बैठ नहीं सकते कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेंगे जी चलिए गुफ्तु का तरीका क्या है जे गुफ्तगु का तरीका है ज़बान सिखाने का यह तरीका काफी कारगर माना जाता है इसमें जबान सीखने का आगाज दूसरी जबान में गुफ्तु करके किया जाता है जैसे इंग्लिश वगैरह सीखने जाते हैं डायरेक्ट आप बात करते हैं इसमें मुअल्लिम बातचीत के मौजूद का तायुन करता है जैसे रेलवे स्टेशन पर शॉपिंग मॉल में पोस्ट ऑफिस में नौकरी के लिए आप जाते हैं तो आपको एक टॉपिक दिया जाता है कि आज रेलवे स्टेशन पर क्या क्या होगा उस पर बात करना तो यह गुफ्तु के जरिया सिखाया जाता है ये भी सीखने का एक तरीका है ठीक है ना चलिए अब उसके बाद आपका रास्ते का तरीका बड़ा पूछा गया इससे भर भर के क्वेश्चन पिछले बार भी रास्त तरीका यानी डायरेक्ट मेथड जिसको कहा जाता है इस तरीके के तहत दूसरी जबान सिखाने के लिए किसी जबान की मदद नहीं ली जाती मतलब जब आपको जबान सिखाया जाएगा ना तो कोई भी जबान का सहारा नहीं लिया जाएगा और आमोजगार को सीधे ही जबान सिखाई जाती है डायरेक्ट आपको जबान सिखाया जाएगा जबान में गुफ्तु की जाती है मतलब जो जबान आप सीखना चाहते हैं उसी में बात की जाती है जैसे बच्चे को कलम दिखाकर कहना दिस इज अ पेन लेकिन जो ठोस चीजें हैं इसके लिए तो इस तरीका का इस्तेमाल किया जा सकता है मुजरत तस्वुरा को सीखना बहुत मुश्किल होता है बात समझ में आ रही है आपको कि रास्त के तरीका में मादरी जबान को शामिल नहीं किया जाता है इतनी सी बात आप याद रखिए चलिए ठीक है ये आपने समझ लिया अब उसके बाद जानते हैं कि जो रास्त का तरीका है ये तरीका पहली जबान यानी मादरी जबान की आमोदिश के लिए मुफीद है मतलब हम अपने घर की जबान सीखेंगे तो इसमें किसी जबान की सारा नहीं है चलिए ठीक है उसके बाद चौथे नंबर में है आपका समय लिसानी तरीका समय का मतलब होता है सुनना लिसान का मतलब होता है भाषा इस तरीका के तहत बातचीत और मकालमों के जरिया जबान सिखाई जाती है इस तरीका में मुआलिम किसी अकतबाज को ब आवाज बंद पड़ता है या टेप रिकॉर्ड की मदद से सुनाता है फिर तलबा की याबी की जांच करता है इस तरीका में सिमात का अहम किरदार है इसमें चारों किस्मों की महारतें सुनना बोलना पढ़ना और लिखना फरोह पाती है समे ली तरीका है मान लीजिए कि साथियों आपको कोई टेप रिकॉर्डर से सुनाया किसी का भाषण लेक्चर और उससे संबंधित कुछ आपसे सवाल किया तो ये आपने कैसे सीखा तो ये सुनकर सीखा तो ये भी साथियों कवायद पढ़ने का एक तरीका है जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोग कैसे सुनकर और देख सीख रहे हैं तो यह भी समय लिसानी तरीका में आएगा ये कवायद के तरीकों में से एक तरीका है उसके बाद है साइलेंट वे का तरीका इस तरीका में मुआम का रोल एक मुआविन और वसीला का होता है मतलब एक सिर्फ मददगार के तौर पर टीचर होते हैं टीचर होता है जो आमोजगार की जरूरिया की तशफी का काम करता मतलब जो बच्चा सीख रहा है वो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल कि हम सही सीख रहे हैं गलत नहीं सीख रहे बस उतना सा काम पूरा करता है कौन टीचर बाकी टीचर कुछ नहीं करता सारे के सारे बच्चे ही करते हैं तो इस तरीका में मुम का रोल एक मुआविन और वसीला का होता है और जो आमोजगार की जरूरियात की तशफी का काम करता इसमें मुअल्लिम मतहरिक और खामोश रहता यानी मुअल्लिम जो है वो चुपचाप रहता मुअल्लिम मींस टीचर टीचर जो है वो चुपचाप रहता और ज्यादातर आमोजगारों के दरमियान बातचीत को फ़रो दिया जाता यानी जो सीखने वाला बच्चा है वो ज्यादा से ज्यादा बातचीत करे साथियों यही कहलाता है साइलेंट वे का तरीका अब साइलेंट वे का मतलब यह नहीं हुआ कि बच्चा साइलेंट होगा नहीं बच्चा तो बोलेगा ही उस्ताद साइलेंट होंगे उसके बाद आपका जो छठा तरीका है वो टोटल फिजिकल है बड़ा अहम है इसके बारे में आपको पूछा जाता है जो के साथियों टी पी आर करके भी आता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इस तरीका की खोज माहिर नफ्सियात जेम्स एशर ने की थी इनके मुताबिक बेहतर आमोदिश के लिए तलबा का जिस्मानी और जहनी तौर पर शामिल होना जरूरी है जैसे बच्चे को कोई एक्टिविटीज करके सिखाना बच्चे को कोई क्रियाकलाप करके सिखाना ये सारे के सारे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के अंतर्गत आते हैं जी हम लोग सुन जानते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर हम प्रैक्टिकल साथियों करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल के तौर पर सिखाते हैं तो बच्चा उसको जल्दी सीखता है ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के तौर पर सिखाया जा सकता उसके बाद जो सातवां तरीका है आपका है वो है फितरी तरीका फितरी तरीका क्या है भाई इस तरीका की ट्रेसी टेलर ने की थी ये तरीका करके सीखने पर मबनी है किस पर है करके सीखने पर मबनी है इसके मरकज में या मिताबें ना होकर तालबे इल्म है इस तरीका का नजरिया है कि तालब इल्म गलती करके सीखता कौन सा तरीका का वह है फितरी तरीका का उसके बाद आठवां तरीका है आपका कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग कम्युनिटी का मतलब जानते हैं ग्रुप क्या होता है ग्रुप इस तरीका में का रोल एक मुशीर का होता है यानी एक रहनुमा का होता है आमोजगार पर जबान सीखने की खुद मुख्तारी की जिम्मेदारी ज्यादा होती है इजहार ख्याल यानी कोई टॉपिक लिया उस पर बच्चे जो है ना अपना इजहार खयार ख्याल कर रहे हैं कोई एहताज वाला काम है जैसे मौजूद को तलब इल्म जबान अव्वल में फराहम करता इस तरीका में आमोजगार खुद तय करते हैं कि उन्हें क्या सीखना मतलब बच्चे खुद ये करते हैं डिसाइड करते हैं कि हमें क्या सीखना है वो कौन सा तरीका है कम्युनिटी लैंग्वेज कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि ग्रुप यानी बच्चे ग्रुप में सीखते हैं तो वो क्या होता है आपका कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग होता है ठीक है ना अब उसके बाद आगे है भाई तदरीस कवायद के ते तदरीस कवायद देखिए जब हम लोग कवायद पढ़ाते हैं तो आम तौर पर इसके दो तरीके बड़े फेमस हैं जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है ध्यान दीजिएगा तदरीस कवायद के तरीकों में से पहला तरीका आता है जबान की तदरीस में कवायद के किरदार को लेकर माहिर लसानियात के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है कवायद के तदरीस के दो तरीके मंदरजा जैल दो तरीका जो है वो मुंदरजा जैल है कौन कौन सा पहला आपका है इसखराजी तरीका इस्तिकाजी तरीका इसको हिंदी में बोला जाता है निगमन विधि दूसरा आपका है तरीका इसको बोला जाता है साथियों उर्दू में या हिंदी में आगमन विधि क्या बोला जाता है आगमन विधि क्या बोला जाता है आगमन विधि ठीक है ना अब हम लोग जानते हैं इस्तिखराजी तरीका क्या करते हैं इसको बोला जाता है इस्तराजी तरीका जिसको साथियों हिंदी के अंदर निगमन विधि कहा जाता है इस तरीका का इजाद यूनानी फलसफी अरस्तु ने किया था किसने किया था अरस्तु ने किया था जे और ये कवायद की तदरीस का रिवायती और कदीम तरीका है मतलब प्राचीनतम विधि है कौन सा निगमन विधि इसके तहत पहले तलबा को तारीफें और उसूलें रटवाए जाते हैं आज से हम लोग बचपन में साथियों हम लोगों को कुछ याद करना होता था तो उस्ताद बोलते थे बिल्कुल रट के लाना है पानी की तरह हम लोग दिन रात रटते रट रहते थे समझे या बूझे कुछ नहीं हम लोग रटते रहते, रहते थे तो साथियों ये जो है तारीफें और उसूल रटवाए जाते हैं ये कौन सा तरीका है ये आपका इस्तिखराजी तरीका है मतलब ये आपका निगमन विधि है क्या है ये आपका निगमन विधि है ठीक है ना फिर इनका इस्तेमाल करवाया जाता है मतलब पहले उसूल रटवाए जाते हैं और बाद में इसका इस्तेमाल करवाया जा जाता है ठीक है जी बच्चे बिला फहम रटते जाते हैं मतलब बगैर समझे बच्चे रटते जाते हैं और ये अमल इंतहाई बोरियत और बोझवाला होता है बच्चे कवायद के नाम से नफरत कर लेते जैसे बचपन में हम लोग भाग जाते थे जे रटते 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 थक जाते थे तो यह क्या होता था साथियों इसखराजी तरीका हुआ अब जो अभी यह तरीका ना मालूम से मालूम की तरफ उसूल से मिसाल की तरफ ठीक है ना उसूल से मिसाल की तरफ चलता है जो कि तालीमी और बच्चे के नफसियात के मुखालिफ है ठीक है अब उसके बाद आगे है इसतराई तरीका इसतकराई तरीका क्या है जिसको हम लोग आगमन विधि बोलते हैं आगमन विधि ये जदीद तरीका है इस तरीका का ईजाद यूनानी फलसफी अरस्तू ने ही किया था यह कवायद की तदरीस का जदीद तरीका है यानी अभी मॉडर्न में लेटेस्ट में जो साथियों तरीका राइज है वो आपका इसतराई तरीका है इसके तहत तलबा की मालूम का इस्तेमाल करके कवायद की तालीम दी जाती है तारीफों के मकाम पर कवायद के अमली इस्तेमाल पर जोर दिया जाता मतलब तारीफ न रटवा कर हम बच्चे को ज्यादा से ज़्यादा अमलन काम कराएं ये साथियों इसतराई तरीक़ा में होता है इसतराई तरीका में मिसालों से उूलों की तरफ मतलब पहले मिसाल फिर आपको उसूल बतलाया जाएगा मालूम से ना मालूम की तरफ गामजन होता है जो कि नफ्सियात के एन मुताबिक है जो तलबा की दिलचस्पी भी बरकरार रहती है इसके अंदर किसके अंदर साथियों वो होता है इस्तिकराई तरीका में ठीक है तो आपने जो साथियों शिक्षण के दो मेथड है एक आपका आगमन विधि और निगमन विधि इस दोनों को आप लोग समझे किसी को कोई दिक्कत भी है इसमें जी एक बार बताइए किसी को कोई दिक्कत है इसमें चलें आगे चलें चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं आगे है साथियों इस्तराजी तरीका और इसतकराई तरीका दोनों में अंदर फर्क है क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं जी तो इस्तराई तरीका जो होता है इसमें क्या फर्क है इसको यहां पे बयान करेंगे हम इस्तराजी तरीका में क्या फर्क है इसको यहां पर बयान करेंगे चलिए देखते हैं इससे बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है मतलब इसतराई तरीका होता है कि पहले आपको मिसाल फिर आपको उसूल नहीं और इस्तराजी तरीका में है कि पहले उसूल रटना है फिर मिसाल तो जब किसी चीज को आपको मिसाल के जरिए समझा दिया जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो इससे बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है कौन से तरीके से इसतकराई तरीके से और इस्तराजी जो तरीका है जा पर तकिया करने की आदत पड़ती है मतलब आपने तो रटा और रटने के बाद आपको क्या होगा कि साथियों आप यही सोचोगे कि हमने तो रट लिया रट लिया तो रटते रटते आपका जो कुछ अगला कुछ सोचने का क्षमता है उसका विकास नहीं हो पाएगा इसलिए आप उस्ताद पर ही तकिया लगाए रहेंगे जी ये वीडियो आपको लाइव ही दिखेगा इसके बाद से दिखेगा नहीं इसलिए जो लोग छोड़ के जाएंगे वो अपने बारे में सोच लीजिएगा जी अभी तो आगे बहुत सारी चीजें एन है सारी चीजें आज क्लियर कर दूंगा लेकिन ये लाइव ही तक है जी उसके बाद फिर आपको दिखेगा नहीं इसलिए बात जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा पूरा पढ़ लीजिए बैठे हैं तो साथियों बिल्कुल सुधा के जाना है खत्म करके जाना है खत्म नहीं मुकम्मल करके जाना है चलिए जी राजत आर्या शुक्रिया थैंक यू इस जदीद मालूमात हासिल होती है किससे इसतराई तरीका से से सबका मालूम होती है जब आप किसी चीज को रटेंगे ना तो पिछली जो मालूम है उसको आपको वो और आपका हो जाएगा। ठीक है ना चलिए मतलब आप किसी चीज को डिटेल में जाना है तो उसके लिए ये साथियों आपको डिटेल में बताता है और उसके बाद आगे है इससे दूसरों की मालूम की सिर्फ तस्दीक होती है मतलब आप चीज को रट लिए तो आप जो है इस बात पर कि यह बिल्कुल सही है या गलत है बस इतना सा ही सोच पाएंगे लेकिन उसका इंकशाफ सही गलत की तमीज करना यह नहीं कर पाएंगे तो इस्तरा तरीका जो है इससे दूसरों की मालूम की सिर्फ तस्दीक होती है अब यह जो वाला है इसतराई तरीका खुद करके सीखने का मौका मिलता है इसके अंदर क्योंकि पहले आपको मिसालें बताई दी जाती है उसके बाद ये इसलिए इल्म पुख्ता और कार आमद होता है और आगे है दूसरों के बताने पर भरोसा करना पड़ता है इस पर पूरा यकीन भी नहीं जमता मान लीजिए कि भाई आप किसी चीज को रटे हुए हैं आपने तो रटंतु प्रणाली से रट लिया पांच दिन के बाद आपका तो कमजोर हो जाएगा और आप बोलिएगा कि हमने यह याद किया अगला बोलेगा कह अरे तुम यह गलत याद क्यों तो आपके ऊपर खुद भरोसा आपको नहीं रहेगा हो सकता है कि गलत तो जो रटंतु प्रणाली है वो साथियों कॉन्फिडेंस को आपको घटा देगा आपका भरोसा खत्म कर देगा आपको जो यकी खुद एतमादी है वो कम हो जाएगी ठीक है ना और अगर आपने किसी चीज को मिसाल से समझ रखा है तो वहां पर आप गलत और सही को पकड़ लेंगे यह तरीका बच्चों के लिए मौजू है कौन सा इसतराई तरीका जो है बच्चों के लिए बेहतर है यह तरीका बड़ों के लिए मौजू है जो बड़े लोग हैं उसको साथियों बच्चे के लिए यह तरीका मौजू नहीं है कौन सा इसतरा चलिए मखसूस वाकयात इनफरादी मिसालों पर पहले गौर किया जाता है और उनसे तारीफें कायदे और कुलिए अखज किए जाते हैं किसके अंदर बता दिए जाते हैं फिर मखसूस वाकयात या इनफरादी मिसालों पर उन्हें मुंतबिक किया जाता मतलब मिसाल बाद में बताया जाता तो एक बात ये बताइए आप लोग इस्तराजी और इसतराई यानी कि निगमन और आगमन विधि आप लोग समझ गए किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बताइए आप लोग जे ये सिद्दीकी सऊदा को जो है ना परेशानी है कि पीडीएफ कराइए कम से कम एक हजार प्लस जो है ना पेडागोजी का क्वेश्चन होगा हमारे यूट्यूब पर लेकिन जितना मैं करा रहा हूं ये इतना सारा एक क्लास में आपको नहीं मिलेगा इसलिए इसको देख लीजिए आपका पूरा उर्दू पेडागोजी का डर भाग जाएगा चलिए अगला चैप्टर है आपका तदरीस तदरीसी वो आमोदिशी मवाद तदरीसी आमोदिशी मवाद जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको साथियों टी एल एम बी बोला जाता है ठीक है चलिए देखते हैं क्या है ये तदरीसी आमोदिशी मवाद तदरीस आमोदिश के अमल को मसर बनाने के लिए जिन वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसे तदरीसी व आमोदिशी मवाद यानी टी कहते हैं मतलब पढ़ने और पढ़ाने का जो साथियों काम है इसको और भी बेहतर से बेहतर और भी साथियोंसर बनाने के लिए और जाजिब बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम जो जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वह सारे के सारे क्या आते हैं टी में आते हैं इसमें आता है वो टी में आता है अब देखिए यह टी से फायदा क्या होता है ये के काम को भी आसान बनाते हैं एक टीचर आपको किस लिए पढ़ाता है कि आप चीजों को समझ जाइए अगर उसके पास बोर्ड नहीं हो कॉपी नहीं हो कलम नहीं हो लिखने का चीज नहीं हो आप जल्दी समझ नहीं पाइएगा तो ये जो टीएलएम है, ये साथियों टीचर के काम को भी आसान बनाते हैं ये तलबा की तवज्जा मरकूज करने सबक में दिलचस्पी पैदा करने आमोदिश को आसान बनाने और सबक माना खेज बनाने में मुआवन होते हैं मतलब जो टीएलएम है ये साथियों बच्चे टीएलएम से चीजों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं बच्चे उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं जैसे मान लीजिए अगर डिजिटल बोर्ड नहीं होता हम आपको कैसे पढ़ाते तो सारे लोग जो ध्यान आकर्षित किए हुए क्यों किए हैं टीएलएम की वजह से ये डिजिटल बोर्ड की वजह से सबक में इसमें दिलचस्पी पैदा होती है बच्चों की सारे बच्चे जुड़े रहते हैं आमोदिश को आसान बनाने मतलब जो सीखने की प्रक्रिया है वो आसान से आसान हो जाती है और सबक जो है वो एक माना साथियों साथियों जाती है ये सारे के सारे किससे होते हैं टीएलएम से होती है टीएलएम के अंदर साथियों जो टीएलएम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल उसके बारे में एक एक चीज पहले आप जानिए उसके बाद हम उसकी किस्मों पर जिक्र करेंगे ध्यान दीजिएगा जे इफ्तिखार आलम थैंक यू निसाबी किताब नेसाबी किताब यानी जो आपका का बुक है जो दरसी किताब है नेसाबी किताब हैदरीसमी अमल का बुनियादी जुज है देखिए अगर आपके पास पचमंजिला बिल्डिंग होता एसी रूम होता टीचर अमेरिका से आए होते और आपको साथियों बहुत शानदार रूम में बहुत अच्छे इसमें पढ़ाए लेकिन आपका कोई निशाब ना हो आपका कोई सलेबस ना हो तो आप आगे बढ़ जाएंगे क्या नहीं यानी आपको आगे बढ़ने के लिए जरूरी है सिलेबस का होना यानी बुनियादी जो है वो आपका सिलेबस है तो सिलेबस के अंदर निसाबी किताब है आपका ठीक है ना तो निसाबी किताब जो है वो तदरीस वो आमोदिशी अमल का क्या है बुनियादी जुज है इसी पर साथियों सारे आपका इलम का दारो मदार है इसे मुअल्लिम की मुदरसा भी कहा कही जाती है ठीक है चलिए किताब की खसूसियत यानी जो निशाबी किताब होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए उसको हम लोग देखते हैं किताब तिफले मरकूज होनी चाहिए यानी बाल केंद्रित होनी चाहिए यानी तलबा की जहनी सतह दिलचस्पियों और अहलियतों से मुताबकत रखती हो अब एक बच्चा छह साल का है हम साथियों उसको अलजेबरा मैथमेटिक्स जी ओम का नियम खूब अच्छा अच्छा सजा के खूब अच्छे राइटिंग में दे रहे हैं तो उसके उम्र का ख्याल कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं तो हमें जो निसाबी किताब तैयार करना है बच्चे के जहनी सतह और वो इससे कितना दिलचस्पी लेगा उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए तब हमें निसाबी किताब को तैयार करना है ठीक है ये बात आप जान गए अब उसके बाद दरसी किताब में मुख्त जैसे कहानियां ड्रामा मजमून नजमें सफरनामा आप बीपी को भी शामिल किया जाना चाहिए मतलब कोई दर्सी किताब है उसमें सारा का सारा पैराग्राफ ही है है जाहिर सी बात है कि आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा आपको मन करेगा कि अरे कभी, भी आना चाहिए, कभी कहानी भी आनी चाहिए कभी ड्रामा भी आना चाहिए तो इसलिए दरसी किताब में तमाम चीजों को शामिल किया जाना चाहिए ठीक है एक शेर साथियों सुनाऊंगा कि मंजिल की जुस्त जू जु है तो कर जोह मुसलसल मंजिल की जुस्त जू जु है तो कर जोह मुसलसल मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते खुर्शीद आलम साहब ये खुशबू अंजुम मुस्बत और मनफी जो है ना सारा इसी क्लास में हो जाएगा पहले पढ़ तो लीजिए एक ही बात को रट लगाने से क्या फायदा पहले आप इसको पढ़ लीजिए इस क्लास को करने के बाद आप हमें ये कतई नहीं कहिएगा कि सर ये कराइए वो कराइए पहले पढ़ तो लीजिए इसको अब चलिए देखते हैं दरसी किताब में शामिल मवाद मतबर हो और उसका इंतखब पूरी एहतियात से किया गया हो मतलब जो मटेरियल आप डाल रहे हैं वो ऑथेंटिक हो बहुत रिसर्च के बाद डाला गया हो एनसीआर का बुक देखेंगे तो उसमें साथियों जो बातें होती हैं वो बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती है लेकिन जो बातें डाली होती है वो बड़ी रिसर्च के बाद उसको डाला जाता है तो दरसी किताब में जो शामिल मवाद हो वो मुतबर होनी चाहिए और उसका इंतखब पूरी एहतियात से किया गया हो दरसी किताब के असबाक इख्तिसार से लिखे गए हो और जरूरी असलाहत भी मुहैया कराई गई हो मतलब जो सबक है वो बहुत डिटेल में लॉन्ग में न दिया गया हो बल्कि वो शॉर्ट फॉर्मेट में और शॉर्ट में भी बहुत शॉर्ट में न दिया गया हो और जो उसके अंदर जरूरी असलाहत जैसे के साथियों इसमें किसे बोलते हैं जमीर कैसे बोलते हैं एन के बुक में देखते हैं ना जी बगल में लिखा रहता है सबक आपका खत्म होगा तो बाद में आपको लिखा रहेगा तो ये आपके होने चाहिए दरसी किताब में दरसी किताब में ऐसे सवाल जरूर हों जो तलबा में फिक्र अंगेजी तफही और जबान की तहसीन को फरोग देने वाले हों मारूदी किस्म के सवाल भी दरसी किताब में होनी चाहिए आप एनसीआर टी का बुक देखते होंगे तो लास्ट में आपने साथियों पढ़ा होगा कि इस सबक से आपने क्या सीखा एक क्वेश्चन आपको ये रहता है एक क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस्ड पूछा जाता है यानी जो उसका उस सबक से कोई लेना देना नहीं होता यानी किताब के के अंदर इस टाइप के जरूर होने चाहिए जो रचनात्मक प्रश्न हो और दर्सी किताब के अंदर साथियों एम भी यानी कि मारोजी किस्म के सवालत भी होने चाहिए जिसके चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होती है ये साथियों निसाबी किताब यानी दर्सी किताब की खसूसियात में से ये कुछ खसूसियात मैंने आपको गिनाया हालांकि बहुत सारे हैं लेकिन जो आपको एग्जाम में आते हैं इन्हीं सबसे आते हैं उसके बाद ध्यान दीजिएगा जे तदरीसी वो आमोदशी मवाद तीन तरह के होते हैं जो टीएलएम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो तीन प्रकार के होते हैं सबसे पहला है आपका समी जराए जिसको हम लोग शर्व्य साधन बोलते हैं दूसरा आपका है बसरी जराए जिसको हम लोग साथियों दृश्य साधन बोलते हैं तीसरा आपका है समी वो बसरी जराए जिसको हम लोग बोलते हैं दृश्य दृश्य साधन ठीक है ना जो टीएलएम है वो कितने प्रकार के, के होते हैं जराये, जराये, तीन प्रकार के होते हैं बसरी बसरी ठीक है ना ये तीन प्रकार के होते हैं जिससे हम लोग साथियों टीचिंग का जो मेथड है इसको आसान से आसान बनाते हैं चलिए देखते हैं क्या समी जरा समय इसका लोग समयी जरा इसका ताल्लुक कान से है यानी हम चीजों को कान से ही नहीं सुनते हैं कान के जरिए सुनकर तालब मालूम को हासिल करता है मुंदरजा ज़ैल जो है कान से सुनकर मालूम हासिल किए जाते हैं यानी हर वो चीज जिसको हम लोग सुनकर साथियों सीखते हैं वो आपका समय जराए के अंदर आएगा जैसे देखिए रेडियो क्या होगा ये समय जराये ग्रामोफोन क्या है समय जराए लिंगवा फोन क्या है ये जराए टेप यह समय जराए टेलीफोन जराए ये आपके समय जराए के अब कोई बोलेगा कि सर मोबाइल मोबाइल सिर्फ सुनने से नहीं होता यानी समय जराए के अंदर वो चीज आएंगी जिससे केवल और केवल हम लोग सुनकर चीजों को सीखते हैं ये आपका समय जराये के अंतर्गत आएगा बात समझ में आ गई उसके बाद बसरी जरा देखते हैं बसरी जराए का मतलब होता है वो जराए जिसको हम लोग साथियों देख कर सीखते हैं वो जराए जिससे तलब इलम देख कर मालूम हासिल करता है उसे बसरी जराए कहा जाता है इसका ताल्लुक आंखों से होता है जैसे ब्लैक बोर्ड तस्वीर खाका वगैरह वगैरह आपके साथियों जो तस्वीर होता है फोटो है मैप है इसको हम लोग देख कर ही नहीं देख सीखते हैं तो ये आपका बसरी जराय आएगा बसरी वो जरा यानी वो चीज जिसको हम लोग सुनकर और देख कर सीखते हैं वो क्या है इस जराए का ताल्लुक के आंखों और कानों दोनों से होता है यानी वो जिससे हम लोग देख कर और सुनकर सीखते हैं इसमें देख और सुनकर तालब इलमान हासिल करते हैं इसकी मिसालें है मुंदरजा जैल है जैसे मोबाइल मोबाइल में सिर्फ केवल देखिएगा नहीं बल्कि सुनेंगे भी टेलीफोन टेलीफोन में केवल आप देखे दे टेलीफोन ये टेलीविजन होना चाहिए टेलीफोन नहीं होना चाहिए टेलीफोन में तो सुनते हैं टेलीविजन होना चाहिए टेलीविजन डिजिटल बोर्ड ये सब साथियों किस में आएगा सिनेमा हॉल ये बसरी वो समी जराए के अंतर्गत आएगा तो हराब सुबहानी थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया चलिए तो ये साथियों टीएलएम जो तीन प्रकार के होते हैं इसको आप लोगों ने जान लिया टीएलएम को कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल तीन तरह का होता है समी जराए बसरी जराए समी वो बसरी जरा अब हम लोग चलते हैं अंदाजा कदर अंदाजा कदर जिसे हिंदी में साथियों मूल्यांकन बोलते हैं उसको हम लोग जानेंगे अंदाजा कदर के सबसे पहले हम लोग अकसाम को जानते हैं देखिए अंदाजा कदर क्या है पहले हम लोग इसकी जो किस्म है इसको जानते हैं आमतौर पर यह बोला जाता है कि मापन या मेजर जो होता है वो अंदाजा वो अंदाजा कदर नहीं है अंदाजा कदर आपकी महारत का पता लगाना उससे भी इसका माना वसी होता है उसको बोलते हैं अंदाजा है। तो जो अब आप आपकी महारत का पता लगाना होता है वो साथियों तीन तरीके का होता है एक होता है कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ाते पढ़ाते आपसे कुछ सवाल कर लिया कि अभी इससे पहले कौन सा चैप्टर मैंने पढ़ाया और जो ध्यान से सुन रहा होगा वो बोलेगा कि सर आप टीएलएम पढ़ाए हैं और जो ध्यान से नहीं सुन रहा होगा वो सर बोलेगा कि सर हम तो वहां घूम रहे थे कहा साउथ अफ्रीका चले गए थे हम घूमते घूमते ठीक है ना तो अब ऐसे सवाल जो पढ़ते पढ़ते पूछ लिया जाए वो तश्ली अंदाजा कदर के अंदर आते हैं एक सवाल वो होता है कि आपका यूनिट खत्म हुआ मान लीजिए कि पांच क्लास मैंने आपको कराया थ्योरी का उसके बाद मैंने बोला कि आपका एक टेस्ट लेंगे देखते आप कितना सीखे हैं तो वो सवाल जो साथियों एक यूनिट मुकम्मल होने के बाद लिया जाता है उसको बोलते हैं तकमीली अंदाजा कदर और अगर हमने जो तकमीली अंदाजा कदर ले लिया एक यूनिट खत्म होने के बाद अब यह है कि कुछ बच्चे के अंदर गलती हो रही है उस गलती को पता लगाना यह कहलाता है तशखीसी अंदाजा कदर क्या होता है तशीसी अंदाजा कदर तो टोटल अंदाजा कदर जो है वह तीन प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन सा होता है तश्किली अंदाजा कदर तकमीली अंदाजा कदर और तशीसी अंदाजा कदर जो तश्ली अंदाजा कदर है इसको बोलते हैं निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन जिसको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन बोला जाता है तकमीली अंदाजा कदर जो है जे जे वह है साथियों योगात्मक या संकलनात्मक या अंतिम मूल्यांकन बोलते हैं या जिसको हम लोग जे सुमेटिव इवेल्युएशन भी बोलते हैं और उसके बाद तशीसी अंदाजा कदर जो है ये होता है निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है निदानात्मक मूल्यांकन सद्दाम हसैन थैंक यू मूल्यांकन ठीक है, है, है? ना जे इसको हम लोग देखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें दौरान तबरीस ही तालब इलम की जांच करता है कि तालब इलम ने कितना सीखा मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं और इसी वक्त साथियों आपसे मैंने कुछ सवाल कर लिया तो ये आपका कौन सा क्या कहलाएगा तश्कीली अंदाज कदर देखिए सात सौ पचास रुपए वाले जो लिख रहे हैं ना हम लोग ऐसा नहीं करते हैं आपके कोई भी क्वेश्चन हो आपको कहीं भी कुछ लगता है इसके लिए ऑफिस का नंबर है उस पर रहा कीजिए खाम का यहां कमेंट करके परेशान न कीजिए पढ़ाई से संबंधित कोई भी बात करें मैं उसका जवाब दूंगा लेकिन मैं कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मेरा पैसा लिया गया और उनको नोट्स नहीं दिया गया अगर नोट्स नहीं दिया गया तो आपके लापरवाही की वजह से आपको नहीं मिला होगा और अगर फिर भी मान लीजिए कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर दीजिएगा ई छोड़ दीजिए व्हाट्सएप नंबर है उस पर कर देंगे तो इनशाला वो हो जाएगा आपका मसला ठीक है ना बार बार कमेंट न कीजिए चलिए तो साथियों क्या हुआ आपका तकमीली अंदाजा कदम देखते हैं ये तदरीस के मुकम्मल हो जाने के बाद होता मतलब आपका जो पढ़ाने का जो ये सिलसिला है वो जब मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद होता है इसमें मुअल्लिम को ये अंदाजा लगता है कि तालिबे इल्म ने कितना सीखा है मतलब मान लीजिए कि हम छह महीना के बाद आपका टेस्ट लेते हैं तो हमें यह पता चलता है कि आपने कितना सीखा नहीं ये निसाब के इख्तिताम पर किया जाता है। मतलब जब आपका निसाब मुकम्मल होता तब किया जाता इसमें अतालीक अतालीक माने मुअल्लिम मुअल्लिम माने टीचर ठीक है ना तो इसमें अतालीक यानी मुअल्लिम को यह अंदाजा मिलता है कि यानि आमोजगार ने इस निसाब से कितना सीखा मान लीजिए मान लीजिए तो हमें पता चलेगा कि चैप्टर फाइव से आपने कितना सीखा यह दर्जा बंदी का इम्तिहान होता आपको ग्रेड देना हो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन तो ये साथियों किससे होगा तकमीली अंदाजा कदर होगा यह सिर्फ एक मुकर वक्त पर कामयाबी की तस्दीक करता है किस पे करता है एक मुकर्रा वक्त पर मान लीजिए साथियों कि आप टेंथ क्लास में हैं आपका हमने सालाना इम्तिहान लिया आप फर्स्ट ग्रेड लाए लेकिन जिंदगी भर जब भी आपका एग्जाम होगा फर्स्ट होइएगा नहीं यह आपको उसी वक्त के लिए बताएगा कि आपने इस वक्त इतनी कामयाबी हासिल की एम डी आलमगीर थैंक यू चलिए ठीक है ना अब उसके बाद आपने यह जान लिया तश्कीली अंदाजा कदर जान लिया तकमीली अंदाजा कदर जान लिया अब उसके बाद आपका है तशकीसी अंदाज़ाय कद्र ये जानिए तशकीसी जांच क्या होता है जो तालबे इले में तदरीस के दौरान नाकाम होते हैं उनकी नाकामी का पता लगाना ही तशकीसी जांच कहलाता है तशकीसी जांच साथियों निदान निदान मूल्यांकन पढ़ें आप लोग जी कि अगर आपका कमजोर है तो उस कमजोरी को पता लगाना ही ये क्या है निदान और उस कमजोरी को दूर करना ये होता है उपचार तो जो कमजोरी का पता लगाने के लिए अगर मान लीजिए कि अभी मेरे क्लास में पांच सौ बच्चे हैं पांच सौ बच्चे में से सौ बच्चे फेल कर रहे हैं हमने क्या किया कि इस सौ बच्चे का अलग से कोई टेस्ट लगाया तो क्यों टेस्ट लगाया इसके फेल होने की वजह को जानने के लिए तो वो जांच जो किसी कमी को साथियों उजागर करने के लिए लिया जाए वो जांच क्या कहलाएगा तशीसी जांच कहलाएगा यानी निदात्मक मूल्यांकन कहलाएगा और जब उसकी कमी उजागर हो जाए तो उसको दूर कर करने का जो उपाय होगा वो होता है उपचारात्मक मूल्यांकन ठीक है ना चलिए अब आगे चलते हैं जो पैमाइश होता है जो जांच होता है पैमाइश के चार नमूने मुंदरजा जैल है पैमाइश के चार नमूने होते हैं कौन कौन सा होता है आमोदिश का अंदाजा कदर ये का के लिए बतौरे में ये आपको थोड़ा सा फंसाता इसको देख लीजिए <coughs> आमोदिश का अंदाजा कदर यानी अधिगम का मूल्यांकन असिसमेंट ऑफ लर्निंग आमोदिश के लिए अंदाजा कदर अधिगम के लिए मूल्यांकन असिसमेंट फॉर लर्निंग अंदाजा कदर बतौरे आमोदिश अधिगम के रूप में मूल्यांकन यानी लर्निंग में अधिगम में मूल्यांकन यानी असिसमेंट इन लर्निंग क्या है एक एक करके हम लोग देखते हैं आमोदिश के लिए अंदाजा है कदर के लिए का मतलब क्या है आप यहां क्यों पढ़ रहे हैं पास होने के लिए आप यहां क्यों पढ़ रहे हैं पास होने के लिए आपका टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है कि आपका हमें सलाहियत का पता चले ताकि आपका मैं दाखला ले सकूं तो दाखला इम्तिहान क्या होगा आमोजिश के, तो के लिए अंदाजा कदर ठीक है ना जी तो आमोजिश के लिए अंदाजा कदर सीखने के लिए किया गया अंदाजा कदर को आमोजिश के लिए अंदाजा कदर का कोई काम सीखने जाते हैं आप तो वहां पर भी आपका एक टेस्ट लिया जाता है क्यों कि सीखने का जो आपका जो रफ्तार है वो कितना है तो सीखने के लिए अंदाजा है, है उसी को बोला जाता है आमोजिश के लिए इसमें तलबा का का किरदार अहम होता है का और रहनुमाई भी मतलूब होती है सबका बच्चों की सबका मालूम को जांचना कि आपने कितना सीखा ताकि हम आपको कौन से क्लास में दाखला दें यह हुआ दाखला इम्तिहान ये भी आमोजिश के लिए ही दाखला इम्तिहान क्यों लेगा कि आपने जो आइए किया इसमें आपने कितना सीखा ताकि हम आपको बी में क्या करें दाखला दें तो ये आपका दाखिला के लिए अंदाजा में टीचर बनाना चाहते हैं तो आप कितना जानकार हैं ये भी साथियों आपका क्या होगा आमोदिश के लिए अंदाजा कदर होगा तदरीसी तरीका का आपके पढ़ाने का तरीका कैसा है इस बात को जांचने के लिए कोई टेस्ट लिया गया यह भी होगा आपका आमोदिश के लिए अंदाजा कदर मश्क करना ये भी आपका होगा अंदा आमोदिश के लिए अंदाजा कदर ठीक है, है? चलिए अब उसके बाद आगे है आमोदिश का अंदाजा कदर है। का का मतलब क्या हुआ कि जो चीज आपने सीखा कितना सीखा अरे पहले के लिए हो रहा था कि आप कितने सीखे कि किस लिए आपको आगे बढ़ाए अब हो रहा है कि जो चीज आपने सीखा कितना सीखा यह होगा आमोदिश का अंदाजा कदर बात समझ में आ रही है मान लीजिए कि आपने साथियों आपका सालाना इम्तिहान होता है क्यों होता है आपके सीखने का अंदाजा कदर होता है कि आपने कितना सीखा लेकिन आप मान लीजिए कि एमयू में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपका टेस्ट क्यों लेता है वो आमोदिश के लिए आगे आप सीखना चाहते हैं और नहीं तो आमोदिश का अंदाजा कदर सीखने के बाद क्या गया अंदाजा कदर को आमोदिश का अंदाजा कदर कहा जाता है इसमें अहम किरदार मुआलिम का होता है किसी भी काम के अख्ताम पर किया गया अंदाजा कदर यह क्या है आमोदिश का अंदाजा कदर यानी जो काम आपने सीखा कितना सीखा एक मुताना मुद्दत के बाद तलबा की आमोदिश की पैमाइश की जाती है यह भी आपका आमोदिश का अंदाजा कदर होगा जैसे आपका सालाना इम्तहान लेना यह भी आपका आमोदिश का अंदाजा कदर होगा तदरीसी अमल में आमोदिश की गलतियों की जानकारी आपके गलतियों का पता लगाना यह भी आमोदिश का अंदाजा कदर होगा जो चीज आप सीख रहे हैं ना सीखते सीखते अंदर ही अंदर आपसे कोई सवाल कर लिया गया यानी जिसको आप तश्ली अंदाजा कदर बोले थे ना वही साथियों क्या होगा आपका यह आमोदिश में अंदाजा कदर होगा ठीक है ना अंदाजा कदर बतौर आमोदि अब क्या है जब बच्चा खुद से खुद का अंदाजा कदर करता अपने से अपने आप का नहीं टेस्ट लेता कोई अच्छा जोड़ घटा कितना होगा ये सब मन मन में जो जांच लेते हैं वो आपका होता है अंदाजा कदर बतौर आमोदिश इसका ताल्लुक तशखीसी जांच से मतलब अपना जांच खुद अगर कोई करता है तो वो अंदाजा कदर बतौर आमोदिश होता है। आप लोग बताइए कि अभी जो मैंने आपको बताया आमोदिश का अंदाजा कदर आमोदिश के लिए अंदाजा कदर अंदाजा कदर बतौर आमोदिश आमोदिश में अंदाजा ये चारों आप लोग समझ गए सीडीपी का क्वेश्चन है ये ये सीडीपी में आपको पढ़ना पड़ता है चाइल्ड डेवलपमेंट में भाई एक ही बात को क्यों इतना मैसेज कर रहे हैं हम जो बोल रहे हैं वो बात आपको समझ में आ रही है आप जितना देर से क्लास को अपलोड करवाने के चक्कर में लगे उतना देर से सुन लीजिएगा तो आपको अपलोड क्या देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा समझ में आ गया बताइए एक बार समझ में आ गया ये सीडीपी का क्वेश्चन है सीडीपी में पढ़े होंगे आप लोग जी जी चलिए अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक है आपका मोहाली जाति वो इस्लाही तदरीस मोहाली जाति मौालिज, इलाज करने वाला जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी के अंदर उपचारात्मक है ना शिक्षण देखिए बात समझिएगा एक होता है निदानात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण यह हुआ कि आपके कमी का पता लगाना और उस कमी को पता लगाकर उसको दूर करना यह होता है उपचार तो ये जो जाती इस्लाही तदरीस जिसको उपचारात्मक शिक्षण बोला जाता है ये वही है कि किसी कमी को पता लगाने के बाद दूर करना यह आपका मोहानी जाति वो इस्लाही तदरीस कहलाता है जबान की आमोदिश में तलबा को होने वाली पेशरफ दरपेश मुश्किल की निशानदेही करना और उनके लिए मुनासिब हल निकालना ही मालिजाती इस्लाही असला तदरीस कहलाता है मतलब मान लीजिए कि आपके अंदर कमी क्या है उस कमी को दूर करने की टीचर कोशिश करता है तो यही आपका कहलाता है मालिजाती जाती तदरीस इसका मकसद जबान की महारतों के इस्तेमाल में आने वाली दुशारियों को दूर कर आमोजगारों को इसमें महारत पैदा कराना है कि जो दिक्कत आ रही है उसको दूर किया जाए ताकि आप माहिर बन जाए इसमें सिर्फ मुअल्लिम को आमोजगारों की कमियों का ही इलम नहीं होता मतलब सिर्फ कमी ही नहीं दिखाई देती बल्कि अपने तरीके तदरीस का भी अंदाजा कदर करता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ये सही मेथड से पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं और जो तलबा के लिए मुफीद तरीका हो उसकी निशानदेही करता है मतलब जो हमारी पढ़ाने के जो मेथड है वो अच्छा है या नहीं है अगर नहीं है तो वो उसको तब्दील करता है कौन टीचर तो ये होता है साथियों जाती व इसलाही तदरीस जिसको हम लोग बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए जबान की खराबी ये क्या है भाई समझिएगा अगर बच्चा अपनी आवाज पर काबू ना रख सके तो उसमें जबान की खराबी पैदा हो जाती है जो आपकी आवाज निकलती है उस पर अगर आप काबू नहीं है आपको तो धीरे धीरे उसमें गलती सुधार अगर एक बच्चा शुरू में साथियों बिगड़ा हुआ बोलता उसकी सलाह नहीं करेंगे तो क्या होगा वो वो बिगड़ते चला जाएगा जाएगा और बड़ा हो जाएगा, तो वो ऐसे ही बोलेगा है ना तो अगर बच्चा अपनी आवाज पर काबू रख सके तो उसमें जबान की खराबी पैदा हो जाती है जबान की खराबी वाले बच्चे मुआरे में बेचैनी महसूस करते हैं जिसकी वजह से उनमें एहसास कमदरी पैदा होता है और वो अमूमन इंतजार का शिकार हो जाते हैं जिसको साथियों आपने देखा भी होगा बहुत अच्छे से ठीक है ना चलिए जबान की खराबी तालीमी तरक्की की भी बुरी तरह मुतासर करती है अगर आपकी जबान अच्छी नहीं है तो आपकी जो तालीमी तरक्की है वो रुक जाती है उसका वो रुकाट का साथियों बाइस बनती है कौन जबान की खराबी ठीक है आगे देखिए अब कुछ अहम निकात आपको बता रहा हूं यह अहम निकात क्या है इतने अहम है साथियों इसको जानना बड़ा जरूरी है आपको कुछ अहम निकात में क्या है देखिए सुनना और बोलना इब्तदाई महारतें कहलाती हैं प्राइमरी स्किल अगर आपको पूछ ले इब्तदाई महारत यह भी आया था कहीं नहीं ना आया था तो सुनना और बोलना क्या कहलाता है इब्तदाई महारतें कहलाती है दूसरा आपका है बोलना और लिखना तकवियती महारतें कहलाती है जे ठीक है ना याद रखिएगा जबान का मुताला इल्मे लिसानियात कहलाता है जबान को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया इशारों की जबान आवाजों की ज़बान, अलामतों की जबान अब उसके बाद है मादरी जबान से मुराद बच्चे की घर कुंबा और आस पड़ोस में बोली जाने वाली जबान है जिसे बच्चा फितरी तौर पर हासिल करता है ठीक है जी अब उसके बाद है मुफ्त और लाजमी तालीम 2009, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं आर एक्ट दो नौ राइट टू एजुकेशन एक्ट दो हजार नौ एक अप्रैल दो हजार दस को यह नाफिजुल अमल हुआ यानी पूरे हिंदुस्तान में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ था इकतिसाब एक, एक फितरी अमल है जो बच्चे की पैदाइश के बाद शुरू होता है जे ठीक है ना इकतिसाब क्या है एक फितरी अमल है सद्दाम टी एन बी थैंक यू शुक्रिया इकतिसाब क्या है एक फितरी अमल है यानी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और स्कीनर का मानना है कि बच्चे जबान मश्क नकल और रटने से हासिल करते ये बात मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया था जेबा आज का मैराथन बहुत हेल्पफुल रहा सर मेरा फ्रेंड लाइव देख रही है थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए बिल्कुल बिल्कुल देखिए आप एक जज्बा और जुनून के साथ पढ़ेंगे ना तो मैं साथियों इसी प्लेटफॉर्म में से लगातार आठ घंटे की भी क्लास कराया हूं और सारे बच्चे एक भी बच्चे नहीं टूटे थे सारे बच्चे किए थे अगर आपके अंदर जज्बा हो जुनून हो तब जज्बा जुनून नहीं हो आपको कोई पांच सौ रुपया देकर भी पढ़ाएगा बांज कर भी पढ़ाएगा तो आप नहीं पढ़ेंगे जी आप कहिएगा कि हमको यह देखना वो देखना वो देखना वो देखना ठीक है ना चलिए नॉन चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे में जबान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है यह बात आपको पहले भी मैंने बताया कि मानना है कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता जो है वो क्या होती है जन्मजात होती है समाजी नजरिया है यानी समाजी, समाजी तमुल से जबान सीखा जाता है पियाजे का नजरिया तमीराती नजरिया है यानी रचनात्मक साथियों उनका सिद्धांत है यानी बच्चे आवासे खमसा के जरिया लमी निज़ाम की तश्कील करता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी प्याजे नहीं दिया था कॉग्नेटिव साथियों डेवलपमेंट कसर लिसानियात जबान की आमोदिश में रुकावट के बजाय एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए कतीर लिसानियात का मतलब होता है बहुभाषिकता बहुभाषिकता जो है वो हमारे लिए बाधा नहीं है रुकावट नहीं है बल्कि वो हमारे लिए हेल्पफुल है फायदेमंद है गलतियां आमोदिश का हिस्सा है इसमें माल्म को हैरानी या नाराजगी नहीं होनी चाहिए अगर बच्चे गलती करे तो उसको बिल्कुल भी साथियों परेशान और हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि गलती जो है वह आमोजिश का हिस्सा है जबान की चार बुनियादी महारतें हैं सुनना बोलना पढ़ना और लिखना जिसको हम लोग एल एस आर डब्लू से साथियों क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं समझते हैं अब्दुल हसन साहब शुक्रिया थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया जी चलिए अब उसके बाद देखिए तहसीली या फिर अखजी महारत क्या है तहसीली या फिर अखजी सुनना और वो पढ़ना हम जब सुनते हैं सुनकर या पढ़कर दूसरे की बातों को हम अखज करते हैं या दूसरों की बातों को हम वसूल करते हैं या ग्रहण करते हैं तो इसीलिए सुनना और पढ़ना को तहसीली और अखजी महारत के अंतर्गत रखा गया है जी और उसके बाद आगे है तखलीकी या तामीरी महारत बोलना और लिखना अपने विचार को अपने ख्याल को अपने जज्बात को हम दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं इसीलिए इसको तखलीकी या तामीरी महारत कहा गया है उसके बाद आपका है इस्तराजी तरीका इस्तराजी तरीका क्या है कि इसको कदीम तरीका भी कहा जाता है पहले उसूल फिर मिसाल है आपको पहले उसूल रटवाए जाए फिर मिसाल बताया जाए तो ये आपका होता है इस्तराजी तरीका ठीक है उसके बाद आपका है इसतराई तरीका इस तरीका क्या है इसको जदीद तरीका भी कहा जाता है पहले मिसाल फिर उसूल यानी पहले आप मिसाल दें फिर उसूल बताएं तो ये जदीद तरीका यानी इस्तक तरीका कहलाता है कसीर लिसानी जमात में हर बच्चे की जबान को अहमियत दी जाए कसीर लिस जमात का मतलब हुआ कि अगर कोई बहुभाषिक कक्षा है जिसमें अलग अलग भाषा से अलग अलग साथियों इससे बच्चे आए तो वहां पर हमें बच्चे की जबान को अहमियत देना चाहिए हमें उसको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए चलिए अगला जो स्टार पॉइंट है वो ये है पहली जबान से मुराद मादरी जबान होती है ये होता है नहीं बल्कि होती है क्या होती है पहली जबान जहां जहां पर आए तो इससे मुराद होता है मादरी जबान क्या मुराद होता है मादरी जबान दूसरी जबान यानी सानवी जबान से मुराद मेरी जबान होती है यानी मानक भाषा दूसरी जबान से मुराद होती है अब एक आया है साथियों रूब्रिक्स रूब्रिक्स क्या है तलब इलमों का अंदाजा कदर करने का एक आला होता है एक तरह का साथियों रेटिंग स्केल होता स्केल होता है जिसको रूब्रिक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं रूब्रिक्स बोलते हैं तो ये रूब्रिक्स है क्या अधिगम करता यानी आमोजगारों का मूल्यांकन करने का एक मेजर है एक क्या है ये एक तरह का आला है क्या रूब्रिक्स इसको याद रखिएगा उसके बाद आपका आता है साथियों इसका फोल्डिंग इसका फोल्डिंग क्या है समझिएगा किसी काम को करने में तालबे इलम की मदद करना ही इसका फोल्डिंग कहलाता है जैसे साइकिल चलाने में मदद लेना इसका फोल्डिंग आरजी होता है जो कुछ वक्त के बाद खत्म हो जाता है ये नजरिया वाई गोदी का है देखिए साथियों जब हम लोग शुरुआत में किसी काम को करते हैं तो शुरू में हम किसी की मदद लेते हैं नहीं तो जो मदद लेते हैं क्या जिंदगी भर उसकी मदद ही लेते रहते हैं नहीं जब हम उस काम में सक्सेस हो जाते हैं तो जो मदद देने वाला है वो खुद साथियों पीछे हो जाता है या फिर हम उसको छोड़ देते हैं जैसे मान लीजिए कि हम शुरुआत में साइकिल चलाना शुरू किए चलाए तो पीछे में साथियों पहले हमें कोई पकड़ के पीछे बताता है नीचे से हमने पैर रखा फिर उसके बाद हमने ऊपर से रखा और धीरे धीरे एक हफ्ता दो हफ्ता में हमने सीख लिया तो क्या जब भी हम साइकिल चलाएंगे जो पीछे पकड़ा था वो हमेशा पकड़ेगा नहीं बल्कि वो एक आरजी तौर पर एक अस्थायी तौर पर उन्होंने हमें सिखाया जब हम माहिर हो गए तो वो हमें छोड़ देंगे तो वही कहलाता है इसका फोल्डिंग और इसका फोल्डिंग साथियों इसका जो ये नजरिया है ये सिद्धांत है जो ये वाई गोत्सकी का है ठीक है ना याद रखिएगा इससे आपको पूछा जाता है उसके बाद साथियों आपका है कोड स्विचिंग कोड स्विचिंग क्या है भाई कोड स्विचिंग कोड स्विचिंग है एक जबान में बोलते बोलते दूसरी जबान का इस्तेमाल करना कोड स्विचिंग कहलाता है जैसे ओपन द डोर दरवाजा खोलो नहीं हम लोग बोलते हैं ओपन द डोर दरवाजा खोलो तो एक जबान बोलते बोलते हम दूसरी जबान का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा क्या होगा कोड स्विचिंग होगा कोड स्विचिंग के साथ कोड मिक्सिंग को भी समझ लीजिए कोड मिक्सिंग क्या होता है हम अक्सर बोलते वक्त दो जबानों का इस्तेमाल करते हैं ये कोड मिक्सिंग कहलाता है देखिएगा समझिएगा हम साथियों इसके अंदर कोड स्विचिंग के अंदर क्या होता है एक भाषा को बोलते हैं और उसका हम ट्रांसलेट दूसरे भाषा में कर देते हैं और मिक्सिंग का मतलब क्या होता है खिचड़ी बना दिया हमने उर्दू इंग्लिश हिंदी संस्कृत मैंने अपने भाषा को साथियों अच्छे तौर पर जो कोई इस्तेमाल करता है आज के डॉट में वो क्या है कि उर्दू के साथ ज्यादा इंग्लिश बोल दीजिए अगर हिंदी में आपको माहिर होना तो हिंदी के साथ ज्यादा संस्कृत बोल दीजिए नहीं तो ये जो है ना उर्दू के साथ इंग्लिश ये कोड मिक्सिंग होगा अगर आपने बोला दरवाजा खोलिए ओपन डोर तो ये आपका होगा कोड स्विचिंग होगा ठीक है ना मेरा रिजल्ट आ गया अब देखिए यहां पर मेरा रिजल्ट है। रिजल्ट आपका इंग्लिश लफ्ज हो गया नहीं आ गया आपका उर्दू हो गया तो ये आपका हो गया कोड एक शब्द है साथियों रियलिया रियलिया रियलिटी से यानी हकीकी चीज से आपका संबंधित है ये हकीकी अशिया है जो तदरीसी इमदाद के तौर पर इस्तेमाल होती है मतलब अगर उस्ताद कोई हकीकी चीज को साथियों वास्तव में हकीकत में लाकर आपको पढ़ाता है तो वह आपका रियलिया कहलाता है जैसे चिमटा हथोड़ा गेंद पेंसिल झाड़ू वगैरह ये सब रियलिया की मिसाल है मतलब उस्ताद इसको ले आया आपके क्लासरूम में तब इसको पढ़ा रहा है तो ये आपका रियलिया कहलाएगा क्या कहलाएगा रियलिया कहलाएगा ठीक है ना चलिए अब उसके बाद देखिए आपका है पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो क्या होता है इसको समझ लीजिए मजा आ रहा है ना अरे नेट खत्म नहीं होगा मजा आ रहा ना साथियों आपको भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग अभी लगभग चलेगा डेढ़ से दो घंटा और पूरा आज जो है ना उर्दू पेडागोजी खत्म कर देना है जे ठीक है ना चलिए पोर्टफोलियो क्या है पोर्टफोलियो है यह एक तरह का आपका एक लेखा जोखा आप एक तरह का बोल सकते हैं बस्ता या एक दस्तावेज क्या दस्तावेज बोल सकते हैं पोर्टफोलियो यह एक तरह का बस्ता है जिसमें किसी शख्स या तलबा की जिंदगी के मखसूस पहलू जमाना तलब इलमी की कामयाबियां और वो सभी मालूम जिसका ताल्लुक या मुत शख्स से हो ये पोर्टफोलियो कहलाता है जैसे आपने तालब इम के जमाने में कौन कौन से कारनामे किए क्या क्या से मेडल मिला कौन कौन सा गिफ्ट मिला उसको आप रखते हैं तो वो पोर्टफोलियो ही कहलाता है क्या कहलाता है पोर्टफोलियो ही कहलाता है मिस्टर हयान शुक्रिया थैंक यू ठीक है ना जी कलोज टेस्ट साथियों इसको जान लीजिए कलोज असल में एक होता है क्लोज का मतलब होता है बंद करना वो वो कलोज नहीं है यहां सी एल ओ जेड ई है क्लोज और वो एस से होता है तो क्लोज टेस्ट क्या है ये खाली जगह को पुर करने और पढ़ने का मजमुआ मतलब मान लीजिए कोई पैराग्राफ है पैराग्राफ आपने पढ़ा उसके नीचे जो है ना उसी पैराग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्न दिया गया और बीच में खाली स्थान को छोड़ दिया गया तो जो खाली स्थान को छोड़ा जाता है वो साथियों क्लोज टेस्ट कहलाता है क्या कहलाता है क्लोज टेस्ट कहलाता है बहुत पूछा गया था जी क्या कहलाता है क्लोज टेस्ट का मतलब समझ गए कि कोई पैराग्राफ है और उससे प्रश्न दिया गया बीच में खाली छोड़ दिया गया तो उसको बोलते हैं क्लोज क्लोज टेस्ट टेस्ट क्या बोलते है? कलोज बोलते हैं हैं जी ठीक है ना ये बात आप समझ गए अब चलते हैं कौमी दर्शियात का खाका दो हजार पांच इसको साथियों पहले तो आमतौर पर पूछा जाता था एनसीएफ 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 का फुल फॉर्म पहले बहुत पूछा जाता था सीटेट में लेकिन पिछले बार इससे एक भी क्वेश्चन यानी एनसीएफ का फुल फॉर्म से नहीं आया एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ठीक है ना जी समझ गए आप चलिए अब ये ये का का खाका क्या है ये एक तरह साथियों दस्तावेज है और जो बताता है कि हमें बच्चे को कैसे पढ़ाना है हमें बच्चे को क्या क्या करना है कैसे कैसे पढ़ाना इल्म को बच्चों के स्कूल से बाहर की जिंदगी से जोड़ना मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है उसको हमें उसके इल्म को स्कूल तक ही महदूद नहीं रखना इसलिए कि सीखना जो है वो एक अमल है वो मुसलसल चलता रहता है तो बच्चे का जो इल्म है उसको हमको घर से भी जोड़ना स्कूल से केवल नहीं जोड़ना चलिए इकतिसाबी अमल को रटने के तरीके से अलग करने को यकीनी बनाना मतलब हमें बच्चे को कभी भी रटंतु प्रणाली से नहीं पढ़ाना है रटंतु विधि को हमें खत्म कर देना है ये साथियों कौमी दरसियात का खाका कहता है दरसियात को इस तरह से भरपूर होना चाहिए कि वो बच्चों को निसाबी किताब मरकूज बनाने के बजाय उनमें हिम जी हम जिहद तरक्की का मौका फराहम करे मतलब जो दरसियात है वो इस टाइम से हो कि बच्चा सिर्फ किताब पर ही निर्भर न हो जाए जे, किताब बनाने के बजाए का मतलब यह हुआ कि के बच्चा केवल और केवल किताब पर ही निर्भर ना हो बल्कि उसके अंदर हर तरह का नशो नुमा हो वो हर तरह किताब से आजाद भी सोचने का उसको आजादी हो यह साथियों कौमी दरसियात का खाका कहता है कौमी दरसियात का खाका 2005 का ख्याल है कि बच्चे अपने इल्म की तश्कील खुद करते हैं मतलब बच्चा खुद से सीखता है खुद से वो अपने ज्ञान को डेवलप करता है ये तभी हकीकत बन सकता जब हम बच्चे को मादरी जबान में इजहार करने की आजादी देंगे मतलब कौमी दसियात ये कहता है कि बच्चे जो है वो अपने इल्म का तश्कील खुद करता है ये कब संभव होगा जब बच्चे को हम उनकी मादरी जबान अगर मादरी जबान में रोक लगा देंगे तो बच्चा कर नहीं पाएगा इसीलिए ये भी एक पॉइंट है आपको याद रखना कौमी का खाका दो हजार पांच ये कहता है कि मुल्क में से फार्मूला को फरोग दिया जाए से फार्मूला त्रिभाषाई शिक्षण सूत्र जो है इसको हमें दे, बढ़ावा देना है जी इससे संबंधित ये कहता है अगला पॉइंट है स्कूल का निजाम अलौकात लचीला होना चाहिए ताकि सरगर्मियों को मकाम मिल सके मतलब जो स्कूल का जो आपका पढ़ने पढ़ाने का जो प्रक्रिया है साथियों लचीला हो अब लचीला का मतलब यह नहीं कि खूब ढीला हो जब जिसको मन करे तब आए नहीं लचीला का मतलब ये होता है कि खूब मजेदार हो जिससे बच्चे जुड़े हैं। बच्चे के मन के मुकाबले बच्चे के जिस तरह वो सोचता हो उस तरह हो बच्चे के उम्र का ख्याल रखते हुए हो ठीक है ना यह आपका स्टार पॉइंट इसको भी याद रखिए हिंदुस्तानी समाज की कसीर लिसानियत को स्कूली जिंदगी के एक एहसासा के तौर पर लिया जाए मतलब हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जो कल्चर अलग अलग जो मजाहिब अलग अलग जो बोलियां अलग अलग जो जाति और के मजहब के लोग रहते हैं उनको हम जे रुकावट के तौर पर नहीं बल्कि एक एसास के तौर पर मतलब उसको हम एक साधन के तौर पर हमें लेना है ठीक है ना जी और आगे है हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि अगर बच्चों को मौका वक्त और आज़ादी दी जाए तो वो बड़ों से हासिल तजर्बात की बुनियाद पर नई मालूम मुरतब कर सकते हैं ये सारी चीजें साथियों एनसीएफ दो हजार पांच के अंदर जिक्र है ठीक है ना शहबाज फाउंडेशन शुक्रिया थैंक यू चलिए अब उसके बाद है तालीम का हक दो हजार नौ क्या है भाई जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम दो हजार नौ जिसको साथियों बोला जाता है आर टी ई जी दो हजार नौ दो इसलिए बोलते हैं कि जो अधिनियम पास होता है जो साथियों कानून जो बिल पास होता है जिस सन ईस्वी में वो सन ईस्वी उसके पीछे लग जाता है यानी संसद से 2009 में ये पास हुआ था ठीक है ना देखिए संसद से पास होना फिर राष्ट्रपति का मोहर लगना फिर साथियों आगे बढ़ना फिर पूरे भारत में लागू होना ये एक प्रक्रिया है नहीं तो अगस्त 2009 में पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद यानी अगस्त 2009 में ये पार्लियामेंट से पास हो गया मंजूरी मिल गई उसको ये साथियों एक अप्रैल 2010 से मुल्क भर में जम्मू और कश्मीर यानी उस वक्त उसको छोड़कर नाफिजुल अमल हुआ यानी आर टी एक्ट दो जो है वो पूरे देश में साथियों एक अप्रैल को लागू हुआ दो को और जम्मू और कश्मीर उस समय जो है आर्टिकल साथियों धारा तीन सौ सत्तर जो है वहां से खत्म नहीं हुआ था तो वहां पर हमारा संविधान लागू नहीं हो पाता था ये वहां पर साथियों लागू नहीं हुआ था उस वक्त अब वहां पर भी लागू है अब ये क्या है भाई इसके लिए हिंदुस्तानी में से चौदह साल के उम्र के बच्चों को पहली से आठवीं जमात तक मुफ्त और लाजमी तालीम तयन करता है मतलब आर टी एक्ट जो है यानी हमारा जो है ना शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया है कि एक बच्चे को जो हिंदुस्तान में जन्मा उसको हमें छह से चौदह साल के बच्चे को साथियों आठवीं क्लास तक हमें मुफ्त तालीम देना है अब मुफ्त में होगा कि हमें स्कूल स्कूल का प्रबंध कराना है, का कोई ट्यूशन फी नहीं होगा कपड़े जी उसका हमें पोशाक देना है किताब मुफ्त देना है हर एक किलोमीटर के दायरे में स्कूल देना है कितने साथियों बच्चे पर कितना टीचर होगा ये सारी चीजें बताई गई है आरटी एक्ट में ठीक है ना जी हिंदुस्तानी आईन का आईन का दस्तूर का आर्टिकल 250 ए बच्चों को मादरी जबान में तालीम देने का हक देता है जी लेकिन एक बात याद रखेगा कि 2014 में एक साथियों सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है क्योंकि हमें हर बच्चे को साथियों तालीम देनी है तो हर बच्चे को जो तालीम देनी है तो अब इसके अंतर्गत जो अल्पसंख्यक है जैसे मुस्लिम है जैन है बुद्ध है बोधिस्ट है ये सब के जो बच्चे हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे यानी उसको अपने जी जो उनके मजहबी तालीम है वो लेने का उसको अधिकार दिया गया था जो एन 2020 में नहीं है जी बात ये याद रखिएगा। इसी के अंतर्गत जो है ना हमें ये आजादी दी गई थी कि हम मदारिस जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अल्पसंख्यक लोग खोल सकते हैं जी ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं देखते हैं तमाम सरकारी स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन मुफ्त होगी जी बच्चों से किसी भी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा मतलब बच्चे से किसी भी प्रकार का कोई स... जी नहीं लिया जाएगा ठीक है ना चलिए क्या भाई क्या गलत है तीन सौ पचास और दो सौ पचास ठीक है तीन पचास, दो सौ पचास हाँ तीन सौ पचास ठीक है चलियो तमाम सरकारी स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन मुफ्त होगी बच्चों से किसी भी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और उसके बाद है प्राइवेट स्कूलों में जो कि सरकारी रियायती जमीन पर तामीर किए गए हैं 25 प्रतिशत सीटें कमजोर तबकात के लिए मुख्त होंगी मतलब जो प्राइवेट स्कूल है इसके अंदर 25 परसेंट जो बच्चे हैं उसको मुफ्त तालीम देना होगा यह कहा गया था यानी सीबीएसई बोर्ड के इसमें भी सारे लोग साथियों बच्चे का जो है ना नाम दे के अजय वो भेज देते हैं कि हमने इतने बच्चे को तालीम दे रहा लेकिन वो लोग क्या करते हैं ये सबको पता है ठीक है ना पच्चीस परसेंट बच्चे को वो लोग तालीम का उसमें दिया गया है दाखला के वक्त कोई भी टेस्ट या दाखला जाति इम्तिहान नहीं लिया जाएगा अब रहा सवाल कि भाई अगर एक बच्चा का दाखला के वक्त टेस्ट नहीं लिया

उसके लिए कहा गया कि हम उसको बैकएंड से हमें तैयारी करानी है अलग से हमें ट्यूशन देना है ताकि वो बच्चा सभी बच्चों के मसावी हो पाए बस समझ रहे हैं तो दाखला के वक्त कोई भी टेस्ट या दाखला जाती इम्तिहान नहीं लिया जाएगा माजूर तलबा के स्कूल तक आमदोरफ्त की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी यानी जो बच्चा माजूर है विकलांग है उसको स्कूल तक पहुंचाना ये हुकूमत की होगी इसीलिए देखते होंगे जो विकलांग है उसको साइकिल मिल जाता है क्या मिलता है स्कूल में ही साइकिल मिलता नहीं चलिए किसी भी बच्चे को जिस्मानी, जहनी और जज्बाती तौर पर सजा नहीं देना है मारना नहीं है पीटना नहीं है तलबा और असातजा का तनासुब यानी रेशियो प्राइमरी सतह पर वन पॉइंट वन अनुपात तीस मतलब यानी एक अलिम पर यानी एक टीचर पर तीस बच्चे होने चाहिए प्राइमरी में और मिडिल सतह पर एक अनुपात पैंतीस पर पैंतीस बच्चे होंगे साथियों बताया गया है आर टी एक्ट में आठवीं जमात तक किसी भी तालब इलम को फेल नहीं किया जाएगा यानी जो बच्चे मिडिल में आएंगे उसको हमें फेल नहीं करना है छह साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का उसके उम्र के मुताबिक दाखला लिया जाएगा वही बात जो मैंने बताया कि एक बच्चा दस साल का है और दस साल का बच्चा अगर आएगा तो उसका पांचवा में तो एडमिशन लेंगे लेकिन हम उसको बैक एंड से तैयारी कराएंगे ये नहीं कि हम उसको वन में एडमिशन लेंगे यह नहीं करना उसके उम्र के मुताबिक हमें उसका एडमिशन लेना ठीक है, है? सॉरी अब उसके बाद आगे है नई तालीमी पॉलिसी 2020 क्या है भाई जिसको हम लोग पढ़ते हैं एन ई और पी एन ई पी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई तालीमी पॉलिसी मुताबिक तालीम तीन साल की उम्र से शुरू होगी देखिए आर टी एक्ट दो हजार नौ ये कहा था कि हमें बच्चे को जो तालीम देना है वो छह साल से शुरू करना है है ना यहां पे देखिएगा आपको बताया गया है छे से लेकर चौदह साल है ना छे से लेकर चौदह साल तक के बच्चे यानी हमें जो तालीम शुरू करनी है वो छह से लेकर चौदह साल तक के बच्चे को मुफ्त देना है अब ये RTE, ए, ए, 2020 जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये कहा कि बच्चे को हमें छह साल से नहीं बल्कि तीसरे साल ही हमें उसको स्कूल में एडमिशन करा देना है कब तीसरे साल ही तो अब इसमें कहा गया कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक तालीम तीन साल की उम्र से शुरू हो जाएगी यानी एक बच्चा तीसरे साल का ही रहेगा कि वो स्कूल में दाखिल हो जाएगा नई पॉलिसी को यानी तीन से अठारह साल तक है ना अब देखिए नई तालीमी पॉलिसी के तहत टेन प्लस टू का ढांचा मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया टेन प्लस टू क्या है जैसे मान लीजिए कि अभी आप साथियों पढ़ते हैं तो बोलता जाता है कि आपने मैट्रिक कौन सा बोर्ड से किया आप बोलते हैं बिहार बोर्ड आप बोलते हैं यूपी बोर्ड आप बोलते हैं महाराष्ट्र बोर्ड आप बोलते हैं बंगाल बोर्ड नहीं यही ना बोलते हैं कि मैंने यहां से कर लिया अगर आपको पूछा जाए इंटर आपने कहां से किया तो आप बोलते हैं बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड लेकिन आपसे कोई पूछे कि आप बीए ए कहां से किए हैं तो वहां पर आप बोर्ड का नाम नहीं लेते हैं वहां आप किसी यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं मतलब ये बात याद रखिएगा कि राज्य सरकार के अंदर जो है वो टेन प्लस टू आता है बारहवीं क्लास तक ही हमें क्या करना है देखरेख में राज्य सरकार के रखना है। उसके बाद वो बच्चा वहां से निकलता तो यूनिवर्सिटी में चला जाता है नहीं अब वहां हम लोग बोर्ड खत्म हो जाता अब इसमें क्या हुआ एनईपी के अंदर कि टेन प्लस टू का जो ढांचा है उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया अब जो है साथियों फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर के मुताबिक स्कूल होगा मतलब अब ये 5 3 3 4 क्या है एक एक करके हम लोग बताएंगे ये साथियों स्टेज है ये क्या है स्टेज है पांच साल इस स्टेज में रहना है तीन साल इस स्टेज में रहना है तीन साल इस स्टेज में रहना है।, है चार साल इसमें रहना ये इस तरह से होगा जे चलिए अब उसके बाद आगे देखिए इसका मतलब है कि अब स्कूलिंग जो है आपको तीन से आठ साल तीन से आठ होगा तब ना पांच आएगा अब फिर प्लस में होगा आठ से ग्यारह आठ से ग्यारह होगा तब ना तीन होगा से होगा तब ना तीन होगा फिर ग्यारह से चौदह तब फिर तीन होगा फिर चौदह से अठारह तब आपका चार होगा मतलब इसका मतलब हो गया कि अब स्कूलिंग जो है आपका ऐसे हो जाएगा कि तीन से आठ आठ से ग्यारह ग्यारह से चौदह चौदह से अठारह ठीक है ना साल के बच्चों के लिए तकसीम है अब देखते हैं कि भाई ये जो पांच है ये पांच क्या है इसको देखिए नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक जो उसूल है वो सबसे जो पहला जो ये पांच है जो कि तीन साल से लेकर आठ साल की उम्र के बच्चे रहेंगे पहला स्टेज में उसको साथियों कहा जाता है फाउंडेशनल स्टेज जिसको उर्दू के अंदर कहा जाएगा बुनियादी मरहला क्या कहा जाएगा बुनियादी मरहला जिसको साथियों फाउंडेशनल स्टेज भी कहा जाता है तो ये आपने समझ लिया एनईपी दो हजार के मुताबिक जो पहला मरहला है आपका वो आपका है फाउंडेशनल स्टेज क्या कहलाएगा ये फाउंडेशनल स्टेज कहलाएगा ठीक है ना जी अब उसके बाद आगे जो आपका है अगला स्टेज जो है उसको हम आगे दिखाएंगे पहले आप इसको समझ लीजिए जी ध्यान दीजिएगा इसके तहत पहले तीन साल के बच्चों को आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग तालीम लेनी होगी मतलब एक बच्चा तीन साल का हुआ ना तो उसके बाद उसको हमको आंगनवाड़ी केंद्र में डाल देना है वो बच्चा वहां सीखेगा अब आंगनवाड़ी केंद्र में कितनी पढ़ाई होती है आप लोगों को तो पता है मतलब आंगनवाड़ी केंद्र वाले का अब बल्ले बल्ले है जी क्योंकि अब सारे बच्चे तीन साल के होंगे वहां चले जाएंगे फिर वो वहां रहेगा उसके बाद तब वो स्कूल साथ में जाएगा इस मरहला में तीन से आठ साल के बच्चे शामिल होंगे इसके बाद अगले दो साल तक जमात एक और जमात दो के स्कूल जाएंगे बात समझ रहे हैं आप समझ गए यहां तक उसके बाद तैयारी साथियों अगला जो आपका मरहला है वो आपका है प्रीप्रेटरी स्टेज ये है तैयारी का मरहला ये तीन साल का होगा फाइव साल आप समझ गए इस मरहला में क्लास चार से फाइव तक पढ़ाई होगी टू के साथियों वन से थ्री तक तो पढ़ लिया बच्चा अब फोर और प्लस फाइव जी चार पांच हाँ क्लास चार से पांच तक पढ़ाई होगी इस मरहला में आठ से ग्यारह साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा क्योंकि आठ से लेकर ग्यारह तब तीन साल हुआ यह मरहला तीन साल में मुकम्मल होगा कौन तैयारी का मरहला उसके बाद साथियों आपका है इस मरहला में साइंस रियाजी यानी मैथ आर्ट्स वगैरह की बच्चों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा उसके बाद आपका जो है दरमिया मरहला यानी मिडिल स्टेज मिडिल स्टेज क्या है इस मरहला में छठ क्लास से आठ क्लास तक की पढ़ाई होगी एक बच्चा फाइव क्लास तक तो पढ़ लिया अब छ के बाद सात और आठ ये तीन क्लास जो है ये दरमियानी मरहला में पड़ेगा, जिसमें ग्यारह से चौदह साल की उम्र के बच्चे शामिल होंगे इस मरहला में साथियों बच्चों के लिए खास यानी स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी शुरू किया जाएगा यानी अगर कोई बच्चा मोबाइल का टेक्नीशियन बनना चाहता है कोई बच्चा साथियों दर्जी बनना चाहता है कोई बच्चा जी क्या इलेक्ट्रिकल ये, ये बनना चाहता है तो वो इसी स्टेज में बन सकता है उसके लिए अलग से वो कोर्स कराया जाएगा यानी जिसको हम लोग वोकेशनल कोर्स बोलते हैं नहीं नहीं बोलते आईटीआई करके कौन सा कोर्स है वोकेशनल कोर्स उसके बाद साथियों आपका है सेकेंडरी मरहला जो कि लास्ट स्टेज है फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री और प्लस फोर है ना मरहला, इस मरहला में क्लास नौ से बारह तक की पढ़ाई होगी जिसमें चौदह से अठारह साल तक की उम्र के बच्चे को शामिल किया जाएगा यह मरहला चार साल का होगा कितने साल का होगा चार साल का होगा इस मरहले में बच्चों को अपने मजमून के इंतखाब की क्या होगी आजादी होगी और मतलब यह हो गया कि कि जो भी मजमून है वो जो चैप्टर लेना चाहता है जैसे अभी होता था ना कि अगर हम लोग साइंस लेंगे तो हमें मैथ लेना होगा और मैथ के बाद साथियों केमिस्ट्री फिजिक्स से लेना होगा अगर हम बायोलॉजी लेते हैं तो हमें केमिस्ट्री फिजिक्स लेना होगा लेकिन इस मरहला में ऐसा होगा कि जब आप साथियों चाहेंगे कि हम क्या करें मैथ भी लें पॉलिटिकल साइंस लें हिस्ट्री लें आप चाहिएगा हिस्ट्री लें केमिस्ट्री लें और जी जोग्राफी लें

जो मैं समझा जो आपके लिए जरूरी है उसका थ्योरी मैंने आपको दे दिया है ठीक है अब यहां से हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत है एक बार जी अगर जो लोग ये चाहते हैं कि जो मैं अभी आपको मास्टर नोट से पढ़ा रहा हूं कि इसका पीडीएफ इसके अंदर टोटल साथियों सात प्रैक्टिस सेट है अगर आप ये चाहते हैं कि इसका हमें सात प्रैक्टिस सेट मास्टर नोट्स से और उर्दू हिंदी का डिक्शनरी ये सब मिल जाए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा एट टू नाइन टू जीरो जुड़े हैं उनको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है और साथियों वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करिए अब हम चलते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट कुछ कराते हैं पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने चलिए देखते क्वेश्चन नंबर वन है उस्ताद किसी लफ्ज के सहारे के बगैर अपने तलबा से मुखातिब है यानी कोई लफ्ज बीच में नहीं ले रहा इसमें वो इस्तेमाल करता है तरसील, तरसील, जबानी तरसील, तहरीरी तरसील। मतलब मान लीजिए कि तरसील का मतलब क्या होता है उस्ताद कोई लफ्ज लिया ही नहीं तो भाई वो लफ्जी तरसील तो होगा नहीं जबानी और तहरीरी ये तो दोनों तरसीली है ना अगर मान लीजिए मैं बोलूं नहीं अब मैं लिख कर दू आपको तो लिखना भी तो एक माध्यम ही है ना तो यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा बल्कि ये गैर लफ्जी तरसील हो ठीक है ना ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट right हो जाएगा जी चलिए अगला क्वेश्चन है दो नंबर में चौथी जमात का एक उस्ताद देखता है कि कुछ तलबा चार्ट फ्लैश कार्ड और स्मार्ट बोर्ड वगैरह के जरिए जबान के नए तस्वुरात को सीखते हैं इनकी आमोदिश का अंदाजा कहलाता है मतलब एक चौथी जमात का एक उस्ताद है वो देखता है कि बच्चे जो है ना चार्ट से सीख रहे हैं फ्लैश कार्ड से सीख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड से सीख रहे हैं तो ये जो जबान सीख रहे बच्चे ये जो आमोदिश का अंदाजा है वो क्या कहलाएगा कहलाएगा जमालियाती कहलाएगा बसरी कहलाएगा जिसमानी हरकत कहलाएगा देखिए चार्ट हुआ चार्ट नहीं होता कि चार्ट बना हुआ है जी जिसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं कार्ड, स्मार्ट बोर्ड ये सब देख कर सीख रहा है तो ये साथियों बसरी कहलाएगा क्या कहलाएगा बसरी यानी कि ये दृश्य साधन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन में साथियों आप ये करिएगा देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इब्तदाई सतह पर जबान के तदरीसी आमोदिशी अमल में सबसे ज्यादा अहम क्या है मतलब प्राइमरी लेवल पर अगर बच्चे को हमें पढ़ाना है तो सबसे अहम क्या है कंप्यूटर पढ़ाएं लगत पढ़ाएं दर्शी किताब पढ़ाएं बच्चों का अदब पढ़ाएं तो साथियों ध्यान दीजिए बच्चों का अदब का मतलब होता है बाल साहित्य तो इब्तदाई सतह पर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बाल साहित्य यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है चार नंबर में कि जबान की क्लास में तलबा अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए मतलब बच्चा अगर ग्रुप में काम कर रहा है तो ग्रुप में तो काम कर रहा है तो बिल्कुल सही है क्योंकि वायु गोदकी ने कहा था कि बच्चा सहयोग के जरिए सीखता है तो उसे कौन सा काम नहीं करना चाहिए अपने इफ्को ख्याल पर तबादला ख्याल भाई जो आपके मन में चल रहा है वो तो आप पूछेंगे ही ग्रुप के अंदर ये तो होना ही चाहिए बेचैनी महसूस करना घबराहट महसूस करना जैसे यहां पर सीख रहे हैं कुछ लोग को घबराहटेगी जल्दी छोड़े कि हम जाए न्यूज देखेंगे जल्दी छोड़े कि हम जाएंगे जी फेसबुक चलाएंगे बेचैनी नहीं करना है ग्रुप तो सहयोग से तो सीखना ही है लेकिन बेचैनी महसूस करना ग्रुप में ये नहीं करना है तो ये आपका हो जाएगा गलत और यही साथियों ऑप्शन बी जो है ये आपका हो जाएगा राइट ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पांच नंबर में है पांच नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि छठी जमात का एक उस्ताद चाहता है कि उसके तलबा अच्छे मुसनिफ बने मतलब अच्छे राइटर बने वो तलबा से कहता है कि पहले वो निकात को नोट करें मतलब जो नो पॉइंट है उसको पहले आप नोट करिए फिर उसका ड्राफ्ट तैयार करें और अपने हमजोलियों से उस पर बातचीत करें उस्ताद ड्राइंग को किस हैसियत से देखता है। मतलब उस्ताद ये चाहता है कि हमारे बच्चे जो है ना वो अच्छे राइटर बने और अच्छे राइटर के लिए उस्ताद साथियों ये कहता है कि पहले आप अहम अहम पॉइंट्स को नोट कीजिए उसके बाद नोट्स करने के बाद आप क्या करिए कि एक लेखा जोखा तैयार कीजिएगा मैं किस तरह लिखना है फिर आप अपने सहयोगियों से उस पर वार्तालाप करें तो इस और इस पर बातचीत करें तो इस ड्राइंग को किस उस्ताद देखता है मजमून की हैसियत से बहसो मुबासा के प्रोडक्ट के हैसियत से अमल के हैसियत से चलिए क्या होगा एक बार सभी लोग वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिएगा जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार साथियों वीडियो को लाइक कर देंगे ठीक है ना चलिए बताइए क्या होगा जी अभी चलेगा और घबराइए नहीं चलेगा ये ठीक है ना देखिए एक बात जानिए आप लोग कुछ लोग बोल रहे हैं मजमून मजमून का मतलब ये होता है कि निबंध निबंध नहीं है बहसो मुबाहसा तो ये हुआ कि कोई टॉपिक उठाया उस पर चर्चा किया अच्छे मुसन्निफ के लिए क्या है कि जो भी अच्छा लिखता है जैसे मैं मान लीजिए कि यह सारा नोट सा तो पहले तो मैं इसमें से पॉइंट चुना हूंगा फिर मैं सारे को टाइपिंग किया फिर मैं उसको तरतीब दिया फिर मैं उस पर अपने मन में ही चर्चा किए होंगे तो ये साथियों क्या हुआ अमल हुआ क्या कहलाएगा ये अमल कहलाएगा इसीलिए पांच नंबर का जो है वह आपका होगा ऑप्शन डी यानी ये अमल कहलाएगा क्या कहलाएगा किस हैसियत है से देखता है? वो अमल की हैसियत है से देखता ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट ठीक है ना चलिए अगला क्वेश्चन है छह नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साथियों जबान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियां शामिल होती है मतलब कुछ क्रियाकलाप शामिल होते हैं अब क्रियाकलाप जो शामिल हुए आप इस बयान की ताइद में किस सरगर्मी को पेश करेंगे चलिए ऑप्शन ए में है निसाब में जी ऑप्शन ए में है निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफहीम के लिए तलबा को अपनी मादरी जबान का इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए मतलब जो निसाब में शामिल है उसको अच्छे ढंग से समझने के लिए बच्चे को हम इस बात पर राजी करें कि वो मादरी जबान का इस्तेमाल करें बिल्कुल सही है पहले आसान मतन और फिर मुश्किल मतन पढ़ाया जाए मतलब पहले हम आसान पढ़ाए फिर मुश्किल पढ़ाए उस्ताद लिखना और बोलना सिखाए और तलबा उसकी नकल करे देखिए नकल करना ये निगेटिव होता है इसलिए ये आपका कट जाएगा मश्क हद दर्जा अहम चीज है क्योंकि इससे आदत डालने में मदद मिलती है देखिए क्वेश्चन आप पहले समझिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि जे जबान सीखने के अमल में मतलब जब हम भाषा सीखते हैं इसमें चंद सरगर्मियां शामिल होती है कुछ क्रियाकलाप होते हैं आप इस बयान की तारीद में मतलब आप इस बयान के साथियों किसमें इस बयान से सहमत हैं तो इस सरगर्मी को पेश करेंगे कैसे करेंगे अगर यह बोला जाए कि शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफीम के लिए तलबा को मादरी जबान का इस्तेमाल करने पर आमादा ठीक है यह अच्छा लग रहा लेकिन ये वाला देखिए के हाथ दर्जा अहम चीज है क्योंकि इससे आदत डालने में मदद मिलती है मतलब हम बच्चे को इस बात पर आमादा करें कि वो चीजों को आमादा जी क्या करे जी चीजों को वो मश्क करे और उसको आदत डाले चूंकि मश्क के जरिए चीजों को हम सीख सकते हैं लेकिन साथियों हमें जो जहां तक लगता है कि इसका ए वाला ही राइट होगा चूंकि अपनी मादरी जबान से इस्तेमाल करें ऑप्शन ए ही इसका सही है जी नहीं डी नहीं होगा ए होगा इसका राइट ये डी वाला जो है ना ये गलत है ऑप्शन ए ही राइट होगा इसका छह नंबर का ए ही आप लोग सही कीजिएगा ए बिल्कुल राइट है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सात नंबर में सात नंबर क्वेश्चन है सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वजह की मतलब सुनने के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वजह की सरगर्मी का मतलब होता है कि उसने एक ये प्लानिंग बनाया जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं रेलवे का ऐलान होता है कि फला गाड़ी इतने बजे आएगी इसका ऐलान को सुनते हैं और एक जुदूल में ट्रेनों के आने और जाने का वक्त दर्ज करते हैं यहाँ जुदुल का मतलब हुआ कि ऐसे की एक नंबर ट्रेन इतने बजे आएगी इतना नंबर इतने इस तरह तो का एक वो जुदुल बनाता उसमें वो तलबा क्या कर रहा है कि ट्रेन को साथियों क्या है कि उसको लिख रहा है अच्छा चलिए तो ये जो होगा ये क्या होगा किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जुदुल मुकम्मल करे कर रहे हैं किसी ऐलान को बुलंद आवाज में पढ़ रहे हैं मालूमात दर्ज करके एक जुदूल बना रहे हैं और कोई छोटी फिल्म देख रहे हैं देखिए फिल्म देखना आवाज में पढ़ना ये दोनों तो आपका कट जाएगा हंड्रेड परसेंट अब आगे बताइए आप क्या क्या होगा देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि बच्चे ने रेलवे ऐलान को सुना और उसको साथियों वो ज़ुदूल में लिख रहा है तो किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जुदुल मुकम्मल कर रहे हैं बच्चे इसीलिए आपका ऑप्शन ए होगा अब ये कि मालूमत दर्ज करके एक जुदूल बना रहे मालूम दर्ज करने का मतलब जो जानकारी उससे आप नहीं बल्कि वो ऑडियो सुनकर कर रहे हैं इसीलिए आपका ऑप्शन ए इसका राइट होगा सात नंबर का अगला क्वेश्चन है आठ नंबर में कि जबान की तदरीस के कलाश में खसूसी सलाहियत वाले तलबा में वाबस्तगी कामयाबी और इज्जत नफ्स के एहसास को फरोह दिया जाना चाहिए इसके लिए जरूरी है क्या जरूरी है ऑप्शन ए में है उन तलबा की मखसूस जरूरतों के पेशे नजरियात पास सलाहियत, असातजा का तकरूर किया जाए उन तलबा को एक साथ रखा जाए ताकि वो स्कूल के अपने दिगर साथियों से मिलजुल ना सकें मुख्तलिफ नोयतों के दरसी किताबें फराहम की जाए मिलजुल कर सीखने बाहमी ताउन और बातचीत के मौाक फ्राहम की जाए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जबान की वाबस्तगी कामयाबी और इज्जत नफ्स के एहसास को फरोगा देना देना चाहिए तो इसके लिए साथियों जरूरी है कि हम बच्चे को बातचीत के मौके फराहम करें ज्यादा से ज्यादा उसको बात करने का मौका दें तो इसीलिए आठ का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है नौ नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ठीक है ना ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे ना तो बहुत आसान होगा नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि जबान सिखाने की रिवायती क्लास उस्ताद मरकूज क्लास होती है रिवायती क्लास मतलब वो क्लास जो कदीम क्लास है वो उस्ताद मरकूज होती है मतलब उस्ताद आए और आपको पढ़कर वो सिखा के चले गए आप क्या सीखे नहीं सीखे इससे कोई मतलब नहीं है ठीक है ना होती है वो बाल केंद्रित है ना पहले होता था कि उस्ताद आए और वो साथियों और आपको लिखा दिए आपको समझा या नहीं समझा कुछ पता नहीं चलेगा बस आपने लिख लिया ठीक है ना तो समझिएगा अब जो तालीम है वो तिफले मरकूज है यानी आपको समझाने पर ज्यादा फोकस हो रहा है तो रिवायती क्लास की एक खसूसियत यानी पुराने जमाने की क्लास की खबूसियत क्या है देखिए चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा तलबा जबान सीखने की खसूसी तौर पर तैयार सरगर्मियों में शिरकत करते हैं या उन्हें अंजाम देते मतलब जो खसूसी तौर पर क्लास का सरगर्मी हो उसमें बच्चे शामिल होते हैं और उसको वो अंजाम भी देते हैं जबकि उस्ताद उन सर्गियों और गर्मियों में मदद करते हैं मतलब उस्ताद जो है सिर्फ वो रहनुमा होता है वो सिर्फ हेल्प करता है यह बात बिल्कुल सही लग रही है आगे चलिए उस्ताद लफ्जों को बोलकर और पढ़कर सिखाता है और तलबा उसकी नकल करती है ये आपका गलत हो जाएगा चूंकि नकल करना ये आपका नेगेटिव है उस्ताद दर्श देता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि तलबा उनकी कारदगी के बारे में वक्फे वक्फे से बाखबर रखा जाए

दस नंबर क्वेश्चन कहा गया जबान सिखाने की ऐसी क्लास में जहां तलबा की सलाहियतों में फर्क हो जहां तलबा की सलाहियतों में क्या हो फर्क हो, फर्कता के लिए इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि तलबा मतलब बच्चे के सलाहियत में डिफ्रेंस हो।, हो सकता है कि एक बच्चा है वो साथियों तेज है एक बच्चा है जो कमजोर है सब एक जैसा तो हो नहीं सकता तो उस्ताद को इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि तलबा तफवीज करता काम को घर पर मुकम्मल करने के लिए अपने वालदे के साथ अपने उस्ताद से मुलाकात करें मतलब जो होमवर्क दिया गया है वो अपने उस्ताद के आकर कब करें जब वो अपने जी अपने वालदे को भी लेकर आए और उस्ताद से मुलाकात करे भाई ऐसा नहीं करना है छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम दें जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने समाजी रातों की महारत बढ़ाने और बड़े ग्रुपों में रहकर काम करने का मौका अब देखिए इसमें जो है वो क्या है कि साथियों बातचीत वाला ऑप्शन आ गया है इसलिए ये सही लग रहा है कि छोटे-छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम दें मतलब जो काम हो उसको छोटे-छोटे में हम करें और आपस में हम बातचीत करें ठीक है ना चूंकि एक बच्चा कमजोर है एक बच्चा तेज है तो समाज जो शमूलियाती तालीम होगी वो इससे और बेहतर है शमूलियाती तालीम का यही उद्देश्य है तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट लग रहा है अपने नंबर बढ़ाने और दिग्गर तलबा के बराबर आने के लिए स्कूल के बाद होने वाले खसूसी क्लासों में शरीक हों अपने मुश्किलों को समझने के लिए नफसियाती माल, माली और क्लास टीचर के साथ वक्फे वक्फे से मुलाकात करें इसका बी बिल्कुल राइट है तो और बी वाला ही हम लगा देंगे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहां महारतों के फरोग की नकल की जाती है उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहां महारतों के फरोग की नकल की जाती है वो क्या है मनसूबा सबक मज़ाहराती वीडियो देखना माइक्रो टीचिंग अच्छे लेक्चर के नोट बनाना क्या कहा जा रहा है भाई आपसे ये कहा जा रहा है तो उस्ताद की तरबियत की तकनीक यानी उस्ताद जो आपको सिखा रहा उसका जो टेक्निक है वो साथियों जहां महारतों के फरोह की नकल करते हैं उस्ताद के महारत को सीखते हैं वो आपका कहलाता है माइक्रो टीचिंग क्या कहलाता है माइक्रो टीचिंग तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन है क्लासरूम में तलफुज के दायरे में सिखाए जाने वाली जबान के इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के जरिए फरोग दिया जा सकता है इस ताल्लुक से दर्ज जैल में से कौन सी मिसाल अच्छी नहीं है जे मतलब जो चीज हम सिखा रहे हैं उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब आपको सिखा सकते हैं बेहतर से बेहतर सिखा सकते हैं अब टेक्नोलॉजी में क्या है जैसे मान लीजिए कि ऑडियो से वीडियो से टेप रिकॉर्डिंग से सिखा सकते हैं लेकिन कौन सी चीज है जो इस मिसाल में बेहतर नहीं है किसी नशरिए के रिकॉर्ड करके सुनाना यह तो बिल्कुल सही है ये टेक्नोलॉजी है पावर पॉइंट मुजाहरे के दौरान बयान करने का अमल देखिए जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना ये सारा पावर पॉइंट एम वर्ड में बनता है तो यह तो बिल्कुल सही है टेक्नोलॉजी है रोल पले यह भी टेक्नोलॉजी है लेकिन सफेद बोर्ड का इस्तेमाल सफेद बोर्ड से आप क्या समझिएगा कुछ नहीं समझिएगा इसलिए यह गलत है क्योंकि अच्छी मिसाल नहीं है यही गलत है और गलत ही सही होगा ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है तलबा से कहा जाता है कि वो कोई ऑडियो मवाद सुनकर खसूसी नुकते दर्ज करे मतलब कोई ऑडियो सुनिए और उससे आप पॉइंट को दर्ज करें इसको डॉट डॉट सरगर्मी कहा जाता है इसको क्या कहा जाएगा ताबीरती मालूम की मुंतकली पेश कयासी याद आवारी याद करने का अमल देखिए मुंतकली का मतलब होता है साथियों अंतरण ट्रांसफर आप कोई चीज सीखे उसके बेस पर किसी दूसरे चीज को सीखते हैं तो यही आपका होता है अंतरण यही होता है आपका मुंतकली आपको कहा गया कि ऑडियो मवाद सुनकर और उससे आप खूब को पॉइंट आउट कीजिए तो यह होगा आपका मालूमती मुंतकली ठीक है ना ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है चौदह नंबर में आमोजगारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता मतलब अपने इलम को खुद डेवलप करता है कौन अधिगम करता ज़बान ज़बान की की कलास में, जबान की कलास में में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है मतलब भाषा के कलास में इस बात को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं उस्ताद इंफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इसलाह के लिए वक्फे वक्फे से अपने जवाबीरा से आगा करे मतलब उस्ताद जो है ना बच्चे को इनफरादी काम दे भाई बच्चे को इनफरादी काम देंगे और प्रोजेक्ट के काम की उस्ताद निगरानी करे और इसलाह के लिए वक्फे वक्फे से अपनी जवाबी तासुरात से बच्चे को आगा करे इनफरादी काम हमें बच्चों को नहीं देना है आगे चलिए तलबा को सिखाए जाने वाली जबान की तहरीरों का ज्यादा से ज्यादा मतलब करने पर आमादा किया जाए हमें बच्चे क्या बोला जाता है खुद तश्कील कब करेंगे जब उसको हम प्रैक्टिकल के तौर पे करेंगे हम तहरीरों को ज्यादा से ज्यादा मुताला करने प्रैक्टिकल नहीं होगा इसलिए यह वाला भी कट जाएगा तलबा की सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोजिशी मवाद फराम करें ये सही लग रहा है कि बच्चे को जो हम मवाद देंगे उसके सलाहियत के मुताबिक देंगे लेकिन आगे भी चलिए इनफिरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तकवियत यानी ताकत पहुंचाकर पहुंचाकर तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले भाई साहब बाहमी ताउन का मतलब हुआ कि बच्चे एक दूसरे के सहयोग से सीखें नहीं यही होता है बच्चे अपने इल्म को खुद तश्कील देते हैं मतलब अकेला थोड़ी देगा वो एक दूसरे के सहयोग से देगा इसीलिए ऑप्शन डी ही आपका राइट होगा ये बात आप याद रखिएगा कि बच्चा हमेशा एक दूसरे के सहयोग से सीखता है ये जहां भी आता है आमतौर पर यह आंसर राइट होता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मंदरजा जैन में से तालब इल्म मरकोज तदरीस कौन सी होती है तालब इल्म मरकोज तदरीस देखिए तालब इल्म मरकोज तदरीस एक होता है साथियों आपका मरकूज मुअल्लिम मरकोज यह है कि बच्चे का कोई ध्यान नहीं रखा टीचर आया पढ़ाया चला गया और तालब इमकोज यह हुआ कि हमें बच्चे का ध्यान में रखना है बच्चे को ध्यान में रखते हुए चीजों को समझाना है तो लेक्चर होगा शख्स मरकूज होगा अमली पेश हो या मॉडलिंग होगा तो तो हो ही नहीं मॉडलिंग तो होगा ही नहीं साथियों आपका कट जाएगा अब बताइए क्या होगा पंद्रह नंबर क्वेश्चन का देखिए याद रखिए साथियों इल्म मरकूज होगा वो होगा शख्स मरकूज कि हम बच्चे यानी शख्स को ध्यान में रखते हुए और उससे ही सारा क्रियाकलाप कराएं ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा बी राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है सोलह नंबर में एक ऐसे क्लास रूम में जहां बच्चों को मरकजियत हासिल हो यानी जहां बच्चे को ध्यान में रखा जाता हो वह क्लास रूम तलबा के लिए कई तरह सीखने की सरगर्मियां जारी रहती हैं मतलब बच्चे को कई तरीके से सिखाया जाता है बच्चे क्लास रूम के बीचों बीच बैठते मतलब बच्चे को बीच में बैठाया जाता है बच्चे उस्ताद की निगरानी में दिग्धर बच्चों को पढ़ाते हैं उस्ताद गैर सरगर्म और तलबा सरगर्म होते हैं मतलब उस्ताद बिल्कुल अंठाए हुए रहते हैं और तलबा जो है ना बिल्कुल साथियों एक्टिव में रहते हैं नहीं एक ऐसे क्लासरूम में जहां बच्चों को मरकजियत हासिल है वो क्लासरूम वो होता है साथियों जिसमें बच्चे को कई तरह के सीखने के क्रियाकलाप जारी रहते हैं ऑप्शन ए आपका राइट होगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ज्यादा क्वेश्चन और नहीं है ये तो सात प्रैक्टिस सेट है लेकिन हम ज्यादा नहीं कराएंगे अब आप लोगों का स्टोप भी लें, अगले दिन भी पढ़ाएंगे चलिए से मुराद है वो तदरीस जो इस्लाही तदरीस से क्या मुराद है अभी आपको बताया था ना कि मोहाली जाती वो इसलाही तदरीस यानी उपचारात्मक शिक्षण से क्या मुराद है वक्फे वक्फे से तलबा की आजमाइश करें थोड़े थोड़े दिन पर हम बच्चे की आजमाइश करें सीखने के अमल में पाई जाने वाली कमियों को पूरा करें मतलब बच्चे की जो कमी है उसको पूरा करें या स्कूल के औकात के बाद दी जाए बासलाहियत तलबा को मजीद आगे बढ़ाने में मदद करें देखिए हमें कमियों को पूरा करना है यही होता है इस्लाही तदरीस तो इसीलिए साथियों ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट हो जाएगा सत्रह नंबर क्वेश्चन का ठीक है चलिए अट्ठारह नंबर क्वेश्चन है कि आपको कहा गया अट्ठारह नंबर में कि मुख्तलिफ बोलने वाले तलबा पर मुश्तमिल क्लास में यानी एक कसीर लिसानी क्लास में तदरीस के अमल को हम आहंग रखने के लिए मुंदरजा जैल में कौन सी हमत अमली अख्तियार करनी चाहिए मतलब वो क्लास रूम है जिसमें अलग अलग जबान बच्चे बोलते हैं अगर उस क्लास को हमें सुचारू ढंग से चलाना है तो हमें कौन सी हिमत अमली को अपनाना होगा ऑप्शन ए में है हदफ जबान इस्तेमाल न किए जाने पर किसी एक सहूलत से महरूम करना यानी बच्चा अगर दूसरी जबान न बोले तो उसको हम एक सहूलत से हटा दें जैसे कि कह दे कि तुम सवाल नहीं पूछ सकते जैसे कि कह दे कि तुम पढ़ नहीं सकते हमें तो ऐसा करना नहीं है बल्कि कसीर लसानी मुल्क में कसीर लसानी क्लास में हमें बच्चों की भाषा का सम्मान करना है बल्कि हदफ जबान को हमें साथ ही इस्तेमाल न भी, भी करे तो कोई दिक्कत नहीं ऐसा नहीं मादरी जबान अक्सर बेशतर इस्तेमाल करने की इजाजत दें ये बिल्कुल सही लग रहा आगे देखिए हदफे ज़बान का मुहतत इस्तेमाल हो मुहतत का मतलब है बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो और सीखने और तरसील को फरोग देने के लिए बाजाबता बाहमी बातचीत और सरगर्मियां हो देखिए अब आप कहिएगा कि मादरी ज़बान बी वाला लेकिन बी वाला से डी वाला ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले तलबा पर मुश्तमिल कोई क्लास है तो उसमें हम बच्चे को बाहमी बातचीत और सरगर्मियों का ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे इससे बच्चा जल्दी सीखेगा क्योंकि बच्चे अपने साथियों सहयोगियों से ज्यादा सीखते ऑप्शन डी इसका राइट होगा अठारह नंबर क्वेश्चन का ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उन्नीस नंबर में क्लास में किसी मतन ग्राफिक्स एनिमेशन और आवाज में बाहमी रक्त पैदा करने के अमल से मर, मुराद है। कोई क्लास है एनिमेशन का मतलब जानते हैं जैसे आपने देखा होगा ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ये सब जो देख रहे हैं ना ये एनिमेशन है क्या ये एनिमेशन है पावर पॉइंट में होता है एनिमेशन ऐसे आया ऐसे चला गया न्यूज वगैरह में देखते हैं वो सब एनिमेशन होता है तो क्लास रूम में किसी मतन यानी कोई पैराग्राफ ग्राफिक्स एनिमेशन और आवाज में बाहमी रप्त पैदा करने से अमल से क्या मुराद है एनिमेशन में देखते हैं जब जहाज आता है तो जहाज के बारे में एंकर बोलता है साथियों कहीं पर मारपीट आएगा तो मारपीट की मतलब मतलब उससे रब्त पैदा करना ये क्या कहलाएगा मतन की वजाहती पेशकश मल्टी मीडिया तदरीस में मदद देने वाली वजाती पेशकश खुद तालीम से मुतालिक क्या होगा चलिए बताइए इसको बोलते हैं साथियों मल्टी मीडिया बोलते हैं क्या बोलते हैं मल्टी मीडिया बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा ठीक है पावर पॉइंट एम एस वर्ड मोबाइल ये सब मल्टी मीडिया के अंदर आते हैं ऑप्शन बी ही इसका राइट होगा बीस नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि आमोदिश के तजर्बात को पेश करने का सबसे ज्यादा अच्छा जरिया कौन सा है मतलब जो चीज आप सीखे उसको साथियों जाहिर करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है टेलीविजन रेडियो प्रोजेक्ट मीडिया नमूने और चार्ट्स फील्ड ट्रिप्स देखिए हम जो चीज आप सीखे मान लीजिए कि आपको साथियों मैंने जू के बारे में पढ़ाया जू मिनसोता चिड़ियाघर चिड़ियाघर के बारे में पढ़ाया तो इसको आप बयान करेंगे तब अच्छा से सीखेंगे या हम किसी छुट्टी में आपको पटना या कलकत्ता ले जाकर चिड़ियाघर घुमा दिए तो साथियों के को अगर आपको पेश करना है तो इसका सबसे ज्यादा अच्छा जरिया है फील्ड ट्रिप्स यानी विजिट करना ठीक है ना तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है तामीरात का नजरिया है जहां तलबा तामीरात का नजरिया है जहां तलबा तलबा खुद अपने तजर्बा अपनी समझ और मालूम के जरिए दुनिया के बारे में अपनी राय बनाते हैं कई तरह के मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़कर एक अच्छा नतीजा हासिल करना टीचर के जरिए सीखना और तहकीक और मीडिया के जरिए अपने नजरियात बताना पढ़ने के लिए इमदादी सामान बनाना और तज् से हासिल फायदा हासिल करना जी तो देखिए तामीरात का नजरिया वो है कि जहां तलबा खुद अपने तजर्बा अपनी समझ और मालूम के जरिए दुनिया के बारे में अपनी राय बनाते हैं अपनी राय बनाना ही तमीरत का नजरिया है तब ने कहा गया कि बच्चा अपने इल्म की तश्किल खुद करता है तो साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा तो इस पूरे प्रैक्टिस सेट के अंदर टोटल सात प्रैक्टिस सेट है और हम क्लास को यहीं पर स्टॉप करेंगे क्योंकि अभी जो है ना छह प्रैक्टिस सेट और आपको कराऊंगा तब ये पूरा क्लास जो है आपका मुकम्मल होगा अब दो तीन बातें आपसे करनी है देखिए बहुत ही जरूरी है अहम है आपके लिए भी अहम है मेरे लिए भी अहम है सभी के लिए अहम है अब आपको साथियोंथन उर्दा उर्दू पेड़ागोजी का मैंने आपको दे दिया अब आप जो है ना जो लोग न्यू हैं हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़े होंगे अगर या फिर आप ऐप पर कोर्स लिए होंगे तो वहां पर यह वीडियो आपको देखने को मिलेगा जब आपको लगे कि हमें उर्दू पेडागोजी को फिर से पढ़ना है डर सा लगे इस पूरे को देख लीजिए एक बार ठीक है ना और इस पूरे का नोट्स जो है हमने बहुत अच्छे डिजाइनिंग में बहुत अच्छे तरीके से साथियों हमने तैयार किया है अगर आप में से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको छोड़कर किसी और जो लोग लो नहीं जुड़े हुए हैं आपको नोट्स चाहिए इस नंबर पे या फिर इस वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा कॉल कर लीजिएगा या नहीं तो जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से ले लीजिएगा चलिए बताइए क्लास आज का कैसा लगा आपको एक बार आप अपना फीडबैक दीजिए और एक शेर आपको कहना चाहूंगा कि वो शेर ये है कि मंजिल की जुस्त जू जु है तो कर जोहदे मुसलसल मंजिल की जुस्त जू जु है तो कर जोहदे मुसलसल यू मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते खूब मेहनत कीजिए दिल लगा कर मेहनत कीजिए साथियों उर्दू पेडागोजी मैराथन क्लास मुकम्मल मैंने थ्यूरी बेस्ड क्लास दिए हैं अब हम आपको कल से जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं जिससे संभावना बनता है वो सब सवाल हम आपको कराएंगे इसी प्लेटफॉर्म से कराएंगे और अब आपका जो है ना ऑनलाइन टेस्ट जो है जो एप्लीकेशन पे लगता है वो अब आप आपका बढ़ जाएगा ऑनलाइन टेस्ट अब आप आपका ज्यादा लगेगा किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी बहुत मजा आया शुक्रिया बीस पंद्रह सही हुआ थैंक यू सो मच जी शुक्रिया जी किसी को और कुछ पूछना है क्या पूछ रहे हैं सर लोगत कब मिलेगा लोगत भी मिल जाएगा भाई लोगत इसी के अंदर है ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं ये है ना लोगत दिख रहा आपको ये भी दे दूंगा सारा एक साथ दूंगा इसको आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो यह है ना लगत इसी के बारे में ना आप कह रहे हैं लेकिन एक बात कहूंगा भाई बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है दिन रात एक करके और बस यही उम्मीद है कि आप लोग मेहनत कीजिएगा इन जरूर कामयाब होइएगा और मेहनत कीजिए मन लगा के मेहनत कीजिए जी और एक दिन अब आपका हिंदी का साथियों मैराथन क्लास होगा उसको भी आप लोग करेंगे तो बहुत मजा आएगा इस वीडियो को रहने दीजिएगा ठीक है किसी को और कुछ पूछना है सी टेट उर्दू थैंक यू मास्टर नोट से मुझे चाहिए इसके लिए मैंने बता दिया ना कि आपको क्या करना होगा चलिए कारी असद साहब शुक्रिया थैंक यू अब आपका जो है ना ऑनलाइन टेस्ट बढ़ेगा ऑनलाइन टेस्ट जो ऑनलाइन ऑनलाइन लगता है टेस्ट में खूब भाग लीजिएगा हमने साथियों आपके लिए दस से पंद्रह जो है ना जी हिंदी का पैराग्राफ का टेस्ट जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे कल परसों से लगने जा रहा वो भी दीजिए बहुत मजा आएगा और बाकी और सारे भी जो आपके अहम अहम पॉइंट्स हैं नोट्स हैं उसको भी हम गाये बगाए लाते रहेंगे चलिए मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट टाइम और दुआ में याद रखिएगा इसको साथियों खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज़